नमस्कार दोस्तों, जय लंकेश। ये जो वीडियो है, मैं उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन दे दूं आपको। इस वीडियो के अंदर आपको ऑयल कलर का डेमोस्ट्रेशन होगा और क्रिएटिव पोर्ट्रेट के बारे में बताया गया है। और इस वीडियो के अंदर डेमोस्ट्रेशन मैं नहीं दे रहा हूँ, बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं जो कि इंस्टाग्राम पर हमारे साथ आए थे, प्रेम आवले, तो वो इसमें डेमोस्ट्रेशन दे रहे हैं और मुझे लगता है कि उनसे बेहतर मैं नहीं दे सकता। तो इस वीडियो को ध्यान से सुने, इस बात को स्किप मत करना। एक मतलब आप मान के चलिए, कुछ सेकंड भी अगर आपने स्किप किया तो आप कुछ ना कुछ खो देंगे। ऐसा नहीं कि मुझे अपना वॉच टाइम बढ़वाना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट सीरियसली, अगर ऑयल कलर को ढंग से समझना है, मतलब गहराई तक समझना है, तो इस वीडियो को पूरा देखना अच्छे से, स्टार्टिंग से उनकी बातों को समझना। क्योंकि ऑयल के अंदर, ऑयल की विधा के अंदर मतलब बहुत ज़बरदस्त काम है उनका, बहुत ज़बरदस्त अच्छा काम है। तो ये डेमोन्स्ट्रेशन हमारा इंस्टा पे हुआ था, उसको मैं आज ये यूट्यूब पे भी डाल रहा हूँ। तो स्किप मत करना, आराम से देखें, इंजॉय करें, सीखें और कमेंट सेक्शन में बताएं कैसा लगा। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सो प्रेम आवले जी हमारे साथ आ चुके हैं। हेलो, कैसे हैं हाय, आप? सब मैं बढ़िया, आप कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, बेहतरीन ही है। जुड़ते जाएं, जल्दी हम फिर स्टार्ट करते हैं डेमोन्स्ट्रेशन। तो सो सबसे पहले तो गाइस, थैंक यू स्वागत सो है। मच आज जुड़ने के नमस्कार, स्वागत लिए। है पहले तो आपका, क्योंकि इंक्वायरीज इतनी थी। सब थैंक यू सो मच। जितने भी ऑयल में बिगिनर्स हैं, ऑयल ही नहीं, पेंसिल चारकोल सभी में, सबकी एक रिक्वायरमेंट थी कि प्रेम को बुलाओ, प्रेम को बुलाओ। जो थैंक बहुत यू, लोग आ चुके हैं कि प्रेम मैंने आवले को नहीं बताया लिया सर। फोन। मैं अब इन्हें बताओ कि मैंने आपसे कितनी बार कांटेक्ट किया, इन्हें बताएं आप। हाँ, बहुत बार कांटेक्ट किया था, लेकिन थोड़ा सा घर में वगैरह प्रॉब्लम चल रहा था। मैं ही बहुत महीनों से ऑनलाइन नहीं आ पा रहा था, और इसी वजह से थोड़ा सा स्टेबल नहीं हो पा रहा था, टाइम वगैरह मैनेज नहीं हो पा रहा था। लेकिन फाइनली आज सारा मैनेजमेंट होके आ गया है। सो आज सारा अच्छे से हम जो भी डिस्कशन करना है, जो भी सारा लाइव डेमो है, वो सारा आज हम अच्छे से कवर करेंगे। बिल्कुल 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 तो बिल्कुल। मुझे बहुत खुशी हो रही है इतने सो लोगों ने ज्वाइन किया है अभी, ना तो मुझे सीरियसली, आपके घर पे बहुत मजा बहुत आएगा आज काम बिगिनर्स करने में। को, मतलब मुझे नहीं लगता कि मतलब इंस्पिरेशन की जरूरत है, मतलब आपको देखने के बाद, मतलब इतना मैं ये कहूंगा। आपकी उम्र कितनी है? आप अपनी उम्र बताएं एक बार, सबको उम्र बताएं, अपने बारे में थोड़ा बताएं। मेरी उम्र भैया 21 है। 21, ओ बस माय गॉड। मैं बचपन से ही करता आता हूँ, मतलब सीखता आया हूँ, जो भी है बुक्स का वगैरह, नेचर और एक्सपीरियंस और गलतियों से ही सीखता आया हूँ। ऐसा कोई प्रॉपर एजुकेशन या कुछ गाइडेंस की वगैरह तो ये नहीं हुई थी। जो भी आया हूँ अभी तक सीख रहा हूँ, जो वो खुद से ही है। जो भी बुक्स वगैरह लाए थे वो बचपन में, उन बुक्स का मैंने अच्छे से स्टडी वगैरह किया था। जो भी है, लेकिन एक चीज मेरी आवाज बताऊं, आ रही है काम सबको? बिल्कुल भैया बिल्कुल। हाँ आपको थोड़ा आवाज आ नेट रही है? ने, हाँ हाँ आवाज आ रही है। नेटवर्क की वजह से वीडियो थोड़ा सा कभी कभी अटक जाता हेलो, है, वीडियो कभी कभी अटक जाता है। हाँ आवाज आ रही है, ऑडिबल है। ओके, ठीक है। जिनको नहीं पता मेरे बारे में, मैं थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम है प्रेम आवरे, जैसे कि आप सभी ने देखा होगा। और मैं एक, जैसे कि इन्होंने पूछा मेरा एज, तो मैं 21 ईयर्स का हूँ। और पेंटिंग का एजुकेशन मैंने कहीं लिया नहीं है, मैं खुद से ही सीखता आया हूँ अभी तक। और स्पेशली मैं फिगरेटिव पोर्ट्रेट्स में, ऑयल में काम करता हूँ ज्यादातर, मेरा ये मन पसंदा है। और बाकी सारे मीडियम्स में काम करता हूँ, लेकिन ये मेरा फेवरेट है, ऐसा है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमने जो मॉडल है वो बहुत ही ज्यादा, मतलब आप सभी को जानते हैं और आप सभी उनको जानते हैं, ऐसा हमने मॉडल आज लिया है, ठीक है ना? तो इस मॉडल के ऊपर से हम काम करने वाले, मतलब लाइव नहीं, उसका रेफरेंस मैंने लिया है, वो लॉन्ग डिस्टेंस है, इसलिए उनका मॉडल अभी हमने ये किया है, ठीक है? मैं सबसे पहले अपने मटेरियल के बारे में आपको बताता हूँ, फिर हम पोर्ट्रेट के ऊपर बात करते हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं, ओके? बिल्कुल बिल्कुल। तो बेसिकली मैं तो अभी ये सबसे पहले बात करते हैं इस कैनवास की, मतलब ये एक्चुअली कैनवास का स्ट्रेचर है। ये देखिए, स्ट्रेच किया हुआ है, और बेसिकली ये कॉटन का नहीं है, ये लिनन है एक्चुअली, ठीक है? तो लिनन का कैसा होता है, आपको अगर फिनिशिंग वगैरह काम करना है, डिटेल काम करना है, और इसका जो ग्रेन्स होता है, ये जो आप देख रहे होंगे यहाँ पे, अगर आपको दिख रहा है तो इसकी जो ग्रेन्स होते हैं बहुत ज्यादा बारीक होते हैं, तो डिटेल काम करने के लिए आसानी जाती है।
या आपको जल्दी काम करना है, क्योंकि कभी कभी कैसा होता है अगर रफ टेक्सचर है तो उसपे कलर बहुत ज्यादा अप्लाई करना पड़ता है, वो सारा जो गड्ढे होते हैं वो फिलअप करने पड़ते हैं, इसलिए वो आपका काम का जो स्पीड होता है वो भी थोड़ा सा कम हो जाता है। इसपे कैसा है, एक लेयर पे ही, एक दो लेयर पे ही आसानी से काम हो जाता है ऐसा है। तो डेमो के लिए बिल्कुल बेसिकली, या फिर जल्दी काम करना है एलाफोमा टेक्निक में वगैरह, तो ये कैनवास या फिर ये लिनन में यूज करता हूँ। ये बिल्कुल। इजल तो प्रेम, है मैं रोकना चाहूंगा आपको, एक मिनट में और रोकना चाहूंगा, ये नेटवर्क का थोड़ा सा इशू हो रहा है, ब्लर हो रहा है, अच्छा बहुत ज्यादा ब्लर हो रहा है। हाँ, तो ये वाईफाई ओके, से मैं कनेक्टेड है, मोबाइल नेटवर्क है? मेरा वाईफाई से कनेक्टेड है उसके बाद इसको भी ऑफ कर। बहुत ब्लर आ रहा है, बहुत ज्यादा ब्लर आ रहा है। एक एक जस्ट एक मिनट। हाँ, आराम से। अब आ रहे हैं क्लियर? हाँ, अभी एक मिनट देखते हैं, अभी देखते हैं। जस्ट 1 सेकेंड। एक्चुअली कमेंट सेशन में सब मोस्टली सभी बोल रहे हैं कि ब्लर है, मुझे भी ब्लर दिख रहा है, और मैं नहीं चाहता ओके कि ये ओके सेशन चलो। इतना ब्लर जाए, क्योंकि बहुत नॉलेजेबल सेशन है, ये मुझे क्लियर नहीं, चाहिए। मजा आने वाला है बहुत ज्यादा, मुझको भी बहुत सीखने को मिलेगा और मजा आने वाला है। तो मैं एक बार फ्लो स्टेट में आ गया तो मुझको ये टाइम का वगैरह पता नहीं चलता कितने बजे ऐसा है, तो देखते मेरे पॉइंट नहीं, हैं थोड़ा सा नेटवर्क का। मैंने तो यहाँ पे वाईफाई कुछ लगाया बच्चे हुआ बोल है। रहे हैं, मैं भी इंस्टा के बारे में इतना नहीं जानता। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर रिकनेक्ट करो तो सही हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो आप अच्छा रिकनेक्ट कर तो लो, है ना, दोबारा, मतलब एक बार लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन करो, फिर ओके ठीक हो ओके जाएगा। चलिए, नहीं, अभी ठीक हुआ, अभी ठीक हुआ, अभी हो गया, ओके अभी हो गया, हो गया, और अभी अच्छा रहा, परफेक्ट आ रहा। हाँ, परफेक्ट, ठीक है बिल्कुल। हाँ। तो सबसे पहले मैंने ये बताया, फिर उसके बाद ये ईजर, ये मेटल का है, अच्छे से बड़े काम के लिए वगैरह है, तो हेवी है इसलिए आसानी से काम हो जाता है इस पे। ठीक ओके, है, बिल्कुल। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे मटेरियल्स है कुछ, मैंने बहुत सारे मटेरियल नहीं लिए हैं, बहुत लिमिटेड ही लिया है। कुछ भी अगर मुझको आउटडोर करना है या आसानी से अगर मुझको पैलेट चाहिए तो ये मैं टीयर ऑफ पैलेट यूज करता हूँ, ये पेपर्स की होती है वैसे यूज बेसिकली, एंड थ्रो वाला, और यूज एंड थ्रो वाला ना? यूज प्रो वाला। और कलर्स की बात करें तो मेरे को वो ब्रांड वगैरह तो ऐसा मैटर नहीं करता, जो भी अवेलेबल ब्रांड है उसमें से हम कलर्स को, कोई भी कलर से हम मास्टरपीस बना सकते हैं ऐसा मेरा कहना है। तो ब्रांड बिल्कुल वगैरह तो बिल्कुल मैटर नहीं करता, जो भी बिल्कुल, आपके पास शेड से उससे से आप कुछ भी बना सकते हैं। और दूसरी बात कैसी है, यहाँ पे जो आर्टिस्ट ग्रेड के होते हैं ना वो अच्छे क्वालिटी के होते हैं, स्टूडेंट ग्रेड में थोड़े से कलर्स के जो शेड्स होते हैं वो थोड़े से उसमें ऑयल का परसेंटेज कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन जो भी ग्रेजुएट या फिर आर्टिस्ट उसके अच्छी क्वालिटी के जो होते हैं कोई भी ब्रांड में, तो वो काम करने में सुटेबल रहता है। तो ये मेरे पास कुछ शेड्स है, मैं इसके बारे में बताऊंगा धीरे धीरे जैसे मैं इस पे कलर निकालूंगा उस हिसाब से। ठीक है, दूसरी बिल्कुल। बात, यहाँ पे मैंने कुछ ब्रश रखे, ये सारे सिंथेटिक हेयर के हैं, फिलबर्ट सिंथेटिक हेयर। बस ये एक ब्रश है, वो थोड़ा सा मुझको अगर स्ट्रोक्स वगैरह रफ चाहिए तो इसके लिए मैंने ये हॉग हेयर का रखा है ब्रश। बाकी मैं भी सबको रिकमेंड करूंगा कि आप सारे सिंथेटिक हेयर ही यूज कीजिए, बाकी क्योंकि जानवरों के बाल हमको यूज नहीं करने चाहिए वैसे तो, सिंथेटिक हेयर अच्छे होते हैं और थोड़े से सस्ते भी होते हैं इससे ज्यादा। ठीक है ना, तो ब्रश का भी कोई ब्रांड वगैरह ऐसा कुछ नहीं है कि इसी ब्रांड का वगैरह, जो कुछ भी आपके पास अवेलेबल है उससे आप पेंटिंग बना सकते हैं। ठीक है, मैं तो कभी कभी अपने हाथों से भी पेंटिंग बनाता हूँ, इसलिए मैं ब्रश अगर नहीं है तो भी चलता है, ऐसा कुछ ये नहीं है। ठीक है, बिल्कुल फिर उसके बाद लिंसिड ऑयल है, ये ऑयल हम ऑयल में ऑब्वियसली काम करने वाले है इसलिए लिंसिड ऑयल और टर्पेंटाइन, ये दो चीजें यहाँ पे इसकी जान कह सकते हैं। ठीक है, जैसे वाटर कलर में हम पानी यूज करते हैं सेम उसी तरह ही ये दोनों चीजें हम ऑयल में यूज करते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे ना बहुत सारे लोगों को एक डाउट हो रहा होगा कि टर्पेंटाइन मतलब कौन सा वाला, ये बहुत सारे लोगों को हार्डवेयर वाला लगता है तो वो हार्डवेयर में जाते हैं और उनको बोलते हैं टर्पेंटाइन दीजिए, तो ये जो क्वालिटी होती है टर्पेंटाइन की ये उतनी शुद्ध नहीं होती। ठीक है, ये पेंट रिमूवर मतलब थिनर होता है एक टाइप का ये, तो इसलिए पेंट आपको अगर धोना है ब्रश को वगैरह तो इसके लिए ये यूज होता है। ठीक है, और ये जो है ना वो ऑयल के साथ मिक्स करने के लिए ये होता है। ठीक है, तो इसमें जो प्राइस में भी अंतर है और क्वालिटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो ये मत यूज डिफरेंट, कीजिए, इससे आपका पेंटिंग वगैरह खराब होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, ओके, तो आर्टिस्ट क्वालिटी का होता है फॉर ऑयल कलर्स ऐसा उस पर लिखा होता है, डिस्टिल टर्पेंटाइन उसको कहते हैं, तो यही यूज कीजिए। ठीक है, अगर आप ये कलर में यूज करेंगे मिक्स करेंगे तो वो कलर को मारता है, छोड़ता है, वो कलर को ऐसा ये नहीं करता, उसके साथ क्या बोलते हैं इसको, बॉन्ड नहीं बनाता ऐसा है। ठीक है, फिर उसके बाद ये प्यूरिफाइड लिंसिड ऑयल। ठीक है,
ये दो चीजें इसकी मेन होती है, और ये ब्रश धोने के लिए। और ये हो गया, फिर ये आपको अगर ये दोनों को मिक्स करना है, जैसे कि हम वाटर कलर में पानी लेते हैं वैसे उस बिल्कुल हिसाब से फ्रेम इसमें फ्रेम में करना आपको रोक रहा हूँ, 1 मिनट। बच्चे फिर दोबारा से नीचे कह रहे हैं कि सर रिकनेक्ट करवा लो, ठीक हो जाएगा। तो आप एक बार रिकनेक्ट कर लें, है ना, एक बार। थोड़ा सा ओके। ब्लर हो रहा है, इतना नहीं हो रहा, बट थोड़ा हो रहा है, तो रिकनेक्ट कर लेते हैं। अभी क्लियर हुआ, मैं जब जब रिकनेक्ट बोलता हूँ ये क्लियर हो जाता है। एक बार कर ही लो, एक ठीक बार कर ही लो आप, है ना, है एक बार रिकनेक्ट। तो दोस्तों जाना नहीं है कहीं पे भी, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, बहुत ही अच्छा सेशन रहेगा ऑयल में। मैं अभी दोबारा फिर ज्वाइन करवाता हूँ। हाँ, अगर रिकॉर्डेड सेशन बिल्कुल अपलोड करेंगे, जरूर करेंगे, अगर हाँ इंस्टाग्राम ने बीच में झोलमाल नहीं किया तो। हाँ अभी थोड़ा, ठीक है। ओके। सो इतना ही मटेरियल होता है, बाकी आपके पास कोई भी कपड़ा वगैरह है ब्रश पोंछने के लिए वगैरह, तो ये भी यूज कर सकते हैं आप। कोई भी चल जाता है, ठीक है। तो इतना ही इसका मटेरियल होता है ऑयल का। तो अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट बातें करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये जो दो चीजें होती है, एक होता है डिस्टिल टर्पेंटाइन और एक होता है प्यूरिफाइड लिंसिड ऑयल, ठीक है। तो ये दो चीजें कब यूज करनी है ऑयल पेंटिंग करते वक्त, या फिर इनका कितना परसेंटेज अमाउंट लेना है, ये सारी चीजें हम अभी यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिए, बिल्कुल ये जो है ना, ये दोनों बंदे हैं, ये दोनों को परफेक्टली बराबर मिलाना है, ठीक है, ना कम ना ज्यादा। मतलब ये दोनों का 50-50% लेना है। इसको अच्छे से मिला करके, शायद आप इसका ढक्कन खोल के इसका जो ये रहता है रेशियो रहता है, उसी हिसाब से उसका भी सेम इसमें मिलाकर अच्छे से इसको मिक्स कीजिए। कभी कभी ये आप अच्छे से मिक्स नहीं कर पाते, तो कभी कभी ऑयल उसमें अच्छे से मिक्स नहीं हो पाता, टर्पेंटाइन थोड़ा सा बाजू हट जाता है, वो थोड़ा सा बाजू हट जाता है, इसीलिए आप उसको अच्छे से मिलाइए, मिक्स कीजिए, ठीक है। तो ये दो चीजें कब करनी है यूज, इसको कब यूज करना है, सिंपल है एकदम, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। जब भी आपका ब्रश आपको लग रहा है, मान लीजिए मैंने अभी यहाँ पे ब्रश लिया है, ठीक है, और जब भी आप कलर लेते हैं ब्रश में, तो आपके कैनवास पे मान लीजिए ऐसा अच्छे से लग नहीं रहा है कलर, मतलब बस पोच रहा है, हल्का हल्का सा कलर लग रहा है, ठीक है, बिल्कुल बस ऊपर ऊपर के स्ट्रोक लग रहे हैं, तो शायद आपको ऑयल की जरूरत पड़ सकती है। ऐसा है, मतलब एकदम सिंपल लॉजिक है कि आपका ब्रश जो है वो फ्लो होना चाहिए आराम से आपके कैनवास पे, ठीक है। कहीं भी ग्रिप, मतलब ग्रिप तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन एकदम ऐसा स्मूथली इसका ये होना चाहिए, मतलब मूव होना चाहिए। मान लीजिए मुझको लंबा स्ट्रोक लगाना है, तो मैं थोड़ा सा ज्यादा पतला ऑयल यूज करूंगा, तो यहां से यहां तक मुझको स्ट्रोक आसानी से लग सकता है, ऐसा, ठीक है ना। तो बाकी ये नाइफ वगैरह पैलेट साफ करने के लिए या कलर मिक्स करने के लिए भी यूज करता हूँ कभी कभी, मैं हाईलाइट वगैरह देने के लिए ऐसा यूज होता है। दूसरी चीज यहाँ पे है, इसका जो लंबाई है, ये जो नॉर्मल ब्रश रहते हैं छोटे छोटे, उससे ज्यादा है। देखिए ये छोटा ब्रश है, इसकी लंबाई से ये दुगना है ना। तो इसका क्या रीजन है मैं यहाँ पे बताता हूँ। मान लीजिए अभी मैं यहाँ पे एकदम छोटा या ये वाला ब्रश यूज कर रहा हूँ, ठीक है, एकदम छोटा सा है। मान लीजिए मुझको इतना बड़ा कुछ तो ड्रॉ करना है वगैरह, तो मेरा जो पूरा आर्म है ये, वो सारा यहां से बिल्कुल लेके यहां तक पूरा मूव करना पड़ेगा। एक मिनट में यहाँ पे लगाता हूँ तो आपको बिल्कुल, आप अच्छे से ट्राइपॉड पे समझ लगा आएगा। दें। एक मिनट, हाँ, आराम से आराम से, ये क्राउड कहीं नहीं जाने वाला, यही है। हाँ ठीक है, जस्ट 1 मिनट। दिख रहा हूँ मैं अच्छे से? ओके बराबर ठीक बराबर है। हाँ, तो जैसे कि मैंने बोला कि मान लीजिए अभी मेरे पास ये छोटा साइज का ब्रश है, तो मेरा जो हाथ है वो इतना मुझको घुमाना पड़ेगा, है ना। बट मेरे पास लंबा ब्रश है ना, ऐसे, तो मान लीजिए मुझको बड़ा कुछ तो शेप बनाना है वगैरह, तो मैं इतना सारा बड़ा हाथ घुमाने की जरूरत नहीं पड़ती मुझको, बस कुछ ही उंगलियों की स्ट्रोक में, राइट। मतलब इतना लंबा मुझको स्ट्रोक लगाना है, तो मैं बस एक उंगलियां है, मतलब बस उंगलियां हिलाने से इतना लंबा स्ट्रोक लग जाता है, और छोटे से बिल्कुल इतना लंबा ऐसा पूरा हाथ लगाना पड़ता है ना।
तो सिंपलिसिटी स्ट्रोक लगाने के लिए ये बेस्ट रहता है, इसलिए इसकी जो हैंडल है वो लॉन्ग होते हैं। दूसरी चीज होती है कि ये जो कैनवास होता है, ऑयल कर्व में काम करते वक्त इसके ऊपर आप हाथ नहीं रख सकते, सारा पेंटिंग गीला होता है। तो अब जैसे कि हम पेपर वर्क पे कैसे हाथ रख के काम किया जाता है, राइट, तो वो हॉरिजॉन्टली रहता है टेबल के ऊपर पेपर, और उसके ऊपर हम ऐसा हाथ टिका के काम करते हैं। बट ये जो कैनवास रहता है वो वर्टिकली होना चाहिए, वो होता है जो जो भी बेसिकली ऑयल में काम करते हैं वो सब, वो ऐसा कभी हॉरिजॉन्टली काम नहीं करते, वो आंखों के सामने होता है। और उसका भी मैं रीजन बताता हूँ बाद में। तो उसका कैसा रहता है, इसके ऊपर आप हाथ रख के काम नहीं कर सकते। अगर आपको चाहिए थोड़ा सा डिटेल काम करने के लिए, तो एक सपोर्टिंग स्टिक रहेगी वगैरह आपके पास है, कोई भी घर में छड़ी वगैरह है, तो उसके ऊपर ऐसा हाथ रख के फिर डिटेल काम करने के लिए ऐसा हल्का सा इसके ऊपर ये करके आप कर सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि उसकी एक मिनट, लाइटें चली गई थी इसलिए मैं वाईफाई के जुगाड़ में चला गया था। वाईफाई क्या, सॉरी, हाँ वाईफाई के जुगाड़ में चला गया था, लाइटिंग के जुगाड़ में भी चला गया। मैं दोबारा बुला रहा हूँ, आज किस्मत ही थोड़ी सी खराब है। हेलो। हेलो, एक्चुअली क्या लाइटें वगैरह चली, लाइट्स चली गई थी तो इस चक्कर में वाईफाई वगैरह सब ऑफ हो गया था। ओके, मुझे लगा मेरा भी चला गया, पता नहीं नहीं, कहाँ। आपका सब सही था, मेरा मेरे यहाँ लाइट चली गई थी, फिर मैं नीचे भाग रहा था इन्वर्टर के पास, अच्छा, बस इतने में लाइट आ भी गई। ओके ओके, चलिए, ठीक है। हाँ, तो मैंने पूछा कि मटेरियल में किसी को कुछ अगर डाउट है तो पूछ सकता है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नहीं, अपन जो मैंने टोकिंग का जो रखा है कि टोक जो भी करेगा, जिसको किसी को भी क्वेश्चन पूछना होगा वो बाद में पूछेगा, पहले हमारा डेमोन्स्ट्रेशन ओवर हो जाए। बाकी क्वेश्चंस का एक इसमें सेशन होता है, इसमें एक है, तो क्वेश्चन आते ओके, रहेंगे, आप अपना डेमोन्स्ट्रेशन ठीक देते रहें, बीच बीच में मैं पुटअप करता रहूंगा, और पक्का लास्ट में पक्का, खुद स्टूडेंट्स लाइव आएंगे, वो आपसे पूछेंगे। ओके ठीक है। बाकी अभी वॉइस और वीडियो क्वालिटी अभी ठीक है ना? ठीक है, ठीक है, हाँ, जब ये स्टिल रहता है, ट्राइपॉड पे रहता है, तब ये बिल्कुल, इसका वीडियो बिल्कुल सही आता है, अब ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। हल्का सा पास में ले लो, आप जूम कर लो इसे हाँ, एक एक मिनट। आराम से, अभी बिल्कुल क्लियर है। अभी बहुत मूड आया है मुझको काम करने का। हाँ हाँ, हाँ अभी ठीक है, परफेक्ट दिख रहा ये है। देखिए, अभी क्लियर लग रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल क्लियर है, एक बार आप भी स्क्रीन में देख लें तो आपको पता चल जाएगा कितना विजन, कितना विजन आ रहा मेरे को तो यहाँ पे क्लियर ही दिख रहा है वैसे तो। है। हाँ, नहीं, सिर्फ फ्रेम 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 देख लें, क्लियर तो है।
फ्रेम आप अपने ठीक हिसाब है, से देखना, ठीक है, ओके ओके। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। हाँ तो दोस्तों, आप बहुत लोग सोच रहे होंगे कि मॉडल कौन है आज के हमारे पेंटिंग के लिए, कोई गेस कर सकता है क्या? किसी को अगर लगता है, आप सब अरे उनको जानते हैं वैसे तो, अगर आपको पता है तो बताइए, कोई है तो कमेंट में। कमेंट में ऑन कर देता हूं, एक बार कमेंट में बताएं, गेस करें कौन हो सकता है मॉडल। कमेंट सेशन मैंने ऑन कर दिया है, देख ले आप जाके, जल्दी बताएं फास्ट। मैंने बीच में कमेंट ऑफ कर दिया था क्योंकि फिर वो आपकी स्क्रीन कम ओके दिखती है चक्कर में। हाँ बाकी बता रहे हैं, अभी बताएंगे, जब तक ठीक कमेंट्स में बता रहा है मैं, तब तक मैं बता दूं थोड़ा बहुत कि मॉडल के बारे में तो नहीं, बट आपके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि काम इतना जबरदस्त है, इतना खूबसूरत। अगर वासुदेव कामत सर के बाद अगर किसी का ऑयल मुझे अच्छा लगता है, वासुदेव कामत सर हो गए और अपने प्रमोद कुलरेकर हो गए, उनके बाद अगर तीसरे नंबर पे मेरे वो आसपास कोई अच्छा सा आर्टिस्ट दिखता है जो ऑयल में बहुत गजब करता है, तो वो आपका ओके। नाम। नहीं बाबा, वो बहुत बड़े हैं, नहीं वो नहीं नहीं काम नहीं पता से क्या, पता है नहीं। प्रमोद कुलरेकर सर का भी काम, मतलब आपका काम ना, मतलब ऐसे आसपास से ही लगते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि यार ये कहीं एक ही जगह के लोग हैं ये तीनों, इतना जबरदस्त काम है, बहुत बढ़िया, मतलब गजब बाबा वो बहुत बड़े सुपर। हैं, मेरे को तो उतना एक्सपीरियंस और नॉलेज नहीं है, वो नहीं नहीं बहुत नहीं नहीं जर्नी है, वो बिल्कुल। कहने की बात है, बट आगे समय बताएगा कौन कितना लंबा जाता है, क्योंकि आने वाला समय नो डाउट बहुत जबरदस्त है आपका, बहुत जबरदस्त। क्या होता है, मैं बस सीख रहा हूँ, बहुत अरे मुझको सीखना है, बस ओपन पूरा माइंड को रख के बस एक्सप्लोर करने का ही सोच रहा हूँ। अरे किसी को पता है बिल्कुल क्या मॉडल कौन हो पता, कमेंट ना सकता आ तो रहे, आ तो रहे, कुछ बच्चे मेरा गेस कर रहे हैं, कोई पता नहीं क्या क्या नाम बता रहे हैं, सेल्फ पोर्ट्रेट बता रहे हैं कुछ बच्चे, कोई बोल रहे हैं कि ऐसा? पिताजी का सही किसका आंसर है पिताजी, बताइए, उसका नाम लीजिए। अच्छा सही सही किसका आंसर है, बहुत से बच्चे हैं, एक तो ये है क्या नाम है इसका, एक तो वीरेंद्र साल भी उसने मेरा कहा है केके सर, एक चेतना है हाँ उसने कहा है केके सर, एक रनावत है केके बॉस, बहुत से बच्चे हैं। गुड, तो आपको पता तो चल गया कि मॉडल कौन है, ऑब्वियसली के, ठीक है, के सर। और लेकिन आज थोड़ा सा ट्विस्ट होने जा रहा है, मतलब मेरी जो स्टाइल है ना, उस स्टाइल में आप काम करने वाला हूं। मतलब क्या है, बस इसमें उनका पोर्ट्रेट नहीं आएगा, उसमें एक अलग सा कैरेक्टर आएगा। ओके, तो वो क्या है आप देखते ही समझ जाएंगे, ठीक है? बस देखने में, बस पहले मैं आपको उनका रेफरेंस बताता हूं। ये देखिए, ये मोबाइल पे मैंने यहाँ पे रेफरेंस लिया है, अच्छे से देख पा रहे हैं सब लोग? ठीक है, बिल्कुल ये बिल्कुल हमने वीडियो देख वीडियो रहे कॉल पे क्लिक किया था, फोटो वगैरह एंगल वगैरह ये करके। हाँ, हैं। हाँ तो ये फोटो, इसका मैं पेंटिंग बनाने वाला हूँ, लेकिन एज इट इज नहीं, ठीक है? उसका ये है, आपको पता चलेगा काम करते वक्त, ठीक है ना? बिल्कुल तो सबसे पहले मैं यहाँ पे नीचे, देखिए आपको अगर अच्छे से दिख रहा होगा, मैंने सबसे पहले ये बॉटल के जो ढक्कन है उसमें थोड़ा सा लिंसिड ऑयल इतने अमाउंट का लिया और इसमें डाल दिया, ठीक है? पहले लिंसिड ऑयल, देन उसके बाद उतना ही मैं टर्पेंटाइन इसमें लेता हूँ। ओके टर्पेंटाइन का और इसका यूज क्या होता है, मैं फिर यहाँ पे बताता हूँ। देखिए, ये जो आपके कलर्स होते हैं ना, इसको अगर फ्लो करना है, ठीक है, तो लिंसिड ऑयल है, ठीक है? और अगर कलर्स बिल्कुल को थोड़ा सा जल्दी सुखाना है, क्योंकि ये ऑयल होता है इसलिए ये जल्दी नहीं सूखता है, बहुत दिन लगते हैं, बहुत सालों भी लग सकते हैं, ठीक है ना? मैं बताता हूँ इसका क्या होता है, सारा साइंस इसके पीछे का। लेकिन इसको जल्दी सुखाने का काम जो है ये टर्पेंटाइन ये बंदा करता है, ठीक है ना? तो ये सुखाता जल्दी है टर्पेंटाइन, और ये फ्लो करता है, तो इन दोनों का मिक्सचर जो है वो परफेक्ट रहता है। जैसे कि वाटर कलर में आपका वाटर है ना, तो वैसे ही ऑयल में ये हमारा ऑयल होता है, ठीक है? बिल्कुल ऐसे। ओके, तो मैं यहाँ पे, अभी बहुत सारे लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये यहाँ पे मैंने ये कलर कौन सा लगाया है, क्योंकि कैनवास तो व्हाइट होता है ना, कैनवास या फिर जो लिनन वगैरह है। तो बेसिकली यहाँ पे मैं बताता हूँ, मेरे पास जो पुराना वाला लिनन था उसका एक कपड़ा था, उसके पीछे मैंने जेसो के दो तीन कोट लगा के फिर इसको सुखाया अच्छे से। सुखाने के बाद इसके ऊपर अपना जो एक्रेलिक होता है बंट अम्बर का, है ना, एक्रेलिक का एकदम पतला कोट इस पे लगाया है, बहुत ही पतला है ना, हल्का हल्का ट्रांसपेरेंटली दिख रहा है, ठीक है?
तो इसका यूज क्या है या इसका बेनिफिट क्या है मैं बताता हूँ। देखिए, जब भी आप व्हाइट पे काम करते हैं, मतलब ऐसा कुछ नेसेसरी नहीं है कि ऐसा करना है, ठीक है, जब भी आप व्हाइट पे काम करते हैं तो व्हाइटनेस का जो रहता है ना, उसको आंखों को थोड़ा सा डिस्टर्ब करने लगता है, ठीक है, और आपका जो ये होता है मतलब वैल्यूज वगैरह डालने के लिए वो थोड़ा सा ये रहता है, लेकिन इस पे अगर आप करते हैं तो थोड़ा सा टोन्ड रहता है ये, तो वैल्यूज वगैरह ऐड करने के लिए आपको थोड़ा सा आसानी जाती है, बस इतना ही है, बाकी उसका कुछ ये नहीं है, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने पैलेट पे, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये मैंने बर्नट अम्बर की शेड निकाली है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि यही शेड लेनी है, लेकिन ये थोड़ी सी ये रहती है, मतलब किसी में भी आसानी से मिक्स हो जाती है, इसीलिए मैं ये बर्नट अम्बर की शेड यहाँ पे निकाला हूँ। आप रॉ अम्बर भी यूज कर सकते हैं। बर्नट सियन ना ये बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट कलर होता है, तो इसलिए मैं वो ड्राइंग के लिए यूज नहीं करता, ये बर्नट अम्बर परफेक्ट है, ठीक है। तो मैंने हल्का सा इसमें ऑयल लिया और अपना एक 0 नंबर का ब्रश लिया है सिंथेटिक हेयर का, और ये अभी हम ड्राइंग करेंगे, ठीक है। सबसे पहले ड्राइंग है यहाँ पे, वीडियो एकदम क्लियर है, अभी कोई दिक्कत नहीं। ओके अच्छा लगा सुन के। हाँ, एक बच्चे का क्वेश्चन है कि सर आपकी इंस्पिरेशन कौन है, आप किससे इंस्पायर हैं? मैं बचपन में, मैं अपनी स्टोरी थोड़ी सी शॉर्ट में बताता हूँ। जब मैं 2-3 साल का था, मैं बहुत ज्यादा जिद्दी था, मतलब एकदम नटखट वगैरह, तो पापा मेरे को चुप कराने के लिए ना, जैसे कि कोई भी बच्चे के हाथ में किताब या नोटबुक वगैरह देते हैं, पेन देते हैं, है ना, तो मेरे भी हाथ में उन्होंने ऐसा दिया, और फिर उन्होंने मुझको एक एकदम सिंपल लाइन, मतलब जैसे कि आपके कोई भी पेरेंट्स वगैरह या कोई भी आम इंसान ड्राइंग करता है ना, जैसे कि बस वगैरह होती है, कोई भी इंसान लाइन ड्राइंग वगैरह ऐसे, तो उन्होंने मुझको एकदम सिंपल से सिंपल इसमें ऐसा करके दिखाया था। तब मेरी 1.5 या 2 साल उम्र होगी ऐसे, तो मैं हाथ में दाएं ऐसा कोई भी लेफ्ट या राइट हैंड में जैसे भी ऐसे ऐसे करके मैं उसको बनाने की कोशिश करता, तो दिन भर मुझको वो इतना ज्यादा पसंद आता ना, मतलब बाकी मुझको किसी चीज का ये नहीं था, शौक नहीं था, मतलब पहले मेरे पास बहुत सारे खिलौने वगैरह थे, मैं बहुत ज्यादा इतना ज्यादा नटखट था ना, लेकिन धीरे धीरे ना वो मुझको बहुत ज्यादा मजा आने लगा वो ड्राइंग वगैरह करते हुए, तो फिर मैं धीरे धीरे शांत होने लगा, मतलब नटखट मेरा थोड़ा सा कम होते गया, लेकिन पूरा कम नहीं हुआ है। ये करते करते फिर सारे सब लोग कहने लगे कि यही इसको अगर ये करता है और इसी से ये शांत रहता है तो इसको कोई रोकेगा नहीं, है ना, तो सब लोग सपोर्ट भी करने बिल्कुल लगे, घर वाले, तो सब लोग बोलने लगे कि अगर इसको आर्टिस्ट ही बनना है, मतलब हमारे घर में वैसे तो पता नहीं था कि आर्ट वगैरह ऐसा फील्ड होता है, ऐसा कुछ नहीं पता था, जो भी आपको मतलब मैं करता हूँ वो सबको अच्छा ही लगता था, तो मेहमान वगैरह आते थे वो अप्रिशिएट वगैरह करते थे, और उनका सामने बिठा के मैं जो अपना चौक वगैरह रहता है या चूल्हे जलाते हुए जो ये रहते हैं ना लकड़ी जलाए हुए कोयला, उससे मैं जमीन पे वगैरह बनाने की कोशिश करता, वो गांव की जमीन वगैरह, तो उसपे वो सब सब लोग बहुत ऐसा ये हो जाते थे, मतलब शॉक हो जाते थे कि मतलब ये, या फिर उनको मजा आता था कि ठीक है अभी बेटा बेटा कोई भी बच्चा होता है तो उसको पोएम बोलने को बोलता है, लेकिन मेरे को वो ड्राइंग बनाने को बोलते जाते थे, ड्राइंग तो करने को मेरे को बोलते बहुत थे। इंस्पिरेशन मिलता था, यार वाह क्या बात है ऐसा, और वो मतलब मेरे को लगता था कि मैं ये कर रहा हूँ इसलिए वो खुश भी हो जा रहे हैं, मेरे को पैसे भी देते हैं वगैरह, तो फिर वो मेरा एक उसका चस्का लगने लगा, ठीक है ना। तो धीरे धीरे हमारे स्कूल में कॉम्पिटिशन वगैरह होती थे, और तो उसमें मैं पार्टिसिपेट वगैरह करने लगा, मेरे को पेंटिंग का कुछ नहीं पता था, मैं ड्राइंग, बस ड्राइंग में मेरा ये था, ड्राइंग मतलब मेरा पेंसिल पेन या फिर जो भी चाकू वगैरह है वो सब में मेरा मतलब बहुत ये होता था, मेरे को पता ही नहीं था पेंटिंग वगैरह कैसे की जाती है। फिर कुछ सालों बाद ड्राइंग की कंपटीशन वगैरह होती थी, लेकिन मैं उसमें ड्राइंग ही करता था, बाकी पेंटिंग उसमें कर नहीं पाता था। फिर मम्मी ने एक बार मुझको दिखाया कि बेटा ये देखिए ये सब वॉश लगाना होता है, वो वाटर कलर का 15 रुपए का एक ये आता था डिब्बा छोटा सा, तो हाँ, उसका वो छोटा टिकी मम्मी आता ने, है ना, ब्लू कलर हाँ वाला। हाँ ब्लू कलर वाला वो, तो मम्मी ने उसमें छोटा सा इतना छोटा सा ब्रश भी रहता था, तो पानी में मिक्स करके कोई भी कलर वगैरह ऐसा कुछ भी लगाया, मतलब मेरे पता ही नहीं था यार कलर लगाते कैसे है ना, तो सबसे पहले मम्मी ने तब ऐसा बताया था, तब मैं फिफ्थ सॉरी
फर्स्ट स्टैंडर्ड में होऊंगा शायद। तो ऐसे करते करते फिर मैं धीरे धीरे समझ आया कि यार ये कलर्स वगैरह ऐसे, वैसे तो मुझको कलर समझ नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे मैं उसको जानने लगा कि हाँ ऐसे होता है ऐसे। फिर मैं जब फोर्थ में था तब हम पुणे में शिफ्ट हो गए, तब मुझको पता चला कि यार ये आर्ट का फील्ड जो है वो, मतलब मैं सोचता था वैसा नहीं है, ये पूरा अलग ही है, मतलब ये पूरा आर्ट का अलग सा फील्ड ही है। मतलब मुझको लगता था कि मैं जो बनाता हूँ वही सब आर्ट है या ड्राइंग है वैसा, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझको पता चला कि ये पूरा फील्ड ही पूरा मतलब अलग सा है ऐसे। तो फिर बहुत सारे लोगों के वहां पे कैसा है आर्ट का थोड़ा सा सारा माहौल है, इसलिए मैं एग्जीबिशंस देखने जाता था, अलग अलग कॉम्पिटिशन वगैरह आर्ट इवेंट वगैरह होते थे तो उनको देखने के लिए मैं जाता था। कई भी न्यूज में पेपर्स में वगैरह आते रहते थे ना ऐसे, तो पापा भी मुझको ले जाते थे। घर से बहुत ज्यादा सपोर्ट था मेरे को, मतलब कभी भी मुझे किसी ने कुछ भी करने को रोका नहीं ना टोका नहीं ऐसे। जो भी मैं करता था, भाई तेरे को बेटा तेरे को कुछ भी करना है कर, बस खुश रहे, ऐसा मुझको बोला जाता था। तो इसलिए मैं इतना आगे बढ़ चुका हूँ, ये सारा क्रेडिट मेरे घर वालों को जाता है ऐसा। नो डाउट सपोर्ट चाहिए होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है सपोर्ट। तो अगर आपके आपके साथ अगर आपके पेरेंट्स भी देख रहे हैं तो उनको ये बात मतलब बताइए कि पेरेंट्स का सपोर्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो भी आपको पसंद है उसमें बस आपका सपोर्ट मिले, यही आपके बच्चे पे बस भरोसा रखिए, वो जो भी करता है ना मतलब करने दीजिए उसको दिल खोल के ऐसे। हाँ बिल्कुल तो फिर धीरे धीरे मुझको समझ आया कि ये भाई जो मैं कर रहा हूँ ये तो कुछ भी नहीं है, इससे अलग भी ये है। तो मेरे में वो अलग सी ईर्ष्या होने लगी कि यार वो क्या काम करते। तो मेरा ईर्ष्या जो है वो बहुत ज्यादा बड़े लोगों से होती थी, तो मैं उनको टारगेट रखता था, यार इनका वर्क कितना अच्छा है यार, मुझको इतना ऐसा करना है यार, क्या काश मैं कभी कर पाऊंगा कि नहीं। लेकिन मैं ये नहीं, हार नहीं मानी, नहीं कुछ भी करना है ना करना ही पड़ेगा। तो मैं दिन, मेरे को दूसरा बाकी कुछ करने का मन ही नहीं करता था, जब तक मेरा सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था तब तक मैं कुछ करने का सोचता ही नहीं था ऐसे। तो धीरे धीरे फिर मुझको बुक्स वगैरह ला के उसका मैंने स्टडी करना स्टार्ट किया, वहां पे जो भी एग्जीबिशन वगैरह होते थे उनको मैं पूछता था कि उसकी बुक्स वगैरह क्या है या फिर इससे मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, तो वो थोड़ा सा नॉलेज मुझको दे देते थे कि तुझको ये करना चाहिए आगे जाके ये वगैरह ऐसे। तो ऐसे ही मेरे को ये करते करते फिर मैंने बुक्स का बहुत अच्छे से स्टडी करना स्टार्ट किया। मैंने ऐसे किसी का लाइव डेमो वगैरह तो नहीं देखा था, मतलब आर्टिस्ट के पेंटिंग्स देखे थे लेकिन वो करता कैसे है वो कभी नहीं देखा था। मैंने बस नहीं इमेजिन किया देखा। था कि ऐसे उसने स्ट्रोक लगाया है तो वो उसने कैसे लगाया होगा, ये इफेक्ट कैसे आया होगा, है ना, ये सारी चीजें। बिल्कुल तो पहले मैं वाटर कलर आर्टिस्ट था, मतलब मैंने बहुत काम किया था पहले वाटर कलर में, लैंडस्केप वगैरह लाइव जाके इधर उधर ये सब करता था। लेकिन फिर धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट ये ऑयल में बढ़ने लगा, बाकी लोगों का मैं वर्क देखता था ऐसा वैसा। तब मेरे पास मोबाइल वगैरह कुछ नहीं था, तब लाइव ही सारा था, जो भी है वो लाइव ही, मुझको लगता था हाँ ये जो है ना वही सब आर्टिस्ट है, मुझको तब आर्टिस्ट के नाम भी नहीं पता थे। थैंक गॉड ये इंटरनेट वगैरह जियो वगैरह आने के बाद, यूट्यूब वगैरह आने के बाद फिर पता चला कि यार ये जो फील्ड है वो बहुत बड़ा है ऐसे, है ना। तो फिर ऐसे करते बिल्कुल करते मैंने 10th भी की कंप्लीट अपनी, और तब तक मेरा आर्ट भी बहुत अच्छा हो गया था। तो फिर तब जाके किसी ने बहुत सारे सजेशंस दिए थे कि तुमको आगे ये करना चाहिए वो करना चाहिए ऐसे ऐसे। तो मेरा टारगेट था कि यार मुझको अगर ये करना है ना 10th के बाद मैं कहीं नहीं और जाऊंगा, बस जे मेरा एक सपना है ना। तो फिर वहां बिल्कुल जाने के बाद फिर मैंने सोचा, उनको जाके मैंने पेंटिंग वगैरह दिखाई, वो तब विश्वनाथ साबे सर थे उसके लिए, तो उनको मैंने सारी अपनी पेंटिंग वगैरह दिखाई, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया। तो उन्होंने सबसे पहले मुझको सजेशन किया था कि तुम अभी जो कर रहे हो वो मतलब अलग है, ठीक है ऐसे उन्होंने ऑनेस्टली बोला था। तो ऐसा नेसेसरी जी नहीं है कि कोई कॉलेज से ही हम सीखे वगैरह, अभी तक जो जैसे तुमने सीखा है वो नेचुरल है राइट, तो वो तुमने ये बिल्कुल किया है, मतलब ऐसा किसी ने तुमको सिखाया नहीं है या ऐसा नहीं है राइट। तो जो तुमने किया है वो उसको सुधारते हुए सीखे हो। तो उन्होंने ऐसा बोला कि मैटर नहीं करता कि हम ऐसा कॉलेज वगैरह जाना चाहिए करें या फिर ऐसा वैसा। तो उन्होंने फिर मेरे दिमाग में आइडिया डाली कि यार फिर डिग्री वगैरह क्या है, फिर डिग्री का क्या होता है। तो फिर मेरे को समझ आया कि आर्ट के फील्ड में लोग पेंटिंग देखने आते हैं उस ना कि डिग्री देखने आते हैं, है ना। आप एग्जीबिशन वगैरह जाने जाते हैं तो पेंटिंग के एग्जीबिशन लगे जाते हैं ना कि डिग्रीज के, है ना। तो फिर मुझको समझ आया कि बिल्कुल वो भी यहाँ पे कुछ ये नहीं है कि हाँ डिग्री चाहिए ऐसा ऐसा, बस आपका काम बस होना चाहिए
डिग्री यार मतलब उसका कुछ पूछने वाला भी नहीं है कि यार तेरे ने कहाँ से लिया है ऐसा वैसा, है ना। तो फिर ये भी मेरे दिमाग में आया, फिर तब से मैंने सोचा कि नहीं यार जो भी करना है ना मैंने ये रिस्क लिया है तो मैं सब खुद से ही करूंगा ऐसा। तो फिर तब से मैंने खुद से इंप्रूवमेंट करना स्टार्ट किया ऐसा वैसा। कोई बोर तो नहीं ना हो रहा यार, मैं बहुत ना बोर हो ना रहा बिल्कुल कोई नहीं, कोई बोर नहीं हो रहा, सब जानना चाहते हैं। बोर होते तो 335 लोग नहीं होते चैट में ऊपर लाइव में। तो हाँ मैं अपना थोड़ा सा जर्नी ये करता हूँ, मतलब ये कंटिन्यूअस ऐसा ट्रेन भाग रही है ऐसा नहीं लगना चाहिए, थोड़ा इसका भी हाँ फिर उसका भी ऐसा वैसा है, ठीक है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल बेसिकली मैं इतना ही ड्राइंग करता हूँ, इससे ज्यादा डिटेल नहीं करता। बस इसके बाद बस उसका एक ये आना चाहिए, क्या बोलते उसको, एक ऑल ओवर कि आपको समझ आना कि चाहिए कि यहाँ पे कंपोज कैसे हुआ है ऑल ओवर आपके कैनवास पे वगैरह, है ना। उसका फेस वो एक कितना हल्का बड़ा सा होना फील आ जाए, चाहिए। वो हल्का सा एक फील आ जाए कि ठीक हाँ है। हाँ बस हाँ बस कुछ ही स्ट्रोक्स में मैंने बस ये सही किया है, बाकी उसमें हर एक इसका ये नहीं किया है। कुछ आपने देखा ही होगा, बस कुछ लाइंस में ही मैंने ये सब किया है, राइट। बस बिल्कुल इतना ही मैं ड्रॉप करता हूँ, इससे डिटेल में करने जाऊंगा तो फिर वो सारा ये हो जाएगा, इसलिए मैं इतने इससे ज्यादा डिटेल नहीं करता हूँ। इससे बिल्कुल डार्क में पेंटिंग ही स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको कलर्स निकाल के बताता हूँ कि कौन से शेड्स मैं यहाँ पे यूज करता हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे येलो ऑकर निकाला है, ये येलो ऑकर व्हाइट और टाइटेनियम व्हाइट है यहाँ पे। येलो ऑकर, फिर वर्मिलियन रेड, और इसके बाद बर्न सियाना है। ऐसे कुछ शेड्स वगैरह तो मैटर नहीं करते हैं, मतलब कलर्स वगैरह आपके बस आपके टोनल वैल्यूज, फिर आपका कंट्रास्ट है, फिर आपका सैचुरेशन है ना, क्रोमा है, ये जो चार बेसिक चीजें होती है ना वो अगर आपने परफेक्टली ये की है तो आपने कौन से कलर शेड्स यूज किए हैं, कौन से चूज की है ये यहाँ पे मैटर नहीं करता है। मैटर नहीं करता, सही तो ये मैटर नहीं करता कि आपके पास कौन सा शेड है वैसा वैसा, बस आपको टोनल वैल्यूज, कॉन्ट्रास्ट, क्रोमा और सैचुरेशन ये सारी चीजें बस यहाँ पे ध्यान में रखनी है, ठीक है। बाकी कुछ नहीं मैटर नहीं करता कि आपने कौन सा क्या यूज किया है। तो यहाँ पे मैंने व्हाइट निकाला है, टाइटेनियम व्हाइट, फिर येलो ऑकर है, वर्मिलियन रेड है, यहाँ पे हमारा बर्न सियाना है, यहाँ पे बर्न अंबर ऑलरेडी निकाला था मैंने, और ये अपना फ्रेंच अल्ट्रा मरीन या अल्ट्रा मरीन ब्लू वगैरह चल जाता है। ये और आखिर में ये ब्लैक है, आइवरी ब्लैक। तो ये हो गई बेसिक लिमिटेड पैलेट, मैं इससे ज्यादा कलर्स के शेड्स नहीं यूज करता हूँ। अगर चाहिए होता है कि अलग से शेड, जैसे सैप ग्रीन चाहिए, क्रोम येलो चाहिए, है ना, अलग से अगर हम उसको थोड़ा सा उस अकॉर्डिंग, मतलब जैसे सब्जेक्ट है मैंने चूज किया है उसके ड्रेपरी के कलर्स कैसे अलग अलग, या आउटडोर में कुछ कलर्स उसको डालने हैं ऐसे वैसे, तो उसके लिए मैं एक्स्ट्रा शेड्स यूज कर सकता हूँ। लेकिन बेसिक पोर्ट्रेट के लिए ये इतने ही शेड्स यूज होते हैं, जैसे कि ब्लैक व्हाइट हो गए, और ये बेसिक तीन जो कलर्स होते हैं प्राइमरी कलर्स, है ना, येलो है, रेड है, ब्लू है, और अपना बर्न अम्बर या बर्न सियना ऐसे, ठीक है। तो बिल्कुल इसका यूज क्या है, एक शैडो डालने के लिए या डार्कनेस बढ़ाने के लिए इन दोनों का यूज होता है, बर्न सियना और बर्न अम्बर का, ठीक है। ब्लू का भी होता है, मतलब ये वैल्यू होती है टोनल वैल्यू कि सबसे पहले लाइट कहाँ पे है, फिर डार्कनेस कहाँ कहाँ जाता है उस हिसाब से, ओके। तो ये बस इतनी ही पैलेट है, अब हम डायरेक्टली इस पे स्टार्ट करते हैं। पोर्ट्रेट एक्चुअली किसी भी इंसान का बस चेहरा कॉपी करना नहीं होता है। हेलो हेलो। हाय। हाँ आज ना किस्मत बहुत ज्यादा खराब है, पता है। अच्छा पता सेशन होने वाला है तो थोड़ा है। नेटवर्क का बहुत इशू। आज मेरी मेरी तरफ से पहली बार नेटवर्क का इशू हो रहा है, पता है। अरे आज तक नहीं हुआ, इतने लाइव कर यार, लिए मैंने, 100 150 लाइव हो चुके हैं मेरे, लेकिन आज अरे तक कभी इशू नहीं है यार।
पता नहीं, मेरा भी वाईफाई है लेकिन बीच में ही आज आज तक जा रहा है, पता नहीं कैसे। अच्छा वो क्या रहा है, लाइट ना कम ज्यादा हो रही है, तो इस चक्कर में अच्छा इन्वर्टर भी पूरा नहीं चल पा रहा है, लाइट जाए तो अरे इन्वर्टर चले, ऐसा कुछ हो रहा है। अच्छा। हाँ चलिए, मैंने वैसे पहले वाला वीडियो था जो वो सेव कर दिया है, मैं उसे अपलोड करके आया हूँ, फिर दोबारा लाइव आया हूँ। ठीक ठीक है, तो जितने भी लोग हैं चिंता ना करें, इससे पहले वाले वीडियो में जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी वो वहां सेव हो चुका है, देन अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके ओके ठीक है। ओके चलिए। तो मैं ये कह रहा था कि कोई भी इंसान का पोर्ट्रेट मतलब क्या होता है, उसका बस चेहरा कॉपी करना नहीं होता है ना, उसको बस कितना आपने परफेक्टली सेम टू सेम एज इट इज बनाया है ये उसमें नहीं आता। ये होता है लेकिन वो उससे भी आगे की चीज है। मतलब लोगों को लगता है कि सेम टू सेम मैंने इसका पोर्ट्रेट उसका कॉपी किया है या उसका चेहरा कॉपी किया है तो यही पोर्ट्रेट हो गया, वाह क्या बात है। तो इतना पोर्ट्रेट नहीं है, लाइकनेस बस पोर्ट्रेट नहीं होता। आपने कितना कॉपी अच्छे से किया है इससे भी ज्यादा उसको कितना अच्छे से कैप्चर किया, उसके कैरेक्टर को, उसके स्वभाव को, उसके आत्मा को आपने कितने अच्छे से कैप्चर किया है ना, वो फील होना चाहिए। मतलब देखने के बाद अरे यार ये इंसान बोलने लगेगा, वो डिटेल से नहीं आता। आपने कितने भी लाख उसमें डिटेल की है, बहुत ज्यादा फिनिशिंग किया है लेकिन वो उसका मेन कैरेक्टर, उसका नेचर ही नहीं है, उसका वो मिसिंग है। तो फिर आपने कितनी भी इतनी मेहनत की है वो सारी बेकार हो जाती है। ऐसा बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल डिटेल करना ना करना ये बात नहीं है लेकिन उसको आपने कितने अच्छे से कैप्चर किया है उसके स्वभाव को, और मतलब वो बोलने लगना चाहिए, वो बस वे एक 2D इमेज नहीं लगनी चाहिए। फोटोग्राफी में और पेंटिंग में यही बड़ा डिफरेंस होता है बिल्कुल कि वो फोटो खींचा है कैमरे ने और हमने फील करके उसको कैनवास पे बनाया है हाथ से, है ना, ये बड़ा डिफरेंस होता है। इसीलिए बस पोर्ट्रेट मतलब एक इंसान का एक फोटो नहीं होता है ना, इमेज होती है, उससे भी उसका कैरेक्टर, उसकी सोल उसमें कितनी लाई है उस आर्टिस्ट ने, वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल तो यहाँ पे मैंने स्किन टोन बनाया है, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले मैंने हल्का सा येलो ऑकर लिया है, फिर वर्मिलियन रेड और फिर व्हाइट। इन तीनों का जो प्रमाण है वो ऐसा कुछ ये नहीं है, रूल नहीं है कि इतना ही होना चाहिए, वो डिपेंड करता है टोनल वैल्यूज, कितना डार्कनेस है, लाइट कितनी आई है ना, और स्किन का कलर कितना डार्क है कितना लाइट है, उस हिसाब से इसमें कम ज्यादा प्रमाण वो डालता है। ठीक है, अगर आपको डार्क चाहिए तो बर्नट अम्बर या बर्न सीना, उस हिसाब से वैल्यूज को ध्यान में रख के आप उसमें डाल सकते हैं। ठीक है, डाल लेकिन सकते जो हैं। होता है ये तीनों को ही मिक्स करके आप बना सकते हैं। मतलब क्या है, बेसिकली ऑरेंज, ऑरेंज में व्हाइट मिलाने के बाद स्किन टोन के करीब ऐसा पहुंचता है। किसी की फिर ब्राउनिश होती है, जैसे कि हम इंडियन की जो होती है ब्राउनिश होती है तो उसमें बर्न अम्बर ज्यादा मिलाना पड़ता है। किसी की बहुत ज्यादा डार्क स्किन होती है तो उसमें ब्लैक मत यूज कीजिए, उसके अलावा अपना जो अल्ट्रामरीन ब्लू है उसमें थोड़ा सा ऐड करते जाइए बर्न अम्बर के साथ, तो वो ब्लैक के करीब आएगा, एब्सोल्यूट ब्लैक नहीं होगा। ठीक है, ऐसे तो ये सारी चीजें। फिर डार्कनेस बस डार्क लाना है इसलिए आपने ब्लैक यूज किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो डार्क में भी वो कलरफुल होना चाहिए, है ना, वो उसका क्रोमा कम नहीं करना चाहिए। क्रोमा कम करने के लिए आप इन सारी चीजों को एक साथ मिक्स कीजिए, सारा क्रोमा कम हो जाएगा। क्रोमा क्या मतलब होता है, उस कलर की इंटेंसिटी कितनी ज्यादा है। मतलब फॉर एग्जाम्पल येलो है तो उसमें येलोनेस कितना ज्यादा है, ऐसे, है ना, और ये हो गया क्रोमा। दूसरी होती है सैचुरेशन, मतलब वो ग्रे की तरफ कितना जा रहा है ना, कोई भी कलर हो वो कितना ज्यादा ग्रेइश है या कितना ज्यादा वो कलरफुल है, ऐसा। ठीक है, तो मान लीजिए मुझको किसी भी कलर का बस सैचुरेशन कम करता है आता है, बढ़ा नहीं सकते, बढ़ाने के लिए आपको नया कलर ही निकालना पड़ता है, ऐसा है। तो मान लीजिए मेरा ये यहाँ पे येलो है, इसका सैचुरेशन अगर मुझको कम करना है तो मैं इसमें ग्रे मिलाऊंगा, कौन सा वाला, ये ब्लैक, व्हाइट और ब्लैक को मिक्स करके जो ग्रे बनेगा उससे उसकी जो सैचुरेशन है वो कम हो जाएगी। ठीक है, और क्रोमा कैसे कम करना है, इस कलर में कोई भी अलग शेड यूज कीजिए, मिक्स कीजिए, उसका क्रोमा कम हो जाएगा इसका। ठीक है, मान लीजिए ये बिल्कुल थोड़ा सा येलो है, इसमें मैंने ये ऐड किया है ना, तो ये येलो का जो क्रोमा है वो कम हो गया, उसकी इंटेंसिटी बिल्कुल कम हो गई, ये हो गया उसका क्रोमा। और टोनल बिल्कुल वैल्यू, जैसे कि मैंने बताया कि वो कितना डार्क है या फिर कितना लाइट है, इसको अच्छे से समझने के लिए मैं यहाँ पे करके बताऊंगा धीरे धीरे वो कैसे करना है। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे स्किन टोन बनाया है इन तीनों कलर्स को मिक्स करके। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं सबसे पहले शेडो मतलब डार्क टू लाइट जाऊंगा ऐसे, तो पहले मैं शेडो भी इसकी यहाँ पे बना लेता हूँ।
शैडो के लिए मैं एकदम फ्लैट कलर यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं थोड़े से कलरफुल शेड्स का यूज करूंगा हल्के से। मतलब शैडो जो है वो थोड़ी सी रंगे बिरंगी लगनी चाहिए, एकदम फ्लैट नहीं लगनी चाहिए। बिल्कुल तो ये देखिए यहाँ पे मैं, यहाँ पे कुछ शैडो है यहाँ इसकी, यहाँ मैं स्किन की शैडो कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे दाढ़ी का पार्ट है, ये डार्क है ऑब्वियसली, बट मैं उसका यहाँ पे सोच नहीं रहा हूँ। वो जो जितना स्किन का पार्ट है वहां पे कितने कितने शैडो है, ये है आंखों के यहाँ पे नीचे, आईब्रोज के नीचे है, नोज के नीचे है, लिप्स के नीचे है, ये सारी जो शैडो है वो यहाँ पे मैं पहले फिलअप कर रहा हूँ हल्के से। बिल्कुल ऑयल का काम करने का दूसरा बेनिफिट ये है कि ये बंदा बहुत ज्यादा आपको फ्रीडम देता है कि आपको आज करना है काम, बोर हो गए बाद में करना है, कैसे भी करना है उस हिसाब से आपके मर्जी का राजा ये आपको कहलाता है। वाटर कलर में बिल्कुल आप रहते हैं वो वाटर कलर राजा रहता है, ऑयल में वो बोलता है कि भाई तू राजा है तो तू जो बोलेगा हम वैसे करेंगे, ऐसा हम है। ऐसा करते हाँ एक बच्चे का क्वेश्चन है कि इंडियन आर्टिस्ट में आप किसे फॉलो करते हैं, वेस्टर्न में किसे फॉलो करते हैं, इंस्पायर किसे हैं या वैसे फॉलो करते हैं जो भी है। तो बहुत सारे हैं यार, बहुत मतलब हर मतलब ऐसा एक का नाम तो मैं नहीं ले सकता, बहुत सारे हैं, बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं काम करने वाले। मतलब मेरे को बस पोर्ट्रेट काम करने वाले नहीं पसंद है, अलग अलग जो उनकी स्टाइल है, एब्स्ट्रैक्ट वाले भी कुछ आर्टिस्ट है उनके अलग अलग स्टाइल में वो काम करते हैं, वो भी सारे बहुत सारे आर्टिस्ट है ऐसे, वेस्टर्न में भी वैसे है। लेकिन मैं ऐसा ये करता हूँ कि जो उनसे कुछ तो सीखने को मिल सकता है, जैसे कि मैं एक का नाम ही नहीं ले सकता, मतलब बहुत सारे लोगों से मैं कुछ ना कुछ तो सीखता रहता हूँ जो भी अच्छा काम करता है। बस यहाँ पे बिल्कुल आर्टिस्ट नहीं है, चाहे वो छोटा सा मतलब कोई बिगिनर भी हो ना तो उससे मैं कुछ सीख सकता हूँ, ऐसा है। मतलब अरे यार ये तो बिल्कुल चीज मुझको पता नहीं थी, ये इसने सिखा दी मुझको, है ना। तो यहाँ पे ये बिल्कुल मैटर नहीं करता कि उसके लिए बड़ा आर्टिस्ट होना चाहिए या टॉप का आर्टिस्ट होना चाहिए, बहुत सारे ऐसे बंदे हैं मतलब वो बिगिनर भी है लेकिन उनसे कुछ ना कुछ तो मैं सीखता हूँ ऐसे, है ना। बिल्कुल बिल्कुल नो डाउट। स्टडी के लिए बिगिनर्स को कोई बुक वगैरह या कुछ सजेस्ट करेंगे आप? स्टडी के लिए बेसिक अगर बिगिनर है तो बुक से ज्यादा आप खुद पहले ये करिए, मुझे मतलब जैसे कि लाइंस होती है ठीक है, आपके हाथ में फ्लो आना चाहिए, सारा जो पेंटिंग होता है ड्राइंग होता है वो आपके मन में होता है, ये बस साधन है, ये हाथ जो है ना वो साधन है, इस साधन की प्रैक्टिस होनी चाहिए। मतलब क्या है, जो आपका मन कह रहा है, आपकी आंखें जो देख रही है, वो इसका कमांड जो है वो एक्सेप्ट करना चाहिए। इसकी तैयारी के लिए पहले आप इसको अच्छे से सुधारना चाहिए, सुधारना चाहिए मतलब क्या है, आपके हाथ पे कंट्रोल होना चाहिए। वो कैसे आएगा, कोई भी ड्राइंग में होता है वो सारा किसी बेस के ऊपर होता है, जैसे कि लाइंस होती है, शेप्स होते हैं, है ना, ये सारी चीजें। तो बेसिक मान लीजिए मुझको यहाँ से यहाँ तक लाइन खींचने हैं, मेरे मन में खींची है ना, तो मेरा हाथ भी जैसे बिल्कुल मैंने मेरा मन कह रहा है उस अकॉर्डिंग ही हाथ मूव होना चाहिए, है ना। तो हाथ पे कंट्रोल आना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो आने के लिए पहले तो फ्लुएंट लाइंस, ग्रेसफुल लाइंस आपको आनी चाहिए फ्री हैंड से। दूसरी बात कि आपको, आप अगर ग्रिड से कर रहे हैं तो उसको पहले छोड़ दीजिए, वो ग्रिड ये नहीं है, मतलब वो बस रिजल्ट के लिए है ना कि आपको स्किल इम्प्रूवमेंट के लिए है, ठीक है। फिर exactly. दूसरी चीज है, फिर उसके बाद आप अलग अलग शेप्स को ये कीजिए, जो ज्योमेट्रिकल बेसिक शेप रहते हैं उसको आप प्रैक्टिस कीजिए फ्री हैंड से बनाने की। फिर ऑब्जेक्ट्स है, लाइव ऑब्जेक्ट्स वगैरह डेली स्केचिंग कीजिए। फिर एक बार आप लाइव ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए आ गए हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट आप आसानी से उसका शेप वगैरह बना पा रहे हैं, तो फिर आप डेली स्केचिंग कर सकते हैं, जो भी आपको दिख रहा है उसको बस आपको पेपर पे उतारना है। ये मत देखिए कि बिल्कुल कौन सा मीडियम है, कौन सा मटेरियल है, कौन सा पेपर यूज करते हैं, ये कुछ नहीं है, जो भी आपके पास है। मेरे पास तो कुछ नहीं होता था तो मैं पेन से भी अपने नोटबुक के पीछे वगैरह बनाता रहता, ऐसा है।
तो ऐसा मैटर नहीं करता कि आपका ब्रांड मटेरियल वगैरह कुछ कुछ नहीं है, जो भी आपके पास अवेलेबल है, कुछ भी नहीं है ना, तो जाइए चूल्हे में कोई भी लकड़ी डालिए, उसको जलाइए, उससे बनाइए, है ना। कि कहाँ पर भी बनाइए, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे पास ये पेपर नहीं है, वो पेपर नहीं है, कुछ भी मैटर नहीं करता यहाँ पे। किसी से बिल्कुल भी आप मास्टरपीस बना सकते हैं, ठीक है। तो ये पहले दिमाग से निकाल लीजिए कि अच्छे मटेरियल मेरे पास होंगे तो ही मैं अच्छा से बना सकता हूँ इसे। फिर उसके बाद आता है कि आप ह्यूमन फिगर्स पे वगैरह अच्छे से स्टडी करने के लिए फिर बुक्स की वगैरह ये कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले उसकी बेसिक फंडामेंटल रहती है, किसी जैसे कि पर्सपेक्टिव है, फिर टोनल वैल्यूज है, वैल्यूज की स्टडी वगैरह, स्केचिंग है, शेडिंग वगैरह, कोई भी अगर फॉर्म है उसका शेप है, को 3D में कैसे लाए, ये सारी चीजें जो है वो रियलिस्टिक कैसे उसको ये करे, वो पहले पेंसिल से फिर उसको पेंटिंग में कैसे लाए, कोई भी मीडियम वगैरह आप यूज करते हैं उसमें, है ना, ये सारी चीजें। फिर आप पोर्ट्रेट के ऊपर आ सकते हैं, इंसान के एनाटॉमी की स्टडी वगैरह करना, ये सारी बेसिक स्टेप बाय स्टेप आ सकते हैं, ऐसा है। बिल्कुल। एक यस बच्चे का ये यस क्वेश्चन है कि सर हाँ बैकग्राउंड कितना इंपॉर्टेंट है, बैकग्राउंड कितना इंपॉर्टेंट है, बैकग्राउंड का कलर किसी हाँ पोर्ट्रेट में। वो मैं बैकग्राउंड करते वक्त तो बता सकता बताऊं तो चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अभी हम स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे ड्राइंग बनाया, फिर मैंने स्किन टोन में जो भी शैडो है उसको मैंने फिलअप किया है, ठीक है। अब मीडियम फिर लाइट में हम जाएंगे इसे धीरे धीरे। बिल्कुल ये आज पहला लाइव होगा जिसमें शायद मैं सबसे कम बोल रहा हूं ना? बस देख रहा हूं मैं तो तो यहाँ पे मैंने बेसिक जो अपनी स्किन वहां पे मैंने बना ली है। आप किसी स्ट्रोक लगाते हैं, इससे ही आपकी पेंटिंग की असली ब्यूटी होती है। तो जो भी आपके एक्सीडेंटली स्ट्रोक लगते हैं या आप जैसे भी लगते हैं उसको आसानी से लगने दीजिए। आप ये मत देखिए कि यार ये थोड़ा सा गलत हो गया ऐसे वैसे, उसकी ही रियल ब्यूटी होती है। आपका मन उसको सबकॉन्शियसली बताने की कोशिश कर रहा है कि यार ये जो है ना वो तूने जो स्ट्रोक लगाया वो मतलब मास्टर स्ट्रोक है ऐसे। तो उसको ये मत कीजिए, मतलब डरिए मत, जो भी है कॉन्फिडेंस से बनाइए, उसको एंजॉय कीजिए। जब आप कोई भी आर्टवर्क को एंजॉय करते हैं ना तो उसकी जो रिजल्ट होता है वो अलग ही होता है, सिंप्लिसिटी से जो बनाया होता है उसका। पता अभी लाइव के बीच में किसी ने वीडियो कॉल करी, मतलब एक दो बार मैंने कट भी करा है। अभी कुछ लोग होते हैं जो शायद परेशान करते हैं, किसी कोई वीडियो कॉल कर रहा था अभी, बताओ जो भी कर रहा है, मैंने तो नाम पढ़ा भी नहीं, प्लीज ना करें, लाइव चल रहा है, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, कलर बता रहे हैं आप ध्यान से देखें, कलर बता रहे हैं वो, बिल्कुल बता रहे हैं। एक बार दोबारा बताएं ये कि ये जो आपने कलर बनाया था कौन कौन से कलर से मिलके बनाया है? ये अपना येलो ऑकर है, वर्मिलियन रेड है और ओके टाइटेनियम व्हाइट है। इन तीनों टाइटेनियम को कम व्हाइट ओके ज्यादा प्रमाण में, मतलब जैसे कि टोनल वैल्यू होगी उस हिसाब से मैंने इसमें कम ज्यादा प्रमाण में मिला के ये बनाया है। बिल्कुल।
किसी का क्वेश्चन है कि अगर मेरे पास जैसो नहीं है मैं हाँ कैनवास पे काम कर पाऊं। मेरी वॉइस आ रही है? हेलो, बीच में कट गया था। अच्छा, बीच में कट गया था। मैं ये कह रहा था कि एक बच्चे का क्वेश्चन है कि मेरे पास जैसो नहीं है, सो अगर मैं कुछ और क्या करूं, मतलब टेक्सचर वाइट लगा के कर सकता हूं? टेक्सचर व्हाइट का कैसा रहता है, उसका ग्लॉस और ये बहुत ये रहता है, मतलब इस पे कलर फिसल जाता है। अगर आपने टेक्सचर व्हाइट लगाया तो, बहुत लगाया है तो उसका फिसल जाता है। बाकी जो जेसो होता है उसका मैट होता है, ठीक है, वो ज्यादा ग्लॉसी नहीं होता और थोड़ा सा सस्ते में भी आता है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जेसो ही यूज कीजिए। टेक्सचर व्हाइट वगैरह आपको हाईलाइट वगैरह देना है, आप अगर इसमें काम करते हैं एक्रेलिक्स में वगैरह, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं। ऑयल के लिए ये जेसो बेस्ट रहता है। एक बच्चे का क्वेश्चन है कि ऑयल के अंदर एक बेसिक प्रोसेस क्या रहता है, स्टार्ट टू एंड, एक मोटा मोटा अगर प्रोसेस कहें तो कुछ। बेसिक सबसे पहले आपको, जैसे आपको कलर फील हो रहे हैं वो कलर्स की शेड बनाना है, उस अकॉर्डिंग कलर्स को चूज करना है, और फिर आपको ड्राइंग बनाना है। सबसे पहले तो उसका प्रोपोर्शन वगैरह कैसा है ऑल ओवर वो देखना है, और अगर आपको उसमें कॉन्फिडेंस है तो आप डिटेल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप अगर ब्रश से ही उसमें ये कर सकते हैं बाकी डिटेल्स वगैरह आगे जाके, तो इतनी डिटेल करने की जरूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा सा उसमें ये नहीं है, तैयार नहीं है उसमें, तो फिर आप थोड़े थोड़े से डिटेल्स वगैरह कर सकते हैं आंखों के वगैरह से। तो ये करने के बाद फिर डार्क टू लाइट, जैसे जैसे शेडो है पहले शेडो फिलअप करके पूरे, फिर आप हाईलाइट्स की ओर जा सकते हैं। टोन ओवरलैपिंग के बारे में कुछ बताएं, एक बच्चे का क्वेश्चन है। क्या क्या टोन, जो टोन होती है उसकी ओवरलैपिंग के बारे में कुछ बताएं। अच्छा, तो देखिए मैंने यहाँ पे ना ये सारा जो है वो अभी एलाप्रामा टेक्निक में बना रहा हूँ, मतलब वेट ऑन वेट, ठीक है। ये सारे जो कलर है वो सारे गीले है, ठीक है। नहीं तो जो डबल लेयर जो होता है इसके बाद, मतलब ये सारा सूखने के बाद, फिर हम उसके ऊपर मान लीजिए बहुत बड़ा सा पेंटिंग है ना, तो एक दिन में खत्म नहीं होने वाला है, तो उसके लिए आपको अगर 2-3 दिन लगते हैं उस पेंटिंग के लिए, तो जो पहला लेयर है वो सारा बेसिक आपको कवर करना है। उसका ऑयल जो है वो यहाँ पे मेंटेन रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जब भी आप दूसरी लेयर लगाते हैं वो पहले वाली लेयर जो ऑयल को है ना वो सोख लेती है, ऊपर वाली लेयर को, बिल्कुल ठीक है ना, ऊपर बिल्कुल वाली लेयर का जो कलर है उसका ऑयल वो सोख लेती है। इसीलिए जैसे जैसे आप ये करते हैं ना, फिर लेयर बाय लेयर आपको थोड़ा सा कलर सूखने के बाद हल्का सा उसको ऑयल का कोटिंग करना पड़ता है धीरे धीरे, तो ये थोड़ी सी अलग प्रोसेस रहती है उसकी। बाकी जो अलग करना जैसे मैं अभी कर रहा हूँ उसमें वो कुछ नहीं रहता, ये सारा एक ही लेयर में सारा ये हो जाता है। बिल्कुल। किसी का क्वेश्चन है कि ऑयल कलर भी समटाइम्स डल पड़ जाते हैं, तो बाद में उसके फ्रेशनेस ला सकते हैं क्या? हाँ ला सकते हैं। ऑयल पेंटिंग का कैसा है, मतलब डल पड़ने के कुछ रीजंस हो सकते हैं। अगर आपने उसमें टर्पेंटाइन ज्यादा यूज किया है, या फिर आपने गलत टर्पेंटाइन यूज किया है, जो मैंने बताया वो हार्डवेयर वाला वो, या फिर
हो सकता है ऑयल अगर बहुत सोख लिया है कलर्स ने, या फिर हो सकता है ऐसे कुछ रीजंस उसमें हो सकते हैं, ठीक है ना। तो कौन सा रीजन है उसी अकॉर्डिंग हम ये बता सकते हैं कि उसको फ्रेशनेस ला सकते हैं या नहीं। अगर बिल्कुल ऑयल ने, जो कलर्स ने पहले वाला मतलब ऊपर वाली जो लेयर है उसका सारा ऑयल अगर सोख लिया है, तो उसका डलनेस वापस ला सकते हैं। उसके ऊपर बस ऑयलिंग धीरे से कीजिए, वार्निश लगाने की जरूरत नहीं है, वार्निश अभी मत लगाइए। जब पेंटिंग पूरी 1 या 2 साल की पूरी अच्छे से सूख जाती है, आप हाथ लगाने के बाद वो अगर चिपचिपी नहीं लग रही है, तो उसके ऊपर वार्निश लगाइए। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि उसका जो ग्लॉस होता है ना, वो नेचुरल ग्लॉस नहीं होता, जो ऑयल का ग्लॉस होता है, ठीक है। एग्जैक्टली हाँ, मतलब मैं रिकमेंड करूंगा कि ऑयल का जो नेचुरल ग्लॉस है ना, वो आपकी पेंटिंग में होना चाहिए, उसी से असली मजा होता है। वार्निश लगाने के बाद जो ग्लॉस आता है, वो एक आर्टिफिशियल वो ग्लॉस लगने लगता है, वो नेचुरल उसकी पेंटिंग का ग्लॉसनेस नहीं लगता, ऐसा है। बिल्कुल ये बीएड में बर्टम्बर और अल्ट्रामरीन ब्लू का दोनों मिलाकर बनाया ना आपने? यहाँ पे ना हल्का, हाँ यहाँ पे। हाँ हाँ ओके, अभी तक ब्लैक हमने यूज में नहीं लिया। नहीं नहीं ब्लैक यूज नहीं किया। बिल्कुल एक बच्चे का क्वेश्चन है, मान लीजिए हमारे पास अगर कैनवास की सुविधा ना हो तो जो मार्केट में जो ऑयल शीट्स आती हैं, जो एक्रेलिक शीट्स आती हैं, क्या हम उन पर ट्राई कर सकते हैं? हाँ बिंदास कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास मान लीजिए टाइम कम है और आपको अर्जेंटली कुछ बनाना है ना, मूड आया है, या फिर डेमोन्स्ट्रेशन में, या फिर कुछ भी ऐसा, तो जो भी आपके पास अवेलेबल पेपर है उसका जीएसएम थोड़ा सा ज्यादा हो, ये देखिए जीएसएम ज्यादा होने वाला कोई भी पेपर लीजिए, और उसके ऊपर जेसो के 2-3 कोट लगाइए, वो आपका कैनवास ही बन जाता है, ठीक है। वो प्रैक्टिस के लिए बेस्ट रहता है, सस्ता भी रहता है। जो भी आपके पास वाटर कलर के पेपर है, बेसिकली जो वाटर कलर में हॉट प्रेस्ड पेपर रहता है ना, वो बेस्ट रहता है। बिल्कुल आपको पर्सनली अपना, एक बच्चे का है कि आपको पर्सनली आपका खुद का कौन सा वाला वर्क सबसे अच्छा लगता है? माय प्रोटेक्टर फादर, कौन सा वाला? अच्छा, माय प्रोटेक्टर फादर, माय प्रोटेक्टर फादर। वो सिक्योरिटी गार्ड के लुक में मैंने उनका, मेरे पापा का खुद का बनाया था ऐसे। हाँ अच्छा, ओके। मुझे तो वो रिसेंटली अभी बहुत, वो वाला बहुत अच्छा लग रहा था, अन्नपूर्णा वाला गजल। हाँ उसमें जो पानी की जी धार और वो पूरा सेटअप आया था ना, मतलब पीछे जो डार्कनेस डेप्थ, खूबसूरत था, बहुत अच्छा था। थैंक यू। और उससे पहले तो क्या, मतलब नो डाउट परशुराम वाला तो जबरदस्त काम, परशुराम वाला भी बहुत प्यारा था, बहुत प्यारा। मुझे ये जो भी माइथोलॉजिकल जो कंसेप्ट वगैरह रहती है उस पे काम करने में बहुत मतलब मजा आता है, चैलेंजिंग भी लगता है, क्योंकि उससे हाँ, वो नहीं, वो बहुत दिखता है, वो काम में भी दिखता है, वो चीज दिखता है कि हाँ ये एक तरीके से चैलेंजिंग भी रहा होगा, तो हाँ मजा भी आता है। बहुत मतलब वो ना सीखने के लिए मैं सब बनाता हूँ, ठीक है।
इससे बहुत कुछ, मतलब बस टेक्निकल चीजें नहीं, आर्ट की चीजें नहीं, स्पिरिचुअल भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है मेरे को। इसीलिए मैं वो सारे कंसेप्ट पे मैं पेंटिंग करता हूँ। ऐसा है, प्रैक्टिस तो बहुत होती है, मतलब आपको सारा इमेजिनेशन से बनाना पड़ता है जो आपने कभी देखा नहीं है। ये सारी चीजें खुद से कंपोज करना पड़ता है, क्योंकि मॉडल को आपके लिए तैयार नहीं होता, और वैसा मिलना भी बहुत मुश्किल है उस कैरेक्टर जैसा, है ना। तो ये सारी चीजें फिर सब आपको खुद से ही करना पड़ता है। इसकी शुरुआत मेरी लॉकडाउन से हो गई, क्योंकि लॉकडाउन में, मतलब इसके पहले भी कोई बनता नहीं था मेरे लिए मॉडल। मेरे को क्या यार, किसी को लिए ऐसा मॉडल नहीं बनता, ऐसा मिलता भी नहीं है। और जो मॉडल बनना चाहता है वो, मतलब इसमें नहीं बैठता, मतलब जैसे हमारे कॉन्सेप्ट वगैरह है उसमें नहीं बैठता, ऐसा है ना। इसलिए फिर मैंने क्या सोचा यार, जो भी, मतलब मान लीजिए फ्यूचर में अगर मॉडल वगैरह नहीं मिले इमरजेंसी के लिए, तो इसलिए मैंने फिर एनाटॉमी की इस तरह से स्टडी की कि अगर मेरे पास मॉडल नहीं है, रेफरेंस नहीं है, तो मैं खुद से ही कैसे उसको कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ, पर्सपेक्टिव की ह्यूमन फिगर में कैसे स्टडी कर सकता हूँ, ये सारी चीजें। फिर मैंने माइथोलॉजी ये सब्जेक्ट लिया, क्योंकि मेरी हर एक प्रैक्टिस मेरा एक वर्क बनना चाहिए, ऐसा। मतलब मेरा हर एक वर्क, अभी जो भी आपने देखा होगा, वो प्रैक्टिस वर्क ही है। मतलब बेस्ट वर्क है या फिर वो फाइनल वर्क है, ऐसा आप नहीं कह सकते, वो प्रैक्टिस नहीं ही कह है। जो सकते, भी आपने, मैंने बिल्कुल सारा किया, सारी चीजें मैंने सीखने के लिए की है, बहुत सारी चीजें। अभी मैं इसी पोज में बैठा हूँ, जिस पोज में है ना। अच्छा हाँ, मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप, आपके पास अगर मटेरियल है अभी, और आपको अगर देखते हुए मूड आ रहा है, तो आप रुकिए मत, हमारे साथ भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल मैं यहाँ पे ऐसा रखता हूँ, अगर आपको चाहिए तो स्क्रीनशॉट इसका लेके फिर आप बना सकते हैं। मैं कुछ सेकंड के लिए अभी यहाँ पे ऐसा रखता हूँ, ठीक है। तो इसका आप रेफरेंस से बना सकते हैं, बेस्ट मॉडल है, मेरे को बहुत उनका लुक पसंद आता है मेरे लिए। हाँ। मेरी भी क्यूरियोसिटी बढ़ रही है, मतलब बाल वगैरह जब बनेंगे तो मैं कैसा दिखूंगा। हाँ और बड़ा क्विक हो रहा है सब कुछ, बहुत जल्दी। मतलब जो स्किन टोन का जो ये आयन है, एक फील आया कितना जल्दी आ गया। मोस्टली बिगिनर्स बहुत सर्वाइव करते हैं इस चीज को लेके, मतलब हाँ कलर अलग अलग से दिखना। सबसे बड़ी, अगर बिगिनर्स, अगर मैं स्टूडेंट की बात करूं, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि उनके कलर्स मिक्स नहीं हो पाते। अगर वो तीन वैल्यूज भी बनाते हैं, तीन टोन भी बनाते हैं, तो बाद में मिक्स करते हैं तो सब कुछ हाँ घिचपिच हो जाता है। अच्छा, वो धीरे धीरे काम करते हुए ही वो एक्सपीरियंस आता है कि ये बिल्कुल बिल्कुल, निरंतर जो अभ्यास बहुत जरूरी है, बस निरंतर अभ्यास से हो गई। एक्सपेरिमेंट करना चाहिए बिना डरे। बहुत सारे बिल्कुल लोग डर की ही वजह से वो करना छोड़ देते एक्सपेरिमेंट। ये बचपन से ही मेरे अंदर क्यूरियोसिटी है, मुझको पहले साइंटिस्ट बनना था, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन साइंस की रुचि की वजह से वो जो एक्सपेरिमेंट करने का जो अंदर ये है ना, वो मेरा पेंटिंग में भी आया है, कि अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट करने के बाद क्या निकल के आता है सामने। एक बच्चे को क्वेश्चन है, और नो डाउट सभी का रहता है, कि मान लीजिए कि कमीशन वर्क आ जाता है ऑयल का वगैरह को, तो जल्दी से जल्दी देना है, हाँ, तो किस टेक्निक से, या तो उसे बनाया जाए, या किस तरीके से उसे सुखाया जाए। बहुत जल्दी देना है, अब मान के चले 2 से 3 दिन के अंदर उसकी हमें डिलीवरी देनी है, तो किस तरीके से उसे सुखाया जाए।
सबसे पहले तो ऐसे क्विक वर्क्स मत ही लीजिए, ठीक है। ये मैं सबको रिकमेंड करूंगा कि अगर ऑयल पेंटिंग है तो एक दो दिन में तो मत ही लीजिए। अगर फिर भी आता है या फिर आपको बनाना ही है, ठीक है ना, तो एक ये रहता है कि आप जो कलर यूज करें उसको ज्यादा थिक ना यूज कीजिए और ज्यादा पतले भी यूज ना कीजिए। एक प्रमाण रहता है, ठीक है। अगर जरूरत है तो ही ऑयल का यूज कीजिए, ठीक है। अगर जरूरत नहीं है तो जैसे मैं अभी यहाँ पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, अभी जरूरत नहीं है, ब्रश आसानी से इस पे फ्लो हो रहा है, तो मुझको ऑयल की जरूरत नहीं है। तो ज्यादा पतला भी नहीं है, ज्यादा गाढ़ा भी नहीं है ना। तो एक एक मीडियम रेंज में यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ। तो ये जो पेंटिंग है, अगर आपके एटमोस्फेयर में ह्यूमिडिटी नहीं है, ठीक है, जो एक ह्यूमिडिटी रहती है बहुत ज्यादा, एक नमी रहती है वातावरण में, अगर वो नहीं है तो 100% ये पेंटिंग ना 2-3 दिन में सूख जाएगी, ऐसा है। लेकिन बिल्कुल हाईलाइट्स वगैरह देते वक्त ध्यान दीजिए कि जो व्हाइट के हाईलाइट है वो थोड़ा सा ध्यान से कम कम दीजिए। मतलब बहुत अगर ठीक ठीक लगा है तो अरे यार 15 दिन में भी वो जल्दी नहीं सूखेगा, ऐसा है। तो ऐसा है कि लिमिटेड इसका एक टेक्निक रहता है, मतलब मैं ये शब्दों में बता नहीं सकता कि वो क्या है, ठीक है ना। वो एक बिल्कुल लेवल होता है ऑयल का और कलर्स का, आपने कैसे उसको हैंडल किया है ऐसे। बिल्कुल और दूसरी बात होता है कि आपका वातावरण कैसा है। अगर गर्मी के मौसम है तो जल्दी सूख जाएगा, बरसात के मौसम है तो सूखेगा नहीं जल्दी। बिल्कुल बच्चे पूछ रहे हैं कि पोर्ट्रेट कंपोजिशन के बारे में बताइए सर कुछ। कंपोजिशन हाँ, पोर्ट्रेट कंपोजिशन। कंपोजिशन देखो बेसिकली ऐसा कुछ रोल नहीं है कि ऐसा ही होता है, वो आपकी क्रिएटिविटी होती है, वो किसी को सिखाओ या ये नहीं सकते हैं, ये काम करते हुए आता है, ठीक है। जैसे जैसे वो समझ आता है कि यार ये मैं कर रहा हूँ कैसे अट्रैक्टिव लगता है, ठीक है, एक फ्लो, एक रिदम कैसे वो बन के रहता है, कौन सा चीज कहाँ पे फोकस करना है, कौन सी चीज पे बाद में ध्यान देना है, ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे आती है। तो ये आपके सब्जेक्ट के ऊपर मैटर करता है कि आप सब्जेक्ट किस तरह के चूज करते हैं, उसमें क्या आपके आंखें इंपॉर्टेंट है, आपका चेहरा इंपॉर्टेंट है, आपकी फिगर इंपॉर्टेंट है, उस हिसाब से उसमें व्यक्ति इंपॉर्टेंट है या बैकग्राउंड इंपॉर्टेंट है, उस हिसाब से आपको उसका कंपोजिशन ऐसे बनाना है कि सबसे पहले नजर उसके मेन सब्जेक्ट पे जाओ और फिर बाकी की चीजें ऐसे। तो ऐसा कुछ रूल भी नहीं है कि ऐसे ही करना है या फिर वैसा ही करना है। वो धीरे धीरे जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे ना, वो आपको ही समझ आएगा कि यार ये जो है ना, इसमें ये थोड़ा सा कम ज्यादा लग रहा है, ये अगर यहाँ होता ऐसा होता तो बहुत अच्छा लगता, या ये जो लग रहा है वो कुछ जम नहीं रहा, ऐसे बस खुद से ही समझ आता है, वो विजुअल लैंग्वेज से समझ आता है आपको, बस काम करते रहिए, ऐसा है। बिल्कुल सबको अच्छे से दिख तो रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से दिख रहा है। बिल्कुल अगर नेटवर्क इश्यू नहीं होता तो इंटरप्ट नहीं होता, लेकिन ठीक नहीं, है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये क्राउड रुका रहेगा और अभी तो बहुत से लोग हैं जो शायद बात भी करना चाहे, बातचीत करना चाहते हैं। मुझे मतलब कॉल ऐसे काटना पड़ता है कि 11 बज गई, 11:30 बज गई, चलो रहने देते हैं। नहीं तो बात करने वाले इतने होते हैं ना बच्चे, बहुत। नहीं, ये भी अच्छी बात है, मतलब आर्ट के ऊपर हम डिस्कशन करने के लिए अगर रात भी ये है तो भी कम पड़ जाती है, चैटिंग वगैरह बिल्कुल करने से बिल्कुल, नो डाउट, कॉल वगैरह अलग ही करने मजा से। है। हाँ, अभी 37 रिक्वेस्ट है मेरे पास। अरे बाप रे, हाँ और क्वेश्चंस है मेरे पास 87, अरे बाप 87, हाँ रे, 89। अब मैं किसका रीड करूं बताओ। मुझको लगता है अगर आज ये क्वेश्चन का खत्म नहीं हो जाता है तो कल नेक्स्ट सेशन लेना पड़ेगा शायद, वो बस जरूर 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 टॉपिक। जरूर, जब भी
समय की थोड़ी मार थी, नहीं तो सेशन पहले पहले ही कभी भी हो चुका होता। जितने भी लोग सेशन देख रहे हैं अभी, इससे बाकी वाला सेशन, ये जो वीडियो आप स्टार्टिंग से ज्वाइन किया आपने, इससे पहले का वीडियो पहले अपलोड हो चुका है। तो किसी कारण से थोड़ा सा कनेक्शन टूट गया था, इस चक्कर में उसे अपलोड करना पड़ा, तो आधा वीडियो वहां है आधा यहाँ है। बाकी ज्यादा किसी दिक्कत आए मैं तो दोनों को मर्ज करके मैं यूट्यूब पे डाल दूं, तब देख लेना। ने सच कहा है कि आर्ट में कोई रूल नहीं होता। मतलब ये ध्यान से देखिए बात को, इसको समझिए। बेसिकली बिल्कुल अपने यहाँ पे लोग बोलेंगे कि रूल तो होते हैं यार, ये एनाटॉमी है, प्रोपोर्शन वगैरह है, ये आर्ट का पार्ट नहीं है, ये होता है साइंस का पार्ट, ये साइंस वाली चीज है। आर्ट होती है एक अलग सी सिंप्लिसिटी, मतलब वो आती है एक्सपीरियंस से, वो होता है, मतलब जैसे कि अगर आपको साइंटिस्ट बनना है ना, तो आपको कॉम्प्लेक्सिटी में मास्टरी करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप कॉम्प्लेक्सिटी में मास्टर बन जाते हैं तो आप साइंटिस्ट बन जाएंगे, और अगर आपको अगर सिंप्लिसिटी में मास्टर बनना है तो आप आर्टिस्ट बन जाएंगे। ऐसा बिल्कुल एक मतलब खेल खेल में जो बनने वाला जो चीज होता है, लेकिन उसके पीछे वो खेल खेल में कैसे बनता है या कैसे बनाए, इसकी प्रोसेस बहुत ज्यादा लंबी होती है, उसी को आर्ट कहते हैं, और वो आती है साइंस से। मतलब पहले आपकी साइंस, आपको रूल पता होने चाहिए क्या है, तब जाके आप उसको ब्रेक कर सकते हैं। वो आपकी खुद की स्टाइल बिल्कुल होती है कि मैं इसको ब्रेक कैसे करता हूँ, इन सारे रूल्स को ऐसे। तो वो एब्स्ट्रैक्शन की ओर जाता है, वो फिर आपको हर एक इसको फाइन डिफाइन जो फॉर्म होता है वो डिफाइन करने के लिए ज्यादा लाइंस वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ती, कुछ ही इससे इसमें स्ट्रोक में वो इमोशन, वो एक्सप्रेशन उसमें आ जाता है लाइंस का। जो भी बिगिनर्स होते हैं वो सबसे पहले डिटेल्स में जाते हैं, ये अवॉइड कीजिए। मतलब जो भी आप ड्राइंग कर रहे हो, पेंटिंग कर रहे हो, डिटेल्स में स्टार्टिंग में जाना ही नहीं होता है, बेस स्ट्रॉन्ग करना होता है। जैसे कि कोई आप कोई बिल्डिंग बनाते हैं ना, तो बिल्डिंग का बेस जब तक स्ट्रांग नहीं होता, तब तक आप पिलर्स उसके स्ट्रांग नहीं कर सकते, पिलर्स जब तक स्ट्रांग नहीं है उसकी छत नहीं बना सकते अच्छे से, जब तक छत नहीं है वो बाकी की सारी चीजें नहीं हो सकती। तो नहीं कर आप पहले सकते। इंटीरियर डेकोरेशन, पेंटिंग, उसका सारा कौन सी चीज कहाँ रखनी है, ये सारी चीजें उसमें मत डालिए। पहले बेस पक्का कीजिए, फिर उसके पिलर स्ट्रांग होने चाहिए, फिर छत होनी चाहिए, ये सारी चीजें, ठीक है ना। बिल्कुल हाँ, तो फिर आपको इंटीरियर डेकोरेशन कितना भी करना है, उसमें आप सोना लगाए, चांदी लगाए, सारे हीरे मोती लगाए, चलता है, कुछ भी डेकोरेशन कीजिए चलता है। वो चलता है। हाँ, लेकिन जो बेस, आप अगर कोई भी भूकंप वगैरह आ जाए तो आपकी इमारत गिरनी नहीं चाहिए। सब लोग बोल रहे होंगे यार सिविल इंजीनियरिंग का ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन मेरे बताने का नो तरीका उस हिसाब से था कि आपका बेस स्ट्रांग होना चाहिए आपकी पेंटिंग का। डाउट, बिल्कुल। जितने भी लोग रिक्वेस्ट भेज रहे हैं वीडियो कॉल के लिए, मैं आप लोगों को बता दूं, थोड़ी देर में जैसे ही ये कंप्लीट होगा फिर हम बातचीत करेंगे। ऐसा नहीं है कि सेशन खत्म हो जाएगा, बातचीत होगी, और आपके जो क्वेश्चन होंगे आप लाइव खुद पूछना।
अच्छा लग रहा है खुद को देख के। वाह यार, इतनी रात को भी इतने सारे लोग एक्टिव है, देख के बहुत मजा आ रहा है। बहुत बहुत एक्चुअली मेरे साथ में क्या है आपको एक बात बताऊं, एक्टिव क्राउड है, मतलब 150 क्राउड, 150 लोग तो ऐसे हैं, रात को अगर 1:30 भी 2 बजे भी 3 बजे भी लाइव आ जाओ तो अचानक से आएंगे, पता नहीं कहाँ से आते हैं, बैठे रहते हैं, ये कलाकार हैं, रात रात भर सोते नहीं है। एग्जैक्टली। अभी यहाँ पे मैं हल्का हल्का सा जो ब्लैक है वो इसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ, जहां जहां मुझको जरूरत लगती है डार्क पार्ट वाले वैल्यूज प्योर को ब्लैक डायरेक्ट अप्लाई कर ध्यान रहे हैं कि उसके साथ में कुछ मर्ज कर रहे हैं? में। कुछ नहीं, बस डायरेक्ट प्योर ब्लैक, ये कैनवास के ऊपर ही ऑटोमेटिकली मर्ज हो जा रहा है, ओके बस ब्लैक में डुबा डुबा के समय यहाँ पे लगाता हूँ आप लोग ब्रश देख रहे को। होंगे ब्रशेस, ब्रशेस का जो कलेक्शन है, कोई भी फॉरेनर ब्रश नहीं है, कोई भी इम्पोर्टेंट ब्रश नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल बहुत ब्रश की हालत देख सकते हैं आप। पुराना ब्रश है, देखिए बहुत पुराना है, पता नहीं है कब लिया था मैंने, इसका पूरा ये निकल गया। नहीं मैंने देखा भी है, मैंने पोस्ट पे भी देखा है, मैंने वीडियोस में भी देखा है, ब्रशेस का जो रहता है बिल्कुल नॉर्मल ब्रश, वो डिपेंड करता है कि आप किसके साथ बिल्कुल फेमिलियर हैं, आपकी कौन सी ब्रश हाँ आपके साथ में बहुत अच्छा प्ले करती ये बहुत महंगे महंगे ब्रश होते हैं, ब्रांडेड ब्रश होते हैं, मेरे को लगता है उसकी जरूरत नहीं है यार, दोनों में ही बाल नहीं है, है बिल्कुल नहीं है, दोनों। बिल्कुल नहीं है। तो ब्रांड तो मैटर नहीं करता, ब्रश का कौन सा है क्या है। अभी जैसे वाटर कलर की अगर मैं बात करूं तो वाटर कलर के जितने भी आर्टिस्ट हैं, अब वो अब ऐसा नहीं है कि भाई कैमलिन की उससे वाटर कलर नहीं हो सकते या किसी नॉर्मल ब्रश से नहीं हो सकते, बट मॉक ब्रशेस, चाइनीज ब्रशेस, ढाई ढाई तीन तीन 5-5 हज़ार के ब्रशेस। आपने कुछ ऐसा ही आपका खुद का डेवलप करना चाहिए मेरे हिसाब से, तो मतलब आपकी खुद की स्टाइल ऐसी होनी चाहिए, यार मेरे पास ब्रश नहीं है तो अभी मैं क्या करूं, तो जो एक्सपेरिमेंट करने से एक्सीडेंटली वो बन जाता है ना, वो कमाल होता है, मतलब अरे भाई इसके पास ये नहीं था तो उसने ये कर दिया। ऐसा बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली साइंटिस्ट सारा जो इन्वेंशन थे वो ऐसे ही करते थे ना, उनको कहाँ पता था ये सारी चीजें होती है ऐसे, उनको नहीं पता था, उनके पास जो अवेलेबल था उसी से वो जो करते थे उसी से वो सारी चीजें इन्वेंट होना स्टार्ट हो गई थी। तो अगर आपके पास ब्रश नहीं है, स्पॉन्ज है, स्पॉन्ज यूज कीजिए, कुछ भी कुछ भी, बस आपको कलर कैनवास पे लगाना है, यही आपका एक बेसिक रूल है, कलर उठा के लगाना है, कुछ भी नहीं है डायरेक्ट इसके ऊपर ही शेड लगाइए, कोई बात नहीं, उंगली से बस इसको ये करना है। वाह क्या बात है, अभी मस्त। काश के इतने बड़े बाल घर वाले रखने देते पहले। भी रख सकते हैं, एक नंबर सूट होंगे आपको। पिताजी थोड़े से ऐसे ही है, हमारे पिताजी गवर्नमेंट सर्वेंट रहे, इनकम टैक्स अधिकारी रहे, तो ऐसों के बालकों को ऐसे अलाउ ही नहीं करते। मुझो मुझ तो एकदम कमाल की। नहीं मूज तो चलो रख ली है, तो चलो उन्हें भी लगा कि ठीक है लड़के हैं रख लेते हैं, पर नहीं तो बचपन में ऐसा था कि तीनों भाइयों को एक साथ ले जाया जाता था, जैसे बंदरों की तरह बिठा दिया और वो ही एकदम फौजी कटिंग। एक्चुअली बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं यार, आर्टिस्ट लोगों के बाल इतने लंबे क्यों होते हैं, वो फैशन नहीं है एक्चुअली, लोग आर्टिस्ट के पास टाइम नहीं होता काटने का। हाँ अपने आप पे इतना ध्यान देने का, वो अपने हाँ आप इतना वो टाइम नहीं रखता है। खुद पे ध्यान ही नहीं देते, और उनका जो लुक होता है वही उनकी एक ये रह जाते हैं, यार क्या बंदा है सर, मतलब बस नहीं बिल्कुल बिल्कुल, एक मेरे उसका पास है ऐसा, मेरा स्टूडेंट है, मैं दिखाता हूँ। संदीप, संदीप कहाँ बेटा? संदीप को बुला के ला। हल्का सा हम इधर ले लें इसको, हल्का सा कैमरे के एंगल को थोड़ा सा इधर, क्योंकि एंड पे आ गया बाल, बाल का एरिया हल्का सा।
इधर इधर गया। इधर, हाँ बस 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 बस, मजा आ गया इधर। नहीं, ऐसे ठीक है। अरे ये मैं दिखाता हूँ, मेरा एक स्टूडेंट है ये रहा। क्या थोड़ा बात है, तो ये पूरा आर्टिस्ट है। क्या बात बाल है। दिखा दे रहे टीचिंग, पूरा चोटी वोटी बना के रहता है। और क्या काम बात इतना अच्छा है इसका, बहुत बहुत प्यारा काम है। मतलब एकेडमिक भी अच्छा कैसा कर रखा है इसने, एंड अभी तो एब्स्ट्रैक्ट में खेल रहा है थोड़ा, है। अच्छा, वाह। और कैनवास के साइजेस भी अच्छे अच्छे कर रहे हैं। मतलब 5x9, 5x10, बड़े बड़े। अभी तो वाह, 3rd ईयर में ही है, बड़ा अच्छे से खुले विचार से काम करता है। क्या बात। गजब गजब, मैं खुद को भी मतलब मैं ज्वाइन करता हूँ किधर, कोई नाटक वाटक, बॉलीवुड बॉलीवुड, बल्ला बाल बाल बढ़ा के। मेरे को 101% मतलब लगा ही था, अगर इस बंदे के लॉन्ग हेयर होते ना यार, जब वो विजन चाहिए एक्चुअली, हर किसी में वो विजन नहीं होता है कि देखने का। हाँ, इसलिए तो मैंने यहाँ पे लॉन्ग हेयर अपने हिसाब से यहाँ पे ऐड किया हूँ। नहीं, आईब्रोज एंड द एटीट्यूड, मतलब कितना गजब आ रहा है। एटीट्यूड भी गजब लग रहा है इसमें, भारी लग रहा है। धीरे धीरे लोगों को पता चल जाएगा ये क्या, कौन सा कैरेक्टर है, और हाँ सारे बिल्कुल। इसके फैन है। वो मैं बाहुबली की बात नहीं कर रहा दोस्तों, बाहुबली ये नहीं है। बहुत बिल्कुल। सारे लोग इसके फैन है, इस कैरेक्टर के। मैं खुद भी, मेरे को सीरियसली, भी मैं खुद भी, मुझे उस अर्जुन मतलब उनसे ज्यादा भारी लगा। अभी लीक नहीं करेंगे बट भारी लगा मुझे। कुछ कैरेक्टर्स हैं ऐसे पसंद, अब जैसे जय लंकेश मेरा, अगर जैसे मेरे जितने भी स्टूडेंट हाँ, हैं तो मुझे नमस्ते वगैरह नहीं करते हैं, जय लंकेश करते हैं। वाह। मेरे को भी एक ऐसा बनाना है, वो हाँ बिना बनाते हुए रावण का। नहीं, सीरियसली मैं भी चाहता हूँ। मतलब यार प्रेम प्रेम अगर रावण बनाए तो कैसा बने, नो डाउट रावण को मतलब बहुत सारे लोगों ने ऐसा एज ए नेगेटिव कैरेक्टर वगैरह ये किया है, लेकिन एज बना एन दिया आर्टिस्ट एक्चुअली। मतलब, एग्जैक्टली, बना हाँ दिया जबकि वो था नहीं इतना। एग्जैक्टली, वही तो मैं बोल रहा हूँ। तो एज एन आर्टिस्ट मुझको उसको रिप्रेजेंट करना है कि वो बंदा एक आर्टिस्ट भी था यार ऐसे। हाँ तो वो उसका जो वो फिर क्या बोलते हैं इसको, उसकी जो इंटेलिजेंस थी, उसकी जो पॉजिटिविटी थी उसके अंदर की, वो मेरे को पेंटिंग में सबसे बेस्ट उतारना। थिंग एटीट्यूड, एनर्जी एग्जैक्टली मुझे एग्जैक्टली, रावण में थी ना, मुझे नहीं लगता किसी में थी। हाँ, बिल्कुल नहीं। मेरे को अगर कोई अगर पेंटिंग बनाना है एनर्जी से, ठीक है, हाँ। बहुत मुझको एनर्जी चाहिए, रात भर पेंटिंग करने वाला हूँ ऐसा, तो मैं कौन सा सॉन्ग सुनता हूँ पता है? वो एक साउथ इंडियन मूवी है, JR NTR की, जय लव कुश। वाह हाँ, तो उसका अच्छा, जो ये है ना गाना है, क्या जबरदस्त है यार, एनर्जी आता है, रावणासुरा कौन ऐसा ये है, सा बहुत कौन सा सुंदर। कौन सा बताया, मूवी का क्या नाम जय लव बताया? कुश, जय लव कुश। अच्छा, और नहीं हाँ बेसिकली नो मैं डाउट, पेंट, म्यूजिक तो चाहिए, आर्टिस्ट को म्यूजिक चाहिए ही चाहिए, उसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ा देता है वो। हाँ। और मैं तो कैसे करता हूँ, जैसे जिस जिस हिसाब से सब्जेक्ट है ना, उस हिसाब से मैं म्यूजिक को प्ले करता हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली हो जाता है, उसका हो फील ही जाता आ नहीं, जाता नो है। डाउट, बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। अगर आपने नोटिस किया होगा तो मेरे पेंटिंग में मेरा कैरेक्टर दिखता है, मतलब मैं जैसा दिखता हूँ वैसा नहीं, मेरा कैरेक्टर, मेरा नेचर। फॉर बिल्कुल एग्जाम्पल, हाँ, जैसे नेचर हर काम में दिखता है, नो डाउट, हर काम में दिखता कि आपको मतलब नेचर ये डिफाइन कैसे होता है, पंच महाभूतों से। कोई भी हमारे जो पंच महाभूत जो होते हैं, धरती से लेके है। आसमान तक, धरती है, फिर उसके बाद पानी है, अग्नि है, फिर वायु है, फिर आसमान है ना। तो इस सीक्वेंस से ही जो भी इंसान के स्वभाव गुणधर्म वगैरह होते हैं, इससे बने होते हैं, मतलब ये पंच महाभूतों से सारा सृष्टि बना है, नो डाउट, लेकिन हमारे स्वभाव भी इनसे बने हैं, ऐसा मैं कहता हूं।
जैसे कि किसी का धरती जैसा स्वभाव होता है, सहनशीलता है ना, पानी का स्वभाव होता है बहता, या फिर उसकी शीतलता होती है, उसमें निर्मलता होती है। कोई भी अगर आपको सामने कुछ कुछ भी आता है तो आप उससे आसानी से बाहर निकल सकते हैं, ये पानी का नेचर होता है। आग का किसान नेचर होता है, एक एनर्जी होती है, एक अलग सा उसमें एक वार्मनेस होता है, अट्रैक्शन होता है, मतलब हर कोई वो इंसान अट्रैक्शन पॉइंट बन सकता है किसी भी अंधेरे में, है ना। वो पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, वो अग्नि जैसा उसका स्वभाव, गुस्सा आया तो अग्नि जैसा। फिर उसके बाद हमारा वायु है, वायु चंचल होता है लेकिन उसमें ये रहता है, वेग रहता है, ताकत रहती है, वायु वायु जैसे उसका नेचर है। फिर आता है आसमान जैसा, आसमान जैसा अनंत है, उसकी विचारों को कोई मर्यादा नहीं है ना, तो वो ब्रह्मांड की तरह अनंत है, उसको कुछ सीमा नहीं रखता, वो ओपन माइंडेड है। ये सारी चीजें आसमान से उसका ये मेल खाता है उसकी नेचर से। तो मेरा जो है ना वो पानी और आग, इन दोनों से ज्यादा कनेक्शन है। जैसे कि मान लीजिए पानी जो रहता है वो शांत रहता है, पीसफुल रहता है ना, उसमें पेशेंस रहता है, निर्मल रहता है, ठंडा रहता है। और अग्नि उसके ऑपोजिट, उसको बुझाने का मतलब भड़क भड़कती है जल्दी से, है ना, बिल्कुल और उसमें एनर्जी बिल्कुल भी रहती है, ये सारी चीजें। तो अगर आप मेरे बिल्कुल पेंटिंग को देखेंगे तो कुछ पेंटिंग्स बहुत ज्यादा शांत है, पीसफुल है, पानी की तरह, और कुछ पेंटिंग्स जो है एकदम उग्र स्वरूप की है, अग्नि की तरह, ऐसे जैसे कि बिल्कुल वो काली माता का है, परशुराम का है, उसमें अग्नि की झलक दिखती है ना। बिल्कुल बिल्कुल हाँ एग्जैक्टली उसमें एनर्जी है, शायद पॉजिटिव हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है ना। तो बिल्कुल वो एनर्जी अग्नि से आई है, और जो निर्मलता, वो जो पेशेंस है, वो कुछ पेंटिंग्स में बहुत ज्यादा एकदम ये है, पीसफुल है, अरे यार क्या देखने के बाद मन शांत हो रहा है, ऐसी वाली पेंटिंग्स, तो वो भी वो पानी से आई है ऐसे। बिल्कुल तो आप जब भी आपका काम कोई देखे तो उसको, उस आर्टिस्ट का काम से पहले आप उसका नेचर देखना चाहिए, उस जो भी व्यूअर है उसमें उसका नेचर डिफाइन होना चाहिए, क्या ये बंदा कैसा है, मतलब उसका थॉट प्रोसेस क्या है, ये सारी चीजें। बिल्कुल क्वेश्चन बहुत हैं हाँ कवर करेंगे यार, जल्दी मैं देख रहा हूँ लुक मुझे। लाइक अ बाहुबली, कोई बोल रहा है अर्जुन ठीक अच्छा इतना कम उम्र में इतना ज्ञान अद्भुत अरे कहा यार, मैं बस जैसे बहुत से हैं मैं क्या क्या पढ़ूं जो भी रिपीटेड क्वेश्चन है उसमें से एक कोई है तो वो पूछ सकते हैं हाँ ऐसे। वही 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 मैं एग्जैक्टली एक्चुअली 60% क्वेश्चन तो वही होते हैं कलर कौन से हैं अच्छा, ब्रश हाँ कौन से यूज में ले रहे हैं हाँ इसलिए वही मैंने वाले सबसे होते हैं पहले इसका आंसर दे उसके दिया लिए इसलिए। मैं उसी के लिए यही बोलता हूँ वीडियो स्टार्टिंग से देखें इसलिए मैंने बीच में भी बोल दिया था स्टार्टिंग से वीडियो देखें इन क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे बेसिक है ये इसलिए। सर प्रेम सर को दोबारा बुलाना बिल्कुल बुलाते रहेंगे हर हफ्ते बुलाएंगे और बताओ बस समय तो हाँ मिले मैं बोल रहा था मतलब बहुत रिक्वायरमेंट बच्चे बहुत जाना चाहते और नो डाउट इतना अच्छा सेशन रहा है इतना डिटेल से समझाया है इतना बहुत ही डिटेल से ऑयल के बारे में और इतना सिंपल पता है बेस्ट थिंग क्या है डिटेल प्लस सिंपल चार कलर ये मतलब बिल्कुल टूल्स भी कम ब्रशेस एकदम स्पेशल नहीं एंड आउटकम मतलब इनक्रेडिबल इसे देख के मुझे इधर जोश आ रहा है शाबाश क्या बात है।
कहीं भी कोई हार्डनेस नहीं दिख रही है, सब कुछ बिल्कुल ऐसे बिल्कुल मेल्ट सा दिख रहा है मजा। बहुत आज दिन बहुत से कुछ क्या जानने को मिला, बेस्ट था सेशन एवर। मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि किसी से माइथोलॉजिकल सब्जेक्ट के लिए आपके लिए ऐसा ये करूं, मतलब अच्छा, सोचा आज एक्सपेरिमेंट ठीक किया जाए। हाँ नहीं नो डाउट, मैं बैठ भी जाऊंगा, ऐसा नहीं है। मैं वैसे हूं बहुत बुरा मॉडल लाइव के लिए, तो मैं बैठ नहीं अच्छा सकता लेकिन किसी दिन पूरे आउटफिट में भी बैठ जाऊंगा मैं। बॉडी शोडी अरे भी कम वाह नहीं है अपनी, बॉडी शोडी भी ठीक है, अब थोड़ा थुल थुल हो गया बस कोई बात नहीं, अभी यहाँ पे कोई वो ये मैटर नहीं करता कि आपकी बॉडी वगैरह कैसी है, चलता है पेंटिंग हाँ में दिखा सकते हैं कैसे भी। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि यार मैंने मेकअप नहीं किया, मेरे बाल ऐसे हैं वैसे हैं। अरे यार कोई जरूरत नहीं है, तू बस बैठ जा। बैठो तुम तो, बाकी हम देख लेंगे हाँ अरे सारा मेकअप वगैरह लिपस्टिक वगैरह सारा लगा देते हैं। अरे शायद यार लंबा चलने वाला है सेशन, मुझको लग रहा है। मेरा ये सीन है कि मैं चाय के बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकता, और आज शाम से लेके अब तक तो मैंने चाय पी नहीं, तो चाय एक तरीके का मेरे लिए तो एडिक्शन है। सो मैं चाय पी रहा हूँ बीच बीच में, ठीक है मतलब कोई जब मैं काम करता हूँ, मैं पर्सनली जो खुद का बता रहा हूँ, मैं खुद काम करता हूँ, तो काम करते करते शायद अगर 2 से 3 घंटे में काम किया तो 4-5 चाय तो डन है, हर आधे घंटे में या 40 मिनट में मुझे एक चाय चाहिए। वाह, मैं चाय बिल्कुल नहीं पीता, बचपन से मुझको आदत नहीं है चाय की। हाँ वो बहुत बार मेरी जुबान भी जल गई है, इसलिए मैं चाय को अवॉइड करता हूँ। अच्छा हमें तो लाइफ में एक एक ही गलत शौक है चाय वाला, क्योंकि लोग कहते मतलब है नो डाउट नुकसान तो करती है, बट छूट नहीं रही है। बहुत बार कोशिश करी कि थोड़ा छोड़े छोड़े छोड़े, नहीं छूट रही। मेरे को पता नहीं क्यों, अगर कोई जबरदस्ती भी पिलाता है तो भी मुझको पी नहीं जाती यार। देखो बचपन से ही नहीं पिया ना तो हो जाता है, कहीं है मेरे मित्र भी ऐसे हैं, वो बोलते हैं कि यार क्या नहीं पीनी यार, तू इतनी चाय कैसे पी कैसे लेता है। साथ एक सबसे बड़ी में प्रॉब्लम है आजकल जो बच्चों में मैं देख रहा हूँ, कई बच्चों को तो ऑयल की जो ये टर्पेंटाइन अपने लिंसिड ऑयल ऑयल कलर की स्मेल से भी दिक्कत है, मतलब इसमें जो फ्रेगनेंस होती है उससे भी हाँ, बहुत प्रॉब्लम होती है, कईयों को तो एलर्जी है। मैंने देखा है वो हाँ टर्पेंटाइन का स्मेल ही बहुत हार्ड होता है, बहुत और हार्ड होता है। हाँ मैं लोगों को रिकमेंड करूंगा कि जब भी आप काम करें ऑयल में तो वेंटिलेटेड एरिया में काम कीजिए, एकदम पैक बंद कमरे में ऐसा मत कीजिए, ठीक है। ऐसे तो ये पता आप नहीं, हमें तो अच्छी बोल लगती है खुशबू, पता नहीं बचपन से ही पेंट हाँ की खुशबू, घर में सेम पेंट हो रहा है तो भी हम वहां जाके बैठ जाएंगे, घर में काम चल रहा है कुछ तो भी वहां जाके बैठ जाएगी तो पेट्रोल की इसकी बहुत अच्छी लगती है खुशबू ये है ये सब सस्ते नशे हैं, अपने लेवल के सब सस्ते नशे ही नहीं वैसा होता ही है, एक बार ऑयल का जो स्मेल फ्रेग्रेंस आ गया, अब मूड आ गया वो काम करने का, वो फ्लो में आ जाता हूँ। पता, ये डेमो वर्क नहीं लग रहा है बिल्कुल, मतलब एक होता है नो डाउट, सभी आर्टिस्ट काम करते हैं डेमो देते हैं, क्योंकि आर्टिस्ट का आर्ट वर्क एक अलग होता है, डेमो वर्क एक अलग होता है, ये तो आप भी मानते हैं। हाँ
बट कहीं से भी ऐसा नहीं, बड़ा ऐसा लग रहा है कि बड़ी शिद्दत से बनाया जा रहा है, खुद के लिए बनाया जा रहा है। नहीं एक्सपेरिमेंट, इसलिए मैंने एक्सपेरिमेंट वर्क करने का सोचा क्योंकि उसमें ही बहुत मुझको भी अभी सीखने को मिल रहा है। ये ऐसा नहीं कि मैं इसमें मास्टर हूं, ये मैंने पहली बार ऐसा ये किया है कि हाँ कोई फोटो है लाइव है सब लोग देख रहे हैं और उसको मैं एक्सपेरिमेंट करके ऑन द स्पॉट एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, तो अलग सा। बिल्कुल, तो उधर होता ना मैं तो एक अब ये कैनवास उठा के भाग लेता, कंप्लीट उससे मैं भाग लेता वो टाटा। नहीं, एक काम करते हैं, आज के इस डेमो की याद के लिए मैं ये आपको गिफ्ट कर देता हूं। अच्छा अरे वाह, सच में बहुत खूबसूरत। कभी कभी तो मतलब ये नीचे के जो पोर्शन ये छूटा हुआ है उतने में भी बड़ा, अभी मतलब बस यहाँ पे से एक हल्का सा एक सिर्फ ड्राइंग भी कर दे और निकाल दे तो भी बड़ा ऐसा लगता है कि हाँ प्यारा सा लग रहा है। हाँ जैसे वाटर कलर में आपका कभी कभी छूट जाता है ना वो हाँ मस बिल्कुल वगैरह, बिल्कुल, ये ऐसे सेम। टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है, आप अपना टाइम पूरा लें। यहाँ पे इस चैट में अगर दो लोग भी देखेंगे तो अपन लाइव हाँ आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि मुझको ना आर्टवर्क अच्छा बनाना है, लोगों को अच्छा ये दिखाना है और मैं बिल्कुल चाहता हूँ। बिल्कुल, अपना बिल्कुल ये टारगेट है ही नहीं, बिल्कुल और मुझको पता है यार, कोई नहीं सोता रात को, मुझको पता है। हाँ। इतना लंबा सेशन भी मैंने कभी किया नहीं 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 ये लेकिन रुकते नहीं मजा है लोग, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखेंगे जिनके 70 के हैं, 100 के हैं, जब वो लाइव आते हैं तो शायद उनके कनेक्ट हो जाते हैं 100 या 200, लेकिन वो है। जब अच्छा अच्छा काम करने लगते हैं 15 मिनट बाद उनके लाइव में रह जाते हैं 30 लोग, 30 फोर्टी अच्छा अच्छा फाइव हाँ फोर्टी सेवन, देखना आप भी आपने भी देखा होगा ऐसा रह हाँ जाता है। अच्छा बट आप देख रहे हो भी क्राउड देख रहे हो 242 245, ये वो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं या जेन्युइन आर्टिस्ट हैं जो सच में देखना देखना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं। था मैंने, मुझको ये मैं फील जेनुअन कर सकता क्राउड है, हूँ। ये वो क्राउड नहीं आया मजे लिए देखा चलो अच्छा बन रहा है चलो चले गए वापिस, इनमें से हिले नहीं है, मुझे लगता है कि 240 लोग तो हिल भी नहीं रहे, ऊपर क्या आ जा रहे हैं। मुझको मतलब मैं फील कर सकता हूँ इन्होंने क्या क्या जुगाड़ कर रहे होंगे। आज पूरे दिन ना नो नेट चलाना, डाटा बचाना है भाई, रात के 9 बजे ये है, और बहुत सारी चीजें की होंगी, मुझको मैं इमेजिन कर सकता हूँ उन्होंने बहुत सारे जुगाड़ किए नहीं होंगे। हाँ नो डाउट, बच्चे मुझे पर्सनल मैसेज करते हैं कि सर आप ना एक तो अपना अपडेट सुबह 8 बजे डालें ताकि हमें हाँ पता लगे और हम डाटा बचा लें, क्योंकि 1.5 GB अपने आप में ऐसा होता है कि इंस्टाग्राम की 4 रील देख ली तो एक मैसेज आता था आ जाता है अपने पास, 400 MB बचा है तुम्हारे पास बस, तो तो इसलिए मैंने कल डाल दिया था अवेयर कर दिया था और आज स्टोरी वगैरह में भी डाल दिया था तो बच्चे अवेयर थे। वो रिकॉर्डिंग देखने के अलावा जो लाइव देखने का मजा होता है ना वो अलग होता है, वो वो इंटरेक्शन अलग होने ही का मजा है, मजा है। सीरियसली वो अलग ही मजा है। वाह, अब लाइव देखने का सबसे बड़ा बेनिफिट पता है क्या होगा, अभी कुछ बच्चे आपसे बात कर पाएंगे हाँ क्योंकि वो लाइव है और उन्होंने पूरा वीडियो देखा उसे एनालाइज किया तो शायद वो एक मीनिंगफुल क्वेश्चंस पुट अप कर पाए। सही बात है। अब और वो अचानक से लाइव नहीं आएंगे फिर बोलेंगे कि सर आई एम बिग फैन ऑफ योर्स ये वो फलाना, ठीक है मेरा वर्क देख लो, वो एक अलग बात है। लाइव इसीलिए हमने रखा है ताकि सारे स्टार्ट टू एंड जो भी प्रोसेस है उसको देख सके, फील कर सके। और ये जर्नी होता है, बेसिकली ये जर्नी होता है। जो भी आप पेंटिंग करते हैं ना वो एक जर्नी की तरह है। इसका मजा ये है कि कुछ कुछ जो जर्नी होती है, कुछ जो सफर होते हैं, वो सफर का मजा अलग होता है, मंजिल का मजा अलग होता है। किसी को सफर ज्यादा पसंद होता है मंजिल से, और किसी किसी को को मंजिल हो, बिल्कुल मंजिल ज्यादा पसंद होती है सफर से। लेकिन ये जो है ना, ये मतलब ये मंजिल और सफर दोनों ही एक क्या बोलते हैं उसको, दोनों ये है, अलग बिल्कुल इसको बिल्कुल, करना होता है। हाँ जर्नी का भी मजा है या मंजिल का भी मजा है, बिल्कुल एग्जैक्टली।
प्रेम आपका कभी दिल्ली आना हुआ है? नहीं यार, मैं क्या बताऊं, महाराष्ट्र से बाहर नहीं गया कभी मैं, इंडिया से। थोड़ा ना निकलो, आप आओ, मेरा स्टूडियो भी है, तो जब भी दिल्ली वगैरह आए तो, अब तो नंबर भी है, ठीक है, तुरंत फोन पक्का करना स्टूडियो वगैरह पे, चलेंगे। पक्का पक्का, डेफिनेटली। और स्टूडेंट्स की लाइफ, मतलब बहुत से बच्चे हैं जो शायद लाइफ भी सीखना चाहें, तो एक अच्छी सी वर्कशॉप वगैरह भी ऑर्गेनाइज करवा देंगे, हाँ जब भी किसी डेफिनेटली, भी काम से आना हो, हाँ हाँ पक्का, या फिर स्पेशली कोई फंक्शन रख लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ओके पक्का। ये जो लाइटिंग है ना, ये मुझको बहुत पसंद है, ये सॉफ्ट लाइट जो होता है ना, मजा बिल्कुल आता है इसके। जो शेडो के एजेस है वो बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट दिखते हैं, शार्प एजेस नहीं होते, और इसका फील भी बहुत मस्त लगता है एकदम अलग। जितने भी लोग देख रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं किस तरीके से, मतलब स्टार्ट कैसे हुआ था। बेसिक ड्राइंग, 0 नंबर की एक ब्रश ली थी बड़ी सी, उससे एक तरीके से एक हल्का सा स्ट्रक्चर रेडी किया, हल्का सा, देन सब कुछ वैल्यू स्टडी वगैरह इनसे निकाला है, पूरा स्टेप बाय स्टेप चला है। और आप इमेजिन कर सकते हैं, देखो फोटो तो देखे ना देखे, लेकिन आप ऐसे देख सकते हैं, मैं आप मैं खुद सेट होके बताता हूँ। ये फोटो बिल्कुल, क्या एटीट्यूड है, मतलब उस फोटो में भी इतना अच्छा एटीट्यूड नहीं जितना इसमें आ गया। तो इम्पोर्टेंट है, वो कैप्चर करना आना चाहिए, वो बिल्कुल उसकी पर्सनालिटी, उसका कैरेक्टर, उसका नेचर, उसका ये वो एटीट्यूड, यही वो फील करने वाली चीज होती है। थोड़ा सा डिटेल पे काम करते हैं, ठीक है। ये बेसिक ये होता है, स्ट्रोक्स वगैरह मैंने फिलअप करके रखे हैं, अभी थोड़ा सा बिल्कुल डिटेल में काम करते हैं। मैं डिटेल हमेशा एंड में ही करता हूँ, क्योंकि यहाँ तक जो भी है, कोई मिस्टेक वगैरह लग रहे हैं तो मैं इसको आसानी से सुधार सकता हूँ। मैंने अगर बहुत अच्छे से बिल्कुल मैंने डिटेल वगैरह की है और वो इसकी मिस्टेक हो गई तो सारा खेल बर्बाद हो जाएगा ना, ऐसा है। बिल्कुल बिल्कुल अभी मैं डायरेक्ट ब्लैक जो है वो इसके ऊपर थोड़ा सा ज्यादा लेके, जहां जहां एकदम डार्कनेस पार्ट लगता है वहां पे मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। ओके मैं आपको बता नहीं सकता, इतना मजा आ रहा है ना मुझको बनाते हुए, मतलब एंजॉय कर रहा हूँ मैं इसको। नहीं, मुझे तो मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा। समझ सकता हूँ। अपने आप को एक ऐसे रूप में देखना, मतलब गजब। दिख रहा है कि भाई, एक तो होता है कि चलो हमें, मुझे डेमो देना है, मेरा स्ट्रीमिंग है, लाइव स्ट्रीमिंग है, तो आधे पौन घंटे में 1 घंटे हम फ्री हो जाएंगे, बट इस काम में ऐसा नहीं दिख रहा है, इस काम में पूरा मूड दिख रहा है। बिल्कुल मैंने कमेंट सेशन ऑफ कर रखा है, हाँ, अदरवाइज बच्चे जितने भी आर्टिस्ट लोग हैं वो अपना प्यार दिखाते कमेंट में, वो एंड में दिखाएंगे, क्योंकि फिर स्क्रीन ब्लॉक हो जाएगी नीचे की, उस पर पूरा सिर्फ कमेंट कमेंट दिखेगा, और हम नहीं चाहते कि सिर्फ हम आर्टवर्क देखना चाहते हैं। सीरियसली मजा आ गया, बहुत मजा आ गया, गजब।
मैंने सोचा नहीं था इतना जबरदस्त बनेगा. मुझे लगा था चलो ठीक है, रेफरेंस है, अच्छा बनेगा, बट इतना पावरफुल, तो क्या इम्प्रेशन आ रहा है, गजब. आंखें मेरी बहुत मनपसंद चीज, आंखें इसमें ज्यादा फील होता है। इसको क्लोजअप कर लेता हूँ ताकि और अच्छे से डिटेल आप देख सकते हैं। गजब, खूबसूरत, जबरदस्त. बीच बीच में अगर क्वेश्चन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, अगर बिल्कुल कोई। बिल्कुल बिल्कुल. क्वेश्चंस, एक्चुअली क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट है, इस चक्कर में मैं ले नहीं रहा जाना. बाकी तो मोस्टली सब आधे ज्यादा को तो ये क्वेश्चन है कि सर आपको कौन से आर्टिस्ट पसंद है, आपको कौन, कम से कम 10 से 15 लोगों ने यही पूछा है, किसका काम आपको बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा पसंद है. काम वैसे तो बहुत सारे लोग हैं मेरे। विलियम एडॉल्फ जो वेस्टर्न आर्टिस्ट थे बहुत पुराने, वो फिजरेटिव आर्टिस्ट, उनका मुझको बहुत मजेदार लगता है। उनका काम का जो तो एनाटॉमी का स्टडी है वो सब। मैं सबको बताता हूँ कि अगर
आपको कुछ अलग सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं, ठीक है? मतलब कैसा रहता है, इंटरेस्टिंग पूछ क्वेश्चन अगर आता है तो जवाब देने में भी इंटरेस्ट आता है। तो सोच के बताइए कि ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जिसको सुनने के बाद ऐसा ना लगेगा कि यार ये क्या है ऐसा क्वेश्चन, नहीं इंटरेस्टिंग लगेगा ऐसा कुछ, तो सोच के बताइए अगर आपके मन में है तो। मैंने हल्की सी ब्राउनिश आइज की है, ठीक है? मेरे को लगा कि यहाँ पे इसको ब्राउन जो आइज है वो हल्की सी फिट करेगी, इसलिए गजब डिटेल, मतलब पास से तो और भी जबरदस्त लगा। स्ट्रोक्स आप देख रहे हैं, जितने भी देख रहे हैं, जिस तरफ मूव कर रही है स्क्रीन उस तरफ स्ट्रोक्स, जितने भी बिगिनर्स हैं वो देख लें, उसी तरफ इस स्ट्रोक्स को प्ले किया है। वो एक कॉन्फिडेंस इसमें दिख रहा है कैरेक्टर का। बिल्कुल बच्चे पूछ रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं सर आप? हाँ लेता हूँ ना, ऑनलाइन वर्कशॉप ऑनलाइन कोर्सेस वगैरह लेते हैं, तो अभी जितने तो भी कोई बच्चे देख रहे हैं ऑनलाइन बैचेस हैं, आई थिंक आप इन्फॉर्म कर देते होंगे पोस्टर वगैरह कुछ अपलोड करके। हाँ हाँ अपलोड करता हूँ इंस्टाग्राम पर। तो अभी तो फिलहाल कोई बैचेस ये नहीं है, जल्द ही कोई रखता हूँ ऐसा सोच रहा हूँ कोई रखने का। बिल्कुल, मैं सोच रहा हूँ कि एक लॉन्ग बड़ा कोर्स रखने का जिसमें हाँ मतलब एक 6 मंथ टाइप का या 3 मंथ टाइप का ऐसा कुछ है एग्जैक्टली ना। तो उसमें सारा बेसिक टू एडवांस सारा उसमें आएगा, जितना मुझको पता है आता है वो सब कुछ ए टू जेड डिटेल में। तो उसका सारा सिलेबस वगैरह माइंड में है कि कैसे करना है। कुछ स्टूडेंट इंटरेस्टेड भी है, लेकिन वो कैसा है बहुत लिमिटेड में रखूंगा, क्योंकि हर एक के ऊपर पर्सनली ध्यान देना पड़ेगा उनको, उनका वर्क कैसे हो रहा है इम्प्रूवमेंट, उनको क्या गलती आती है वो कैसे सुधर सकते हैं। मैं जब उनके लेवल का था तो उसको क्या परेशानी आती थी और मैंने उसको कैसे हैंडल किया, ये सारी चीजें। बिल्कुल बिल्कुल, तो जितने भी तो लोग हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी बिगिनर्स आर्टिस्ट हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि भाई ऑयल के सेशन अगर आप लें तो जरूर लें, मैसेज करें, टेक्स्ट करें, ताकि जितनी ज्यादा इंक्वायरीज होगी शायद बेच उतनी जल्दी स्टार्ट हो। ये एक आज का सेशन रखने से बहुत बेनिफिट हुआ, मतलब लोगों को कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह ये सब,
तो आज नहीं हाँ, नो डाउट नो इनको डाउट, और बहुत अच्छे लेवल का डेमोन्स्ट्रेशन रहा है, जबरदस्त। ऐसा नहीं कई डेमोन्स्ट्रेशन में रहता है कि हमने भाई 4 पेज से थोड़ा सा इंप्रेशन दिया, देन ट्रीटमेंट बता दिया और हल्का सा कैरेक्टर, बट यहाँ ओवरऑल पूरा स्टार्ट टू फिनिश है। और आप देख सकते हैं डिटेल, डिटेल का भी लेवल गजब। किसके पास चलता है देख के बाद। बच्चे का क्वेश्चन है कि सर ये जो लिप्स में कलर किया है ये कौन सा कलर किया है। वो मैंने हल्का सा रेडिश टोन डाला है स्किन के, स्किन में ही हल्का सा बर्न अंबर और हल्का सा अपना वर्मिलियन रेड मिक्स करके ही लगाया है। ठीक है, एक किसी का क्वेश्चन है कि हाउ टू इम्प्रूव इमेजिनेशन पावर, कुल मिला के इलस्ट्रेशन पावर, किस तरीके से अपने से कंपोज करना वगैरह, ये किस तरीके से इम्प्रूव करें। इमेजिनेशन करना ये सिखा नहीं सकते कोई भी, वो भगवान की देन होती है, नेचुरल होता है कि आप इमेजिन कैसे कर सकते हैं। और दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो इमेजिनेशन नहीं कर सकता। हर एक को ये पावर भी होती है कि ये नेचुरल आपका ये होता है। जैसे कि मैंने अभी कहा कि एक बड़े से समुन्द्र में एक बड़ा सा सेब या जो एप्पल है वो तैर रहा है, कोई भी ऐसा यहाँ पे बंदा नहीं होगा जो ये इमेजिन नहीं कर सकता ऐसा, है ना। तो बिल्कुल इमेजिनेशन करना ये सिखा या सिखा नहीं सकते हैं, बट उसको इमेजिनेशन को आप उतारते कैसे या एक्सप्रेस कैसे करते हैं, ये यहाँ पे एक स्किल का पार्ट होता है, राइट। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि यार मैं इमेजिन तो बहुत अच्छे से कर लेता हूँ, बहुत कुछ कुछ मुझको आती है इमेजिनेशन वगैरह, लेकिन उसको उतारो कैसे, उनको वो बस माइंड में ही रह जाता है, वो कभी पेपर पे नहीं उतरता, वो कभी कैनवास पे नहीं उतरता, ऐसा रहता है। तो उसके लिए आपका बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए, दो चीजों को आपको कनेक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए कुछ लोग कैसे होते हैं, पहले वो कैटेगरी के लोग आते हैं जिनको माइंड में इमेजिनेशन वगैरह आती है बट उसको एक्सप्रेस करना नहीं आता किसी भी थ्रू, ना वर्ड से ना ड्राइंग से, ऐसे बस उनके मन में ही रहता है, अरे ये तो मैंने पहले ही सोच रखा था ऐसा। दूसरे आते हैं वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं कोई भी चीज को वर्ड्स के थ्रू या किसी भी थ्रू, वो खुद को एक्सप्रेस कर पाते हैं लेकिन उनको खुद का आइडिया नहीं होता। ओके उनको हाँ कुछ ये होता है, कुछ उनकी फिलोसफी नहीं होती या फिर उनके मन में वो क्रिएटिविटी नहीं आती है, ठीक है, वो बस किसी चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं जो उनको समझ आया है वो चीज। दूसरे तीसरे वो कैटेगरी के लोग होते हैं जिनको बहुत अच्छा सा ड्राइंग करना आता है, ठीक है, वो बहुत अच्छा सा ड्राइंग कर सकते हैं, वो हाँ सेम टू सेम कोई भी चीज को वो बना लेते हैं आराम से, ठीक है, लेकिन उनके माइंड में कुछ आइडियाज आती है, वो कुछ ये आता है, उन दोनों को जोड़ नहीं पाते। मतलब आइडियाज भी आती है, इमेजिनेशन भी आता है, ड्राइंग भी अच्छे से कर लेता हूँ लेकिन वो इमेजिनेशन से कैसे मैं उसको बनाऊँ वो नहीं कर पाते। किस तरीके से, और बिल्कुल क्योंकि वो होते हैं लोग होते हैं जो उनका इमेजिनेशन भी अच्छा है, एक्सप्रेस भी बहुत अच्छे से कर पाते हैं और आपकी पेंटिंग में भी वो अच्छे से दिखा पाते हैं कि उन्होंने क्या इमेजिन किया था। तो ये स्किल का पार्ट होता है कि आपने कैसे खुद को ट्रेन किया है, आपके ब्रेन को, वो ब्रेन को आदत लगानी पड़ती है कि सोचना कैसे है, थॉट प्रोसेस कैसे करनी है और हर एक चीज को कैसे डिफरेंट व्यू में देखना है। अभी डिफरेंट व्यू में कैसे दिखे, डिफरेंट पर्सपेक्टिव कैसे रखे, ये मैं सिखा नहीं सकता, ये अपने अपनी यूनिकनेस होती है। बिल्कुल।
अभी ये तो फिलहाल मतलब लाइव है, इसलिए मोबाइल की क्वालिटी और हर एक का अपना अपना अलग मोबाइल होता है, इसलिए कलर्स और जो भी स्ट्रोक के डिटेल है वो इतने अच्छे से क्लियर नहीं दिख रहे हैं। लेकिन बिल्कुल मैं बिल्कुल आपको बता रहा हूँ कि सब लोग लाइव आमने सामने होते हैं ना, तो बहुत मजा आता है। फिर बिल्कुल, नो डाउट। एक बच्चे का क्वेश्चन है कि अगर आप आर्टिस्ट के अलावा बनना चाहो तो क्या बनोगे? एस्ट्रोनॉमर एस्ट्रोनॉमर। ओके, या एस्ट्रोफिजिसिस्ट। या फिर एस्ट्रोफिजिसिस्ट ओके लेकिन यहाँ पे कैसा होता है, मतलब जो लोग थोड़ा साइंस से बहुत ये रहते हैं या उनको साइंस ज्यादा ये रहता है, उनका उतना आर्टिस्टिक क्रिएटिव माइंड नहीं होता। मतलब वो लॉजिकल सोचते हैं, उनका कैलकुलेशन में ज्यादा दिमाग चलता है इसे। और जो लोग ऐसा, उनकी फैंटेसी होती है, क्रिएटिविटी सोचते हैं, इमेजिनेशन आती है उनके मन में, वो कैलकुलेशन में नहीं जाते, वो रियलिटी के मतलब बियॉन्ड होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि उनकी फैंटेसी वर्ल्ड अलग होती है ऐसे। तो आर्टिस्ट जो होता है उनको वो दोनों चीजों को बैलेंस करना पड़ता है। जो भी आपका स्टाइल है, जैसे कि मैं अभी रियलिस्टिक में ये काम करता हूँ, पोर्ट्रेट फिगरेटिव वगैरह, तो मेरे को वो लॉजिक भी देखना पड़ता है इमेजिनेशन से करके, कि अगर ये बंदा ऐसा है, यहाँ खड़ा है, तो उसका पर्सपेक्टिव कैसे होगा, लाइटिंग कैसे होगा, ये बिल्कुल सारी चीजें लॉजिकली आती है ना। और एनाटॉमी उसकी कैसी है, ये सारा चीज साइंस का है। और बाकी आर्ट का क्या है कि आपने सब्जेक्ट कौन सा चूज किया है, और क्रिएटिविटी क्या दिखी है, कंपोजिशन कैसे किया है, कलर आपने कैसे उसमें डाले हैं, फील कैसे लाया है, और दिखाया क्या है उसमें, है ना, कैसे दिखाया है, ये होता है साइंस का पार्ट, और क्या दिखाया ये होता है आर्ट का पार्ट ऐसे। किसने क्वेश्चन पूछा है कि क्या था, वाटर मिक्सेबल ऑयल आता है कुछ, ऐसा कुछ है? वाटर मिक्सेबल मतलब जैसे कि ये भी जो ये आप कलर यूज करते हैं वो सारे वाटर मिक्सेबल मतलब क्या होते हैं कि जैसे कि मान लीजिए अभी मेरा पेंटिंग खत्म हो गया है ना, और मुझको अपने ब्रशेस को धोना है और अच्छे से साफ करना है, तो मेरे पास दो ऑप्शन है। एक तो मैं टर्पेंटाइन से अच्छे से इसको साफ करूंगा और रख दूंगा, और दूसरा एक ऑप्शन है कि मेरे पास जो भी साबुन या पानी है ना, या डिटर्जेंट वगैरह, उससे से आप उसको क्लीन कर सकते हैं, अच्छे से वॉश कर सकते हैं। अगर आपके ब्रश थोड़े से नाजुक वगैरह है तो उसको पानी से वगैरह साफ कर सकते हैं ऐसा है, तो वो पानी से आसानी से धुल सकते हैं, मतलब अगर उसमें डिटर्जेंट है तो ऐसे, तो वही उसमें ये रहता है। बाकी पानी से मतलब ऑयल पेंटिंग ये कभी मैंने ऐसा नहीं देखा है, वैसा अगर आपको धोना है तो उसमें मिक्स हो सकता है ऐसा है। तो अभी अभी दो चीजों से ना इसका, इस इंसान का कैरेक्टर समझ आएगा कि ये कौन है। मतलब दो ही चीजें हैं, मतलब ना कि मॉडल, ओके, मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि ये कैरेक्टर कौन सा है। दो चीजें बस ऐड करूंगा अभी, वो थोड़ा सा गौर से देखना मैं कौन सी दो चीजें ऐड करता हूँ कहाँ पे। बिल्कुल कि ये कोई ऐसे माइथोलॉजी का कैरेक्टर है, ये तो सबको समझ ही आया होगा। बिल्कुल ये थोड़ा तो जानते हैं अभी।
अगर किसी को समझ आया है तो बता सकता है वैसे तो। और एक चीज मैंने को याद आया, कमेंट सेशन में आ रहे हैं बहुत से बच्चों के आ रहे हैं। कुछ शब्द नहीं है इस डेमो के लिए, पता है? अद्भुत, मतलब अतुल्य, अविश्वसनीय, अद्वितीय, हाँ भारी भारी शब्द। एक्चुअली अच्छा इतने सारे लोग अगर इतनी रात को देख रहे हैं तो मेरे को भी वो आता है यार प्रेम, तेरे को कुछ भी करके इनको खुश करना यार, देख तेरे हाथ नहीं, में। मुझे ऐसा लगता है कि आना चाहिए, लाइव आना चाहिए, आपको भी लाइव आना चाहिए कभी कभी। बाकी हाँ स्टोरीज में तो आप मेंशन कर ही देते हैं कुछ चीजें, तो नॉलेजेबल थिंक होती है, बट लाइव भी अगर आ जाए ना कभी कभी तो बहुत हाँ बेहतर हो, बहुत हेल्प मिले बच्चों। ठीक। जस्ट 1 मिनट, मेरे को एक एक्स्ट्रा शेड की जरूरत पड़ने वाली है यहाँ पे, जस्ट 1 सेकेंड, तब तक आप इसको ऑब्जर्व कीजिए बस अच्छा एक मिनट। हाँ मिल गई शेड, बहुत इम्पोर्टेंट शेड है ये, मतलब इतनी भी अभी लग रही है इसलिए मैंने ये ली है, ठीक है ना। हाँ ओके क्रोम येलो है ये, येलो क्रोम अक्षर से, येलो, ओके हाँ येलो अक्षर से वो जो उसका फील है ना वो नहीं आ रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे क्रोम येलो यूज कर रहा हूँ। बस एक ही हाईलाइट, इससे ज्यादा मैं इसमें हाईलाइट नहीं देने वाला हूँ, ठीक बिल्कुल बिल्कुल, है, क्योंकि ज्यादा हाईलाइट ना वो डिस्ट्रैक्ट होने लगता है, तो जो मेन इम्पोर्टेंट चीज है उस पर ध्यान नहीं जाता, तो जितना हो सके लिमिट हाईलाइट ही होना चाहिए। जहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरत है उसी चीज पे सबसे ज्यादा हाईलाइट होना चाहिए, वही आपकी पेंटिंग का एक बादशाह कहलाता है कि उसके सबसे पहले ध्यान जाता है। बिल्कुल तो अभी वो चीज आई है यहाँ पे, देख रहा हूँ मैं यहाँ पे कि कौन सा यहाँ पे वो वाला जो मैं बनाने वाला हूँ वो यहाँ पे सूट करेगा, क्योंकि तो उससे ही इसका कैरेक्टर समझ आएगा। देख रहा हूँ इसका क्या, इसको फीट कर सकता हूँ, मैं थोड़ा सा इमेजिन कर रहा हूँ।
ओके थोड़ा सा मजेदार पार्ट है। हाँ जबरदस्त। पता देखने से वो एटीट्यूड आ रहा, वो फील आ रहा है, एनर्जी इधर आ रही है ऐसे। यस सर। जितने भी लोग देख रहे हैं, जो मुझे फॉलो करते हैं, जाएं प्रेमावले को फॉलो करें, देखें इनका काम। बहुत सी छोटी छोटी वीडियोस भी डाल रखे हैं इन्होंने, और नो डाउट क्लासेस भी चलती हैं, आप जाके फॉलो करें। हमारे काम में इंप्रूवमेंट तब होती है जब हम काम भी अच्छा देखें। नो डाउट प्रेम का काम जबरदस्त है। मैंने तो कहा है, आने वाला कल उज्जवल नहीं, खूंखार है, भोकाल है, भयानक है। जबरदस्त। मैं यहाँ पे इतनी डिटेल नहीं कर रहा हूँ जो क्योंकि अगर यहाँ पे बस इम्प्रेशन, सिर्फ मैं एक हल्का सा बहुत इम्प्रेशन दे रहे हैं। हाँ बहुत अगर डिटेल करूंगा ना तो ये सारा जो स्ट्रोक का ये है खेल है वो मजा इनका वो मजा, खत्म, हाँ मजा कम हो जाएगा। इसलिए ये भी स्ट्रोक में ही होना चाहिए, वो उसका अलग से मजा होता है। तो सब लोगों को समझ आया होगा कि कौन है। बिल्कुल, मैथोलॉजी के नजदीक होंगे उन्हें तो अच्छे से समझ में आया होगा। मैं कमेंट सेक्शन ऑन कर दूं क्या? आई थिंक ऑन कर हाँ देता हूं कर ताकि लोग दीजिए गेस कर सके। कर दीजिए बिंदास। कमेंट सेक्शन में अपना प्यार दिखाएं, जितने भी लोग हैं सबसे पहले तो धन्यवाद दें बिंदास। इतने अच्छे डेमोंस्ट्रेशन के लिए। खूबसूरत, अद्भुत, सच में अद्भुत, गजब। मतलब बस तारीफ के लिए और शब्द कम है, तारीफ भी एक छोटा शब्द है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा, बड़ा ही जीवांत है, मतलब गजब। कमेंट सेशन में बताएं, अब तो बताएं। अमेजिंग, धांसू, कर्ण। लक्षित ने कहा है कर्ण, लक्षित सबसे पहले लक्षित ने बताया। क्या बात। हाँ 9 बजे से अभी तक चल रहा है, बहुत से लोग बोल रहे हैं कि 9 बजे से अभी तक चल रहा है वो। हाँ 9 बजे से अभी तक चल रहा अगर है। यू बीच में आर अगर मैजिकल इंटरनेट कर्ण, सभी कर्ण के। होता ना वो नेटवर्क का तो और भी कंटिन्यूअसली मजा आ जाता, थोड़ा सा जल्दी बिल्कुल। भी। नहीं, बहुत गजब, बहुत गजब, पेशेंस वाली बात है। अभी भी लोग जुड़े हुए हैं, देख सकते हैं आप कितने लोग जुड़े हैं, अभी भी हैं। अरे बाप क्या बात और टाइम देखो क्या हो रहा है, 11:30 बज चुकी है। थैंक यू है, शालिनी मतलब मैम, उत्तम से भी अति उत्तम विशाल। बस यार जल्दी से मैं खत्म कर लेता हूँ, बहुत सारे लोगों से बात करनी है मुझको अभी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नहीं बात बहुत करना चाहते हैं, खतरनाक कर।
ज्यादातर सभी का कर्ण आ रहा है और सेकंड नंबर पे बाहुबली है। वो हेयर स्टाइल वैसी ही है ना, इसलिए हाँ वो अच्छा एक था ना, उसका पोस्टर लॉन्च हुआ था, वो ऐसा ही कुछ था जिसमें उसके बाल उड़ रहे हैं, वो थोड़ा सा हाथ में तलवार लेके, तो इमेज वो बन चुका है। नो वर्ड्स। सबीर बोल रहा है सबसे पहले के भैया को थैंक्स, जलवा कायम रहे, प्रेम के लिए खूब प्यार ना, खूब प्रेम, अच्छा प्रेम के लिए खूब प्रेम प्रेम। सबीर सैम फ्रॉम भोपाल। सूर्य पुत्र कर्ण, सभी को पता चल गया, सब अच्छा पहचान चुके हैं, बहुत कमेंट है। बिल्कुल बिल्कुल, वीडियो मैं बिल्कुल सेव करूंगा, जरूर करूंगा वीडियो। वैसे कितनी मिनट की बन गई ये, इंस्टाग्राम नाटक करता है फिर बाद में सेव करने से। प्रेम, जैसे ही ये कंप्लीट होता है हम पहले इस वीडियो को सेव कर लेंगे, देन उसके बाद फिर मैं दोबारा लाइव आता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है फिर ये इंस्टाग्राम, क्योंकि इसको ना डिलीट भी कर देता है समटाइम्स, अगर ज्यादा टाइम होता है तो पोस्ट करने से मना कर ओके देता ठीक है ठीक है, पक्का है ना। तो जितना भी क्राउड रुका हुआ है, जिन्हें बात करनी है प्लीज वो रुके, है ना, मैं बात करवाऊंगा, क्योंकि ये ओके वीडियो सेव करना बहुत जरूरी है, वीडियो ओके बहुत ही जानकारी से भरा है और बहुत अच्छा रहा है, तो मैं चाहता हूं कि वीडियो पहले अपलोड हो उसके बाद में लाइव। अब कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं लोगों का प्यार आपके लिए। थैंक यू। हाँ, जल्दी बुलाऊंगा, कई बच्चों की इंक्वायरी के साथ चारकोल के लिए भी आप एक बार जरूर बुलाना, मुझे जरूर बुलाएंगे। चारकोल के लिए इतना टाइम नहीं लगेगा वैसे, चारकोल हाँ तो, लेकिन ऑयल की बात ही कुछ और है यार, इसका मतलब वही की बात कुछ और है। अच्छा, ऑयल तो पहला प्यार है ना। पहला नहीं, पहला तो क्या मतलब, एक सच्चा प्यार चारकोल ऑयल ही है, बाकी तो है लेकिन सच्चा प्यार ऑयल ही है। हाँ क्या परफेक्ट जब सूट अपलोड होगा तब लगता आप देख सकते हैं इसका एक एक टेक्सचर, किस तरीके से कलर की, मतलब किस तरीके, फ्रेशनेस सब कुछ। है प्रेमी आपको। इसका फोटो मुझे भी दीजिएगा, मैं भी शेयर करूंगा ना। हाँ डेफिनेटली, ये होता है रेफरेंस वर्सेस आर्ट। बिल्कुल बिल्कुल, सीरियसली सीरियसली, मतलब भावनाएं फूंक मेरे दी इसमें पूरी। ख्याल से अभी इसको बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो वार्मनेस है उसके बैकग्राउंड में। बिल्कुल बिल्कुल, ओके हाँ हाँ, नोट। तो कैसा है कि अगर मैं इसका बैकग्राउंड बनाऊंगा ना, तो इसके ऊपर से ध्यान चला जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं डिटेल में बैकग्राउंड नहीं करूंगा, लेकिन कुछ अगर जहां जहां स्ट्रोक की जरूरत है वहां बस कुछ स्ट्रोक्स लगा लूंगा, बस हल्के ट्रांसपेरेंट स्ट्रोक एकदम, बिल्कुल जिससे उसकी जो मूवमेंट है ना वो बन के आती है। हाँ इससे ज्यादा मैं इसमें काम करूंगा ना, तो मैं खुद इसको बिगाड़ के रख सकता हूँ, ऐसा है। तो एग्जैक्टली हाँ, exactly. मुझे तो लगता बहुत है बहुत यहाँ पे सीरियसली रुकना आपने चाहिए, यहाँ पे रुकना चाहिए, क्योंकि कहाँ पे रुकना है ये भी आपको समझ आना चाहिए। ये रुकने का समझ बहुत आना चाहिए, इम्पोर्टेंट है। एग्जैक्टली अगर समझ में आना रुकते चाहिए। नहीं है ना, वो करते जाते हैं, फिर उनको कुछ ना कुछ तो लगता है ऐसा वैसा वैसा, तो खराब हो जाता है ऐसा है। बिल्कुल तो बस एक छोटा सा नाक पे हाईलाइट देके ना इसको सिग्नेचर मार के ये करते हुए। एक कमेंट आया, छानच
झाल था ना, झल अच्छा ऐसे कुछ था। झाले, थैंक यू सो मच। एक बच्चे लिखा है सर पेंट, सर पेंटिंग का एटीट्यूड कॉपी कर रहे हैं। अच्छा हाँ कोशिश तो कर रहा हूँ मैं इतनी देर से, ऐसे कर बस इधर से बाल उठने बाकी। मेरे ख्याल से आपको बाल बढ़ाने चाहिए सेम ऐसे। मैं जब कॉलेज में था तब थोड़ी कोशिश की थी, पर वो ही है ना, इन मूंछों से ही दुखी हूं मैं तो। खाने पीने में इतनी दिक्कत आती है जिसकी हद नहीं। ऊपर वाला लिप्स तो दिखता ही नहीं है देखो। अच्छा और मूंछों की भी एक स्टोरी है, पता है हमारी मूंछों की एक स्टोरी। मैंने बताया था फाइन आर्ट्स कर रहे थे तो मास्टर्स में आ चुके थे, मानी बेचलर्स फोर्थ ईयर था आई थिंक। तो पांच दोस्त थे हम जो बेस्ट फ्रेंड थे, तो कुछ भी करना साथ ही कर। तो पांचों ने निर्णय लिया कि मूंछ बढ़ाएंगे भाई साहब। तो पांचों ने मूंछ बढ़ाई तो एक के मेरे आई बिल्कुल पतली पतली छोटी छोटी सी, इतनी इतनी सी। और एक और थे हमारे दो तीन, हम तीन दोस्तों के बड़ी छोटी आई, दो के बहुत अच्छी खासी भरवा आ रही थी। अब लेकिन हिम्मत नहीं आ रही, उन्होंने हमें कसमें भी डलाई कि कटाना नहीं है, जैसी भी उगे वाह उगानी है पूरी। वाह, तब से लेके आज तक, मतलब ये बियर्ड है और हम पांचों दोस्तों ने आज तक नहीं कटवाई। पांचों दोस्त आज भी रखते। ओके दोस्तों, तो अभी एक छोटा सा इम्पोर्टेंट काम बाकी है यहाँ पे। ओके ये हो गया आपका सूर्यपुत्र गजब अद्भुत, सीरियसली बहुत खूबसूरत। थोड़ा वीडियो मतलब मोबाइल से बिल्कुल पास में लेके हल्का सा आईज के आसपास ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा निकाल लें। बिल्कुल कंप्लीट। एक मिनट, मैं हाथ में पकड़ता हूँ क्योंकि ये बिल्कुल इस हाथ पे में पकड़ लें आप थोड़ी देर के लिए बस। फोन काफी हीट हो गया है मेरा वैसे। अरे वाह, तो मैं लाइट का थोड़ा सा देखता हूँ क्योंकि यहाँ पे शाइन कर रहा है थोड़ा सा। तो धीरे धीरे लेना है क्योंकि एक्चुअली वो पिक्सल्स थोड़े से मूव कर रहे हैं धीरे धीरे ओके पास ओके में। ओके, पहले दूर से देखिए फिर हम क्लोजअप लेते हैं। अभी ये बिल्कुल देखिए, बिल्कुल बिल्कुल हाँ क्वेश्चन देखने आप आइज में ब्यूटीफुल सीरियस। अभी ये ऑयल है इसलिए बहुत चमक रहा है। मैं ट्राई बिल्कुल कर रहा हूँ नहीं थोड़ा सा बहुत उल्टी कर रखूँ, इसलिए ऑयल का फोटो खींचना इससे मुश्किल काम है पेंटिंग बनाने से ज्यादा। इसका नो डाउट। फोटो हाँ बिल्कुल
ओके अभी मैं यहाँ पे रेफरेंस दिखाता हूँ तो आप इससे कंपेयर कर सकते हैं। ओके तो बिल्कुल ये है आपका रेफरेंस। रेफरेंस में पूरा एटीट्यूड आ रहा है अभी अभी मेरे में इतना नहीं आ रहा, लेकिन रेफरेंस में पूरा एटीट्यूड। रैंडम स्क्रीनशॉट लिया हाँ हाँ मैंने बस यहाँ बोला कि आप वहां देखिए, नजर वैसे ही रखे, चीन था ऊपर डाउन, ऐसे लाइट भी मस्त ना था। एकदम। तो गजब है। फोटो में कैसा है वैसे? पर्सपेक्टिव का डिस्टॉर्शन आया है, मतलब ये सेल्फी से है ना, इसलिए ये वाला जो हाँ है ना थोड़ा सा फूल गया है, थोड़ा सा फूल बड़ा गया। लग रहा है क्योंकि ये पास है बहुत, तो लेंस से वो ऐसा ही फोटो आता है अगर बहुत पास से आपने कैमरा लिया एक ना। कमेंट आया है, बस हाँ तीर चलाने की देरी है। नैनो नैनो से तीर चलाई है, देखिए चलाई है। बिल्कुल से तीर चलाई। चलिए खूबसूरत अद्भुत। ये मतलब कृति के लिए शब्द बहुत कम है, शब्द बहुत कम। हाँ थैंक यू, मजा आया यार। मतलब ये गजब देखिए गजब। अभी आप यहाँ कैमरा आप अपनी पे, तरफ करें, कैमरा अपनी तरफ करें। हाँ 1 मिनट, यहाँ पे मैं और एक काम करते हुए एक एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग मैंने बनाया था वो आपको दिखाता जरूर हूँ। जरूर जरूर दिखाएं आप। ये देखिए हाँ पैलेट, कलर पैलेट। तो ये भी एक तरह का मेरा सबकॉन्शियसली ऐसा ही वो होते जा रहा था, मेरा इस पे ये नहीं था, उसके हर एक मूवमेंट पे मेरा ये था। तो ये भी एक तरह का एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग है, इसका उसमें इंप्रेशन है, वो एक्सप्रेशन है, सॉरी। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन है और ये उसका इंप्रेशन है ऐसे। बिल्कुल तो देखा अपनी तरफ कैमरा करता हूँ इसका। सो फ्रेम अपने पास कितना टाइम है, मतलब अभी कितना टाइम है अपने पास, और कितना टाइम तो है? अभी टाइम टू टाइम ऐसा कुछ ये नहीं है, बस पहले आप इसको सेव ऐसा कुछ नहीं है कीजिए। ना, तो मैं ये वीडियो एक बार सेव कर देता हूँ, फिर अपन बात करते हैं, ठीक है? ओके सो गाइस, जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं, प्रेम से आपको जो भी कुछ पूछना है आप पूछ सकते हैं उनसे। मैं इस बिल्कुल वीडियो को सेव करके 1 मिनट लूंगा, क्योंकि साथ में थोड़ा सा कुछ लिखना भी रहेगा। 1 मिनट, 1 मिनट तो नहीं, 30 सेकंड के अंदर मैं वापस लौट रहा हूँ, ठीक ओके। है? ओके देखिए चलो। 204 लोग हाँ हैं, 204 ही लोग आने चाहिए। अभी भी है, अभी भी है। सो है ना, लौटते हैं, जल्दी लौट। नमस्कार नमस्कार, जुड़ते जाओ। सो मैं प्रेम को बुला लेता हूं। इनवाइट कर दिया है, वो आ रहा है। हाय, चलिए मुझको भी थोड़ा सा ब्रेक ले लिया मैंने अभी। हाँ, सेशन था ये, सेकंड वाला सेशन रहा 1 आवर, और मतलब 1 घंटा 55 मिनट का था ये भी। अच्छा ये पहली बार हो रहा है कि कोई मेरा लाइव 3 टुकड़ों में अपलोड होगा। बड़ा भी इतना चला है, जबरदस्त। और अभी टेंशन नहीं है कि भाई हमने जो किया वो मेहनत कहीं चली जाएगी। हाँ सो अभी तो पहली चीज तो ये, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सभी की तरफ से, मतलब जितने भी लोग देख रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं। बेसिकली मैंने जो ये लाइव आना ये स्टार्ट तब किया था जब बच्चे मुझे बोलते थे कि सर सिखाओ सिखाओ, तो वो किस तरीके से सिखाएं, वो शायद लाइव आके सिखा सकते हैं। तो 8 लोगों के साथ शुरू किया था जब लाइव आता था, 8 लोग 7 लोग, फिर भी मैं 1-1 घंटे के सेशन लेता था। अच्छा आज तो वाह, चलो क्या लोग बाग आ गए हैं, अब तो आ जाते हैं। बात है।
नो डाउट बच्चों का प्यार, इनके प्यार की वजह से तो इतना ग्रोथ वगैरह हो रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। क्या बात है, ऑल द बेस्ट। चलो मैं इनवाइट करता हूँ, है ना, लेट नहीं करते। ये हाँ क्या ऋषभ क्या कह रहा, आज से कृष्णा करण कुंदारा सर। अरे वाह भाई, चलिए आज लेते हैं ना, पहले तो कॉल्स लेते हैं। टाइम मिले तो जरूर ऐड करना, जरूर करेंगे, जरूर करेंगे बेटा, जरूर करेंगे। हेलो कृष्णा भाई, एकदम कैसे हो? बढ़िया। और प्रेम भाई, क्या हाँ भाई, क्या पेंटिंग यार, क्या बनाया है, सेशन में मजा ही नहीं आया, मजे का बाप आया मजे का बाप भाई। आया। अरे वाह, बहुत ही उम्दा, मतलब मैं पूरे सेशन में मैं बैठा हुआ था और मैंने पूरा सेशन देखा आप लोगों का। बहुत ही प्रोडक्टिव सेशन रहा और बहुत ही बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें हो रही थी, और जिस तरीके से पेंटिंग का फ्लो चल रहा था, बातें चल रही थी, एक अरे समा बन गया था पूरा। मजा आया। बहुत बहुत मुझे खुद फील हो रहा था मैं पेंट कर रहा हूँ, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही क्या थी। बात बहुत बहुत मजा आया। है, थैंक यू भाई। प्रेम भाई, मुझे आपसे एक सवाल था। हाँ, बोलिए ना। आप ये बताइए कि एक कलाकार के लिए सबसे जरूरी क्या होता है उसकी कला में? पैशन। इलैबोरेटिव है। हाँ, मतलब देखिए, मैं कोई कॉमन सा आंसर जो सब लोग देते हैं उससे थोड़ा सा हटके देने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि सबको इसका आंसर पता है कि हाँ, मतलब हम बस इसको करना है और करते रहना है, ऐसे रहते थे। लेकिन देखिए कैसा रहता है, ये आपके जहन में बैठ जाना चाहिए, जैसे कि सोचना नहीं पड़ना चाहिए। जैसे कि माइंड की स्टेट होती है, जब आपके माइंड को ये आदत लग जाती है ना किसी चीज की, तो आपको उसके बारे में सोचना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिकली हो जाती है। जैसे कि अगर आप पहली बार गाड़ी चला रहे होते हैं, बाइक चला रहे होते हैं, तो सारी चीजें आपका माइंड पूरा अवेयर रहता है, ठीक है, कि हाँ ये करने के बाद अभी ब्रेक लगाना है, क्लच छोड़ना है, गियर डालना है, ये सारी चीजें पूरा माइंड आपका अवेयर रहता है। लेकिन एक बार आप पूरा इसमें ये हो जाते हैं, आप एक बार उसको सीख लेते हैं ना, तो ये सारी चीज सोचने नहीं पड़ती, वो एक माइंड का एक अलग जो स्टेट रहता है वो अपने आप काम करने लगता है। तो पेंटिंग को ही यही एक स्टेट में डालना है कि यार ये तो मेरा डेली का है, या ये रोज का है, ये आपके हाथ में, आपके जहन में बैठ गया है, आपको उसके बारे में सोचना नहीं पड़ना कि यार ये मुझको बनाना है, ऐसा सोचने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। वो अंदर से आना चाहिए कि यार कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो करना है, कुछ तो मिसिंग है, ऐसी चीज अंदर से आनी चाहिए। फिर वो अपने आप ही सारी चीजें होने लगती है, आपको सोचना भी नहीं पड़ता। सामने कोई अगर अचानक से आता है, आप ब्रेक लगाने के बारे में सोचते नहीं है, वो आपके हाथ ही ऑटोमेटिकली ब्रेक लगाते हैं। एग्जैक्टली वैसे ही जब भी आपका माइंड करता है, मन करता है, वो आपका हाथ बस, अरे यार मेरा हाथ, मैं रोक के भी मेरा हाथ वहां पे चला जा रहा है, वैसा वो हो जाना चाहिए। वो होने के लिए उसकी प्रैक्टिस और ये कैसी करनी है, कितनी करनी है, ये सारा आपके ऊपर होता है, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। मतलब डे टू डे लाइफ में भी आंखों से भी पेंटिंग करनी चाहिए, मतलब जो भी चल रहा है उसमें दिमाग में भी हमेशा चलते रहना चाहिए। वो मतलब ये आदत ही लग जानी चाहिए आपको, ये सोचना है ऐसा नहीं सोचना है, मतलब ये करना है ऐसा नहीं, वो हो ही जाना चाहिए अपने आप, वो लेवल का स्टेट, माइंड स्टेट होना चाहिए। जैसे के कुंद्रा सर के साथ मैंने भी एक सेशन लिया था और प्रेम भाई से मेरी बातें होते रहती हैं, हाँ और आज पहली बार के कुंद्रा सर को मैं बता रहा हूँ, आज पहली बार प्रेम भाई के साथ मैं बात कर रहा हूँ वीडियो कॉल। अच्छा इससे पहले जितनी बार भी बातें हुई हैं मैसेज में हुई हैं हमारी बिल्कुल बातें, और काम से रिलेटेड ही हुई हैं, चीजों से रिलेटेड हुई हैं, कुछ प्रैक्टिसेस वगैरह शेयर किए हैं मैंने। और सच में भाई प्रेम, जिस लेवल का आप नॉलेज होल्ड करते हो इस एज में, दिस इज ट्रेमेंडस भाई। मतलब एग्जैक्टली कोई एक्सप्लेनेशन नहीं इसका, इतनी डीप नॉलेज और इतना डीप थॉट प्रोसेस
रखना, इतनी गहराई रखना अपने सोच में और इतनी पारदर्शिता रखना बहुत ही मुश्किल है। थैंक यू सो मच। इट्स वेरी मैं सबसे पहले जितने भी बच्चे होते हैं मैं उनको यही बोलता हूँ, एक अच्छा आर्टिस्ट बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनना बहुत जरूरी है, सही बात है, एग्जैक्टली क्योंकि आप जस्टिस नहीं कर सही पाओगे। बात, यू हैव टू डू जस्टिस इन पेंटिंग, तो राइट, एग्जैक्टली, आप जस्टिस नहीं कर पाओगे। तो ये मेरा थॉट प्रोसेस है। मैं आप लोगों का ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, और भी बच्चे बहुत वेट कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं अरे मेरे नहीं, मुझे, कोई इशू नहीं, कोई तो आप कोई इशू नहीं। बाकी लोगों का कॉल लीजिए, मैं सेशन एंजॉय कर रहा चलिए था, और बढ़िया, बहुत मजा आया, बहुत जबरदस्त। बढ़िया लगा चलिए ना, ठीक है। आप लोगों को भी। ये लोगों का प्यार है तो इस प्यार के लिए आप लाइव आते रहे, जितना ज्यादा लाइव आएंगे ये बच्चे और उतना सीखेंगे आपसे, और अरे बहुत ही गजब, सीरियसली मजा आया। यार मेरे गाल दुखने लगे, मैं जब भी स्माइल ज्यादा करता हूँ ना गाल दुखने लगते हैं, अरे मतलब यार तो स्माइल आ जाती है, मतलब अरे ये खिल खिल ही जाती है, ऐसा बनाने नहीं ऐसा है, पड़ती। बिल्कुल हेलो, बिल्कुल बिल्कुल। हाय, नेटवर्क का इशू हो गया। कोई और कॉल लेते हैं ना। ये मेरा तो नहीं ना दिख रहा है ऐसा उल्टा। मैंने फ्रंट कैमरा स्टार्ट किया है इसलिए। नहीं, ब्लर नहीं दिख रहे, ठीक है। और कोई है? हाँ, बहुत है, मैंने वो अरे रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है, फिर उनका नेटवर्क का इशू रहता है, इस चक्कर में वो कनेक्ट नहीं हो पाता है। ओके, बिल्कुल, हेलो सिकंदर सर भी लाइव में है। थैंक यू सर, सिकंदर सर ने कहा है सिकंदर ग्रेट वर्क। हाँ ग्रेट वर्क, थैंक यू सर। सर, मैंने वो सेशन मिस कर दिया, आप अगर मेरी पेंटिंग्स देखेंगे ना, सॉरी सर आपको भी, तो मैं सिकंदर सर का ही स्क्रीनशॉट लेके वाटर कलर बनाती हूँ खुद से। अच्छा, जी सर, और अभी मैं 11:30 बजे देख रही हूँ, 9 बजे लाइव था, और अभी स्टिल आप कंटिन्यू लाइव हो 3 घंटे तक, मतलब उसी बिल्कुल के लिए मैं काम तो नहीं दिखाऊंगी, आप शायद थोड़ा बहुत तो देखे हो, मैं तो खुद से ही ट्राई करती हूँ, और मैं सिकंदर सर का ही स्क्रीनशॉट लेके फॉलो करती हूँ, तो अगर वो देख रहे हो तो उनको बहुत बहुत ज्यादा थैंक्स, वो लाइफ से नहीं सर देख रिलेटेड रहे हैं, बहुत सर ने प्रोग्राम। थैंक यू भी बोला है, सर सर नहीं देख रहे मैं हैं, ना सर ने थैंक उनका यू ना बोला। मिस कर दी हूँ एक्चुअली, बट मैं वो रिकॉर्डेड वाला देखी हूँ आपका सर, अच्छा, आप जो उसमें सिकंदर सर का रिकॉर्डेड, और इनका मैं नहीं देखी हूँ, बट वो जो मैं बैकग्राउंड में देख रही हूँ तो एक्सेप्शनली ग्रेट, अगर 3 घंटे तक भी लोग जुड़े हुए हैं ना तो आप तो ग्रेट हैं ही हैं, के सर तो हैं ही हैं, क्योंकि उनके कारण ही जुड़े हुए हैं सब लोग इतनी देर तक। तो ये मेरी बेटी भी पीछे से कुछ कुछ बोले जा रही है। सो प्रेम से आपका कुछ क्वेश्चन है, कुछ इंक्वायरी है? नहीं सर मैंने ये सेशन देखा नहीं है, बट अगर सिकंदर सर, मैं क्वेश्चंस वगैरह नहीं है सर मेरे, अच्छा, मैं चलो सिर्फ सिकंदर अपना थोड़ा सिकंदर सर, सा अगर आप लाइव अपने, आ सकते हैं, अगर 1 मिनट के लिए मैं रिक्वेस्ट सेंड जी करूं, सर आप अगर अगर मेरा मैं प्रोफाइल देख आपका लेंगे, कोई मैं फैन है जो आपसे सिकंदर बात सर करना को पूरा चाहता है। कॉपी करती हूँ, क्योंकि और आर्टिस्ट को मैंने अभी तक, मुझे उनका काम बेहद बहुत अच्छा है सबका, रैपिड स्केच तो 2 मिनट में बन जाता है, वो भी सर ठीक है, बट मेरा मैक्सिमम मैं उनको ना कॉपी करती हूँ बस, अच्छा, दैट्स इट। करते हैं, अभी आप ठीक है। देख रहे हैं लो, वो आ अभी, गए, सिकंदर जी सर भी आ सर, गए। थैंक नमस्कार सर, यू सो मच। नमस्कार जी, देखिए नमस्कार। अगर आप देखेंगे पहले ना, पहले पहले मुझे अपनी भावनाएं व्यक्त करने दीजिए। मैंने जी, प्रेम आपका काम देखा, बहुत ही औसम। तो आप बोल आप रहे तो हैं बहुत सर ही, सीरियसली? मैंने आधा पौना घंटा इनका सेशन अटेंड किया, लास्ट में मेरी क्लास चल रही थी उसके बाद अटेंड किया मैंने। नहीं वो तो सो मुझे मालूम है, अमेजिंग। कुंद्रा सर का मैंने रिकॉर्डेड सेशन देखा है, नॉट द लाइव सेशन, तो
बट जो तो अगर आप मेरा सिकंदर सर प्रोफाइल अभी अगर बात चेक कर रहे हैं, करेंगे, प्रेम सिकंदर सर अभी बात कर रहे हैं प्रेम हाँ, के लाइव की, प्रेम, जो हाँ, प्रेम ने प्रेम, अभी बनाया है ओके सिकंदर सर, ओके उनकी ओके बात कर रहे प्रेम, हैं। प्रेम आपका काम बहुत अच्छा है, रियली बहुत मजा आया। तो ऐसे करते जाओ, हम दुआ करते हैं कि आप तरक्की करें खूब, गॉड आपको बहुत प्रेम आप पता नहीं जानते हैं, दुनिया नहीं तक जानते लेके हैं, सिकंदर जाएंगे। सर हैं, सिकंदर सर का वाटर कलर ऑसम है, नहीं जबरदस्त है, और सर टाइम टू टाइम खुद लाइव आके सिखाते रहते हैं, और लास्ट सेशन हमने सर के साथ में ही किया था। राइट राइट राइट। सो मैम, मैंने आपका सुना भावना आपकी, आप स्क्रीनशॉट लेके करते हैं, थैंक यू सो मच आपका भी। और ये अपना कृष्ण जी, आप तो बढ़िया कर ही रहे हैं, मतलब मजा आ रहा है आपका। अब सेशन मैं रूटीन से देखता रहता हूँ, कुछ ना कुछ अपडेट जब आते हैं, सब आप अच्छा कर रहे हैं। आशीर्वाद है तो सर आज आपका, तो प्रेम, आशीर्वाद है, आशीर्वाद। आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, और प्रेम ने भी आज तो पूरा प्रेम बिखेर दिया अरे सर जबरदस्त जबरदस्त। सीरियसली, मतलब वो बैकग्राउंड में आपका फोटो दिख रहा है उनका, तो मतलब अगर 3 घंटे तक लोग जुड़े हैं, दैट मींस अ लॉट, मतलब मतलब रियली। नो डाउट नो डाउट। और वो आर्टवर्क अगर इन्होंने मुझे दिया नहीं ना, वो पीछे वाला, तो मैं पहुंच जाऊंगा वहां लेने, मैं छीन के लेके सर सोचिए, मेरा मायका है जाऊंगा। गुड़गांव में, और जब से आपसे कनेक्ट हुई मेरा आज जाना ही नहीं हो रहा है, कोरोना ऐसा चल गया है, सोचिए। कर दी थी, बट रिकॉर्डेड सेशन आई वेंट इट थ्रू एवरी मोमेंट, मैंने पूरा देखा है। जो आपके लाइफ से रिलेटेड चीजें रहती हैं, कुंद्रा सर से ही जो भी लोग कनेक्ट होते हैं ना, उनको सबको मैं देखती हूँ जब मुझे वक्त मिलता है रिकॉर्डेड सेशन। तो इंस्टा भी चिढ़ जाएगा आपसे कुछ दिन में। अच्छा नहीं, वो चिढ़ भी जाता है समटाइम्स, वो अपलोड नहीं एग्जैक्टली करता है मेरे वीडियो। वो चिढ़ जाएगा कि ये तो हमसे भी ऊपर जा रहा है कुछ, तो ऐसा है। तो अभी नहीं मेरे ऐसा पास नहीं है, भी तो है ऐसा ना, जो मैं अभी बहुत सारी, मेरी सारी ऑलमोस्ट एवरीथिंग वाटर कलर तो अचिंत्य सर भी करते हैं। आपका बूंदी से मैं सिकंदर देख रही सर हूँ, अभी साथ कला में आर्यन है, क्या ना, बूंदी। सिकंदर सर साथ में है, तो आप अगर कुछ वर्क दिखाना चाहो तो दिखा दो, जल्दी से दिखा। सर मेरा तो कैमरा मैं ही मूव अभी नहीं तो कर रहा है। नानू, कैन यू डू अभी समथिंग? कोई बात नहीं, हाँ आप मुझे कल भी दिखा सकते हैं, कल भी मैं कल लाइव दिखाते आने हैं, वो वाला 12 बज हूँ गई है, यूट्यूब सर के पे लिए और भी लेट इंस्टाग्राम है, पे। सर के लिए भी नो लेट है, नो नो डाउट। सीरियस, आप हर पेंटिंग में आप ही का है सर, आप ही का काम है। वाह अच्छा ये आपका है, ये भी आप ही का है, ये आपका नहीं है, अच्छा ये भी आप ही का है, हाँ ये भी है, हाँ ये भी आप ही का है, ये भी आप ही का जी है सर, ये भी आप ही का अच्छा है वाह सर, ये ओ, भी आप ही का है, ये भी आप ही ऐसे का लग है। रहा है कि जैसे आपको पता था कि मैं भी जुड़ूंगा, तो आप तैयारी नहीं सर करके आपने बैठूंगा। बोला ना, नहीं सर आपने बोला ना कि भाई मेरा जब मन करेगा ना, तब मैं ये चेंज करूंगा अपना पैटर्न, नहीं तो मैं तो सूखा पेड़ भी बनाऊंगा और हट भी बिल्कुल बनाऊंगा और माउंटेन बिल्कुल, भी बनाऊंगा। बहुत तो अच्छा भाई कर रहे हो। आर्टिस्ट अपने मन का ना करे ना, तो क्या ही करेगा। हाँ कल तो भी इसी तरीके का कुछ टॉपिक है मेरा, कल आर्ट के साथ हमारा जो प्रोफेशन है उसके बारे में बात करेंगे कल लाइव में। तो डेफिनेटली सर, मैं ना प्रेम आपका ना सेशन अभी आपसे लोग बात करना चाह रहे हैं, मैं बीच में टाइम नहीं लूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका, मैं नहीं टाइम लेना चाहता, तो मैं बाद में आपसे डायरेक्टली बात करूंगा प्रेम। सो सर देखिए, इसे गुड डेस्टिनी लक, बोलते हैं। बेस्ट आपका विशेस। इंस्टा मैंने मिस किया था, सॉरी प्रेम जी, आई एम सो सॉरी। ये आपके लिए भी नहीं है, वो जिनको मैं, आप देख रहे हैं ना, मैं ये वॉटर कलर पता नहीं कैसे मैं इंक्लाइन कर पाई हूँ, मुझे नहीं पता। मैं सिर्फ अपने इमेजिनेशन से और सर का स्क्रीनशॉट लेके, वो गुरु को कुछ गुरु दक्षिणा देनी रहती है, मैं ऑयल नहीं सीखी हूँ तो मुझे नहीं पता है। रैपिड स्केच भी अभी मैं नहीं कर रही हूँ, मैं तो सर को ही टैग कर देती हूँ। ये सारा आप ही का काम है सर, आपको मालूम होगा हाँ शायद। जी हाँ सब जी, ममता जी है, गुड थैंक लक, बेस्ट यू विशेस सो है। मच सर। तो प्रेम बाद में बात करते हैं ब्रदर, ओके जी कृष्णा, जी थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड जी जी लक, थैंक यू सो मच सर ज्वाइनिंग। थैंक यू, बाय बाय। यस बाय सर। क्वेश्चन तो कोई नहीं है, मैं अभी अब जाती हूँ, क्योंकि मैं ऑयल पेंट का तो ज्यादा जानती नहीं हूँ, बट क्योंकि 3 घंटे से लाइव है। एंड थैंक यू सो मच सर। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है भैया। अभी आ रही है,
हाँ अभी आए। मैं ऐड कर रहा हूँ, है ना? नमस्ते सर। हाय, हेलो, नमस्कार। हाँ, अरे आपसे चैट वगैरह पे बात हो पाती थी दोनों से। पहली बार लाइव कर रहा है आप दोनों के साथ। अभी सर हम लोग हमने मतलब ये आला प्राइमर वगैरह इस्तेमाल तो करा था, तो इसमें हमें एक एक दो प्रॉब्लम हुई। नेटवर्क का इशू, आपका नेटवर्क का इशू हो रहा है। हेलो, हेलो, आई थिंक नेटवर्क का इशू हो गया। चलिए किसी और को जोड़ते हैं। हेलो जैन सर। हाय, जैन, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल। हाँ, हरिओम, मेरा नाम है। आपसे आज शाम को ही बात हुआ था प्रेम सर चैट पे। तो मेरा मेनली दो क्वेश्चन है। पहला हाँ तो ये, जैसे कि हम किसी आर्टिस्ट को देखते हैं तो मतलब एक तो बहुत टॉप पे है, हाँ तो अंदर से ना थोड़ा सा डर टाइप का भी एक आदमी, मतलब इंस्पिरेशन तो बहुत मिलती है लेकिन अंदर से एक ना डर टाइप का भी आ जाता है कि यार, मतलब घबराहट कह सकते हैं कि वो उतना टॉप पे है, हम नहीं है, मतलब कि हम मेहनत नहीं कर रहे हैं या ऐसा कुछ कमी पड़ रही है, तो वो चीज कैसे सही करें, या ये सोच गलत है सही है वो बताइए। और दूसरा ये, जैसे कि आप कुछ, मेरा दिल का धड़कन बढ़ गया। अरे नहीं, रिलैक्स रिलैक्स। तो हाँ, दूसरा ये कि जैसे आप कुछ सेंसुअल वर्क्स भी किए हैं और उसके बाद आप माइथोलॉजी पे भी करते हैं, तो उस चीज को बैलेंस कैसे करते हैं? तो सबसे पहले जो क्वेश्चन किया था उसका मैं आंसर देता हूँ। तो बेसिकली जो भी हमारा इंस्पिरेशन रहता है, कोई एक हमारे माइंड में एक आर्टिस्ट रहता है, फेवरेट आर्टिस्ट की, उसका वर्क हमको बहुत अच्छा लगता है इस तरह से। तो एक होता है कि यार हमको उसके जैसा बनना है, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ बातें सही भी है, कुछ बातें गलत भी है, ठीक है? आपको देखिए, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ मैं। दूसरा लियोनार्डो विंची नहीं हो सकता, दूसरा पिकासो नहीं हो सकता, ठीक है? वो सारे जो आर्टिस्ट थे वो एक ही बन के गए हैं, राइट? तो एक ये एटीट्यूड होना चाहिए कि मुझको, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बिगिनर हूं तो मुझको किसके जैसा नहीं बनना है, मुझको मेरे जैसा बनना है। लाइक मुझको प्रेम आउड़े ये बनना है ऐसे। तो लोग आपके आर्टवर्क को देखने के बाद फिर आप फिर ऐसा उनको आप इंस्पिरेशन बनने चाहिए, सारे लोगों को ये टारगेट होना चाहिए, ना कि उस आर्टिस्ट जैसा मुझको बनना है, उसकी कॉपी नहीं करनी है। इंस्पिरेशनल ठीक है, मतलब कॉपी मतलब क्या है, उसकी जर्नी की कॉपी नहीं करनी है। हर एक आर्टिस्ट की जर्नी अलग अलग होती है, राइट? उसके वर्क्स कॉपी करके उसकी स्टडी कर सकते हैं, बट उसकी जो जर्नी है, उसका जो जो भी उसने जो यात्रा उसने की है, उसको कॉपी नहीं करना है, क्योंकि वो हो ही नहीं पाएगा। आप इकलौते हो इस पूरी दुनिया में, जैसा आपका एक्सपीरियंस है वैसा दुनिया में किसी और का नहीं है। आपका अगर जुड़वा भाई भी होता तो भी इसका एक्सपीरियंस सेम नहीं होता। तो जैसा आपका थॉट प्रोसेस बचपन से होता जा रहा है, उस हिसाब से आपको बनना होता है, ठीक है? तो एक ये टारगेट रखना है कि मैं, हाँ वो आर्टिस्ट मेरा फेवरेट है, वो मेरा अभी इंस्पिरेशन है, लेकिन एक टाइम आएगा बाकी लोग मेरा इंस्पिरेशन ऐसा लेंगे, मतलब मैं सबका इंस्पिरेशन बनूंगा ऐसे। तो ये टारगेट होना चाहिए। और दूसरी चीज, जैसे कि मैंने कहा माइथोलॉजी, जो भी सारे पेंटिंग्स वगैरह होते हैं, जैसे कि ये वाले, ये मैं कोई भी, मतलब यही नहीं, हर एक कोई भी मेरी पेंटिंग्स होती है, चाहे कितनी भी बड़ी हो, छोटी हो, स्मॉल वर्क हो, स्केच वर्क हो, या कोई भी वर्क हो, तो वो सारा स्टडी वर्क, प्रैक्टिस वर्क होता है, उससे कुछ ना कुछ मैं, हर एक आर्ट वर्क ऐसा, मैंने अपने आपके लिए एक चैलेंज दिया है कि मेरा हर एक आर्ट वर्क पहले से बेहतर हो, ये एक ही रूल मैंने यहाँ पे रखा है। तो कोई भी स्केच क्यों ना हो, तो स्केच की कैटेगरी में वो पहले से बेहतर होना चाहिए, कुछ भी हो, उससे अलग, उससे अलग, उससे अलग, ऐसा। तो यही बस मैंने रूल फॉलो किया है, बाकी कुछ नहीं, बाकी कोई रूल नहीं है इसमें। तो जो भी मेरे सारे आर्टवर्क्स होते हैं वो स्टडी का पार्ट है, एक्सप्लोर कर रहा हूँ हर एक सब्जेक्ट को, चाहे वो माइथोलॉजिकल हो, स्पिरिचुअल हो, या कोई भी हो ऐसा।
तो वो मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ उस सब्जेक्ट को डीपली स्टडी करने की कोशिश कर रहा हूँ अपने लेवल के हिसाब से, मेरे छोटी से बुद्धि को जितना हो सके उस हिसाब से मैं उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा हूँ ऐसा। सर सर एक बस एक छोटा सा और मतलब हम जो सेकंड क्वेश्चन था मेरा ये था कि मतलब जैसे आप माइथोलॉजी पे भी काम करते हैं बट आप कुछ कमीशन वर्क और ऐसे भी सेंसुअल वर्क्स भी किए हैं, तो मतलब उसका जो माइंडसेट होता है वो क्या होता है, मींस बैलेंस कैसे होता है सब कुछ? बैलेंस का कुछ चीज नहीं है, जो भी जैसा मेरा मूड बनता है, जैसा मेरा माइंड में कुछ आता है कि ये चीज मुझको बनानी है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे मतलब कोई काम सूत्रा की भी कोई पेंटिंग वगैरह हो, राइट, तो वैसा मेरा मूड बनता है उस हिसाब से मेरा फीलिंग उसमें आता है, उसमें मैं बस आर्टवर्क को एक्सप्रेस करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जैसा आपका माइंड है, जैसा आपका मन है, उस हिसाब से आपके स्ट्रोक्स और आपका हाथ और आपकी बॉडी रिएक्ट होती है ना, तो बस उस सब्जेक्ट को रूबरू नहीं होके बट आपका पूरा बॉडी ही उससे एक कनेक्ट हो पाता है उस सब्जेक्ट से, है ना, तो जैसा आपका मूड बन रहा है कुछ भी आपका ये करने का, ये सब्जेक्ट पे काम करने का मूड है, ठीक है बिंदास कीजिए, कोई आपको इसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं है, कोई भी आपको कोई रोक नहीं रहा है, आपका हाथ है, आपका मटेरियल है, बस बिंदास कीजिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, बस इसको एक्सप्लोर करना है सिंपल। ठीक है सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। हेलो भाई, हाय। हेलो हेलो कृष्ण जी, हेलो प्रेम भाई, हाय सर, बहुत अच्छा था सेशन, मैंने मतलब पूरा कंप्लीट देखा, पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने पूरा देखा हो स्टार्ट टू एंड, लेकिन बहुत जबरदस्त था, बहुत बढ़िया था, थैंक यू सो मच। मेरा एक क्वेश्चन था कि वो जब हम पेंटिंग करते हैं तो ऑयल में ना मिक्सिंग ज्यादा हो जाती है पोर्ट्रेट में, तो वो स्ट्रोक वाला फील कैसे आया? स्ट्रोक वाला फील आप एक काम कर सकते हैं, इसके लिए मैं एक एक्सरसाइज बताता हूँ। मान लीजिए जब भी आपको कुछ पेंटिंग करना है या ऑयल की प्रैक्टिस करनी है, तो इतने बड़े कैनवास की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे जो कैनवास होते हैं टुकड़े रहते हैं ना, उसके ऊपर आप छोटे अमाउंट में ना अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, उसमें पेंटिंग करना नहीं है, एक्सपेरिमेंट करना है जैसे कि कोई भी कलर्स, ठीक है, आपको खुद से एक्सप्लोर करना है। मैंने क्या बोला, इसमें कोई रूल नहीं है, राइट, तो इसने बोला है कि यही कलर यूज कीजिए, उसने बोला है कि यही ऐसा यूज करना है, कोई रूल नहीं है, वो क्यों उन्होंने ऐसा क्यों कहा है वो कोशिश कीजिए जानने की। मतलब फॉर एग्जांपल कुछ लोग बोलते हैं कि ब्लैक यूज मत कीजिए, वो उन्होंने क्यों किया है, मैं आउट ऑफ तो देख सकता हूँ ना ऐसे, तो बस आप एक्सपेरिमेंट कीजिए छोटे छोटे कैनवास के टुकड़ों पर, ठीक है, कलर थिक यूज कीजिए, पतला यूज कीजिए, ऑयल उस पर ये करके देखिए और उसको सूखने के बाद क्या रिजल्ट आता है या उसको ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है, स्ट्रोक्स एक दूसरे के साथ मर्ज करने की कोशिश कीजिए, अगर कलर बहुत ज्यादा गीला है तो कैसे मिक्स हो रहे हैं, कितने अमाउंट में मिक्स हो रहे हैं, थोड़े थिक कलर्स आपने लगाने के बाद कैसे मिक्स हो रहे हैं आपस में, कलर के ऊपर कलर लगाने के बाद, थिक कलर्स के ऊपर पतले कलर्स लगाने के बाद, कुछ भी, मतलब इसमें कुछ लिमिटेशन नहीं है, पूरा आप बस ऑयल लगा के, मतलब बस ब्रश में ऑयल लेके, बस जैसे हम वाटर कलर के फ्लो लगाते हैं वैसे भी आप ट्राई करके देख सकते हैं, मतलब एक एक्सपेरिमेंट कीजिए, आपको खुद से ये आएगा मतलब कि हाँ भाई ये कॉन्टेक्ट आपका होने लगेगा उस मीडियम से कि ये बंदा काम किसे करता है ना, तो आपको खुद से ही हाथ से ही वो आपके आदत लग जाएगी कि हाँ इसमें इतना ही ब्रश का प्रेशर देना है, ज्यादा दूंगा तो वो सारा कलर निकल जाएगा, है ना, ये सारी चीजें, तो बस एक्सपेरिमेंट करिए, आपका आंसर आपको खुद से ही मिल जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू, ओके, यस पूछिए। हेलो सर, सर नमस्कार। नमस्कार सर, आवाज आ रही है? बिल्कुल, दबा के। ओके सर, नहीं सर मैं सेशन देख रहा था, बहुत मजा आया और बहुत कुछ सीखने को मिला भी, अदर राकेश के में पूछा था वो इतने नहीं बताए थे, आज जितना सीखने को मिला। अच्छा, आज जितना सीखने को मिला। नमस्ते सर, तो मैं स्केच भी कर रहा था। सर मेरा सवाल है जो सर जो आप करते हैं, प्रेम भाई करते हैं, तो वो न्यू स्टडी और ऐसा वगैरह, तो उसको पोस्ट करने में तो कुछ लोग बोलते हैं न्यू डिग्री फैलाते हैं इस तरह से, तो उसपे कैसे अनडील करें उसको?
सर आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। हेलो, हाँ अब आया। सबसे पहली बात, हम जो भी आज करते हैं वो लोगों के लिए तो प्रेम आपका नेटवर्क का थोड़ा सा इश्यू हो रहा है, प्रेम आपका नेटवर्क का थोड़ा सा इश्यू हो रहा है, वॉइस क्रैक हो रहा है। अभी भी थोड़ी ट्रैक हो रही है, क्रैक हो रहा है। आप रीजॉइन करो, एक बार रीजॉइन करो, मैं है ना रीजॉइन करो। और क्या हालचाल दोनों के, बड़ा मौज हो रही है। हाँ सर, सर बढ़िया। आप सर, मुझे है ना कुछ आर्टवर्क दिखाने थे, तो बाद में दिखा। प्रेम अभी बोले आप। अब हाँ सर आ रहे, आ रही है आप लोगों को आ रही है आवाज? हाँ थोड़ा थोड़ा क्रैक आ रहा हो रहा है। अभी बीच में सही आई थी, थोड़ा अभी बीच में सही आई थी फिर चली गई। अच्छा, जब भी इम्पोर्टेंट चीज होती है पता नहीं। नहीं अभी ठीक आ रही है, अभी ठीक आ रही, ठीक आ रही। हाँ अभी अभी आ रही। सो बेसिकली मैं बोल रहा था कि हम एक आर्टिस्ट है, राइट? तो हमको हमारा हाथ पकड़ने वाला नहीं है, हमको पूरा फ्रीडम है कोई भी बनाने के लिए, कुछ भी आर्टवर्क आपको एक्सप्रेस करने के लिए, राइट? तो हम लोगों के लिए आर्ट नहीं बनाते हैं, कमीशन वर्क है तो बात अलग है, हम उस कस्टमर के लिए बनाते हैं। बट एज तुमको अगर आपको सीखना है, कुछ लर्न करना है, राइट, तो वो सारी चीजें आप खुद के लिए इंप्रूवमेंट के लिए करते हैं, ना कि दूसरों के लिए, है ना? तो ये चीज तो गलत है कि लोग क्या कहेंगे, या लोग मुझको ये बोलते हैं ये मत बनाओ, वो मत बनाओ, न्यूड मत बनाओ, या उस तरह के आर्टवर्क्स मत बनाओ, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है? आर्ट के फील्ड में ये बहुत कॉमन है, शायद उनको ये बात पता नहीं होगी। वो समझ के अनुसार, उनकी जितनी नॉलेज है उस अनुसार वो वैसा रिएक्ट करेंगे, राइट? तो हमको उनको समझाने की जरूरत नहीं पड़ती कभी कभी, राइट? अगर वो समझने के मनस्थिति में, मूड में नहीं है, तो उनको समझाने का कोई फायदा नहीं है। अगर वो चाहता है कि भाई मेरे को क्यूरियोसिटी है कि आर्टिस्ट लोग ऐसा क्यों करते हैं, ये न्यूड्स वगैरह क्यों बनाते हैं, तो आप उनको आंसर दे सकते हैं कि भाई देख ऐसा ये होता है, जैसे डॉक्टर होते हैं उनकी स्टडी होती है, वैसे ही हमारी स्टडी होती है। हम कोई भी इमेजिनेशन से वगैरह बनाने के लिए सारा एक एक मसल का हमको स्टडी करना पड़ता है ना? तो ये सारी चीजें, वैसे इसमें कोई गलत वगैरह है तो है नहीं, तो बस ये सोसाइटी का वो थिंकिंग है, उसको हम पूरी सोसाइटी को नहीं चेंज कर सकते। तो आर्टवर्क्स बनाते रहिए, आपकी वजह से ही सोसाइटी को थोड़ा सा अलग सोचने का, अलग देखने का ये मिलेगा, चांस मिलेगा, ऐसा है। तो आप रुकिए मत, बिंदास आपको कुछ भी बोलता है तो भाई उनको बोलना कि भगवान आपकी आपको सद्बुद्धि दे, भाई बोलो। हाँ तो ये मैं अभी बना रहा था सर, फ्री हैंड प्रैक्टिस कर रहा था, तो इतना ही बनाया है। बहुत और एक फ्री हैंड होता और थी सर ये वाला, मस्त बनाओ, ये फ्री हैंड है। और के सर से तो सीख रहे हैं, डेली चल रहा है, शेडिंग वगैरह परफेक्ट आई। ओके ओके सर, चलिए निरंतर अभ्यास करते रहिए, है ना? बढ़िया। यस बेटा पूछो। नमस्कार गुरुजी, कुछ दिखाना था आपको। हाँ दिखाओ बेटा, पूछो। बुरा तो ये देखिए, हम आपका तलवार वगैरह सब पकड़ा के कैरिकेचर बना दिया। जोरदार जोरदार तलवार वलवार सब हाँ अभी किसी ने, भैया ने बताया ना कि ऐसा कुछ करना है, तलवार वगैरह बस पकड़ाना बाकी है, तो मेरे पास एक खाली कागज पड़ा हुआ था, तो इसको एक कार्टून वाला लुक दे दिया पूरा एकदम। कैसा लगा आपको ये वाला? इसी को ही इमेजिनेशन बोलते हैं।
कि माइंड में जो इमेजिन किया आपने उसको पेपर पे उतार दिया, इसी को इमेजिन बस सेशन देख के मजा आया बस इसमें। हाँ सर, हम आपका हर एक सेशन ऐड होते हैं पूरा शुरुआत से लेकर लास्ट तक, आपने अगर नोटिस किया हुआ तो। हाँ, लेकिन क्या करें, मेरा ये है कि सौभाग्य नहीं मिलता कभी ऐड हो पाने का, आज मौका मिला और वो भी भैया के साथ, प्रेम भैया के साथ। सर एक्चुअली ये कुछ दिखाना था आपको, मेरा एडवांस तो उतना, हम थोड़ा खुद से हम भी सीखे हैं तो मेरा पेंसिल में ही थोड़ा सा हाथ मतलब ओके है। हाँ, तो दूसरा कुछ ये मीडियम में हो नहीं पाया उतना ज्यादा। अच्छा, तो हम ये करते हैं, आपको दिखाते हैं, इसमें थोड़ा आप गलती वगैरह बताइएगा। हाँ। तो जैसे ये देखिए, रतन टाटा सर का बनाए थे। ओके। तो हम तो अपना गलती खुद ढूंढ नहीं पाते हैं ना, हमको अपना सही लग रहा है लेकिन। तो इसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि सबसे पहले आप जो प्रोपोर्शन होते हैं बेसिक हेड के स्ट्रक्चर वगैरह इस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि जो आंखें हैं, नोज, ये सारा जो फीचर्स का ये रहता है ना, पहले आप डिटेल में मत जाइए, जो भी डिटेल्स दिखते हैं वो मत देखिए। ऑल ओवर स्ट्रक्चर देखिए, फेस का एनाटॉमी कैसे बना है इसके अच्छे से स्टडी कीजिए। बहुत सारी किताबें या यूट्यूब पे भी आप सीख सकते हैं, बहुत सारे ये है तो उस पर आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो वो स्टेप बाय स्टेप होती है। जो फीचर्स है ना, आंखों की डिटेल्स है, लिप्स की डिटेल्स है, नोज वगैरह, ये वो बात की स्टेप है। ठीक है, सबसे पहले आपका बेस स्ट्रॉन्ग, लाइक आपकी जो शेडिंग वगैरह है वो भी आपको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करनी है। राइट, वैल्यूज की स्टडी करनी है, टोनल वैल्यू की, है ना, ये सारी चीजें आपको इम्प्रूवमेंट करनी है। गुड इवनिंग सर, होता है आर्टिस्ट के लिए, कोई बात नहीं है ऐसे बोल रहे थे, बहुत जमाने बाद मेरे को मौका मिला, तो एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप सबके साथ। अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया सर ऐड करने के लिए, थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू। यस गुड इवनिंग सर, नॉर्मल टॉक के लिए आई हूँ, लाइक वो नहीं है, एंड थैंक यू सो मच सर। मैं कह रही हूँ मैं नॉर्मल टॉक के लिए आई हूँ, मैं उसके लिए नहीं आई हूँ अभी कुछ पूछने के लिए। पक्के सर, थैंक यू सो मच, आपके वजह से जो है इतने सारे सर को देखने को मिलता है कि जो है क्या काम है और वो सारा कुछ। प्लेजर, ऑलवेज माय प्लेजर सर। पक्के जो है वही अभी मेरे को बस ये जानना है कि अभी कॉलेजेस का होएगा एंट्रेंस का, मेरे को बीएफए में जाना है ऑब्वियसली, तो जो है बीएफए के लिए मैंने किए हैं कोर्स, अप्लाई किए हैं जामिया के लिए, और जो है जो टेली के अंतर है, टेली कॉलेज ऑफ आर्ट जो बीआर अंबेडकर का हो गया सर, और कुछ अच्छे कॉलेजेस प्लीज आप बता सकते हैं। बेटा देखो, आपको मैं सीधी सी बात बताऊं, जामिया का भर ही दिया, डीयू का भर ही दिया, दिल्ली से हो आप? दिल्ली से हो? Yes, sir. दिल्ली से बाहर जाने देंगे घर वाले? सर पढ़ने के लिए तो हाँ अलाउ करेंगे। हाँ तो बीएचयू का भी भर दो, बीएचयू का भी भर दो, जेजे का भी भर देना, सीईटी का, जेजे का भी भर देना, कोशिश कर सकते हैं हम, है ना, कोशिश कर देना। Yes, sir. बीएचयू का भरती है, जेजे नहीं पता सर मुझे, जेजे का निकल गया शायद, जेजे की तो डेट निकल गई, जेजे का तो एग्जाम है 10 दिन बाद। अच्छा, है ना, तो बीएचयू का भी भर देना, इन तीन में हो जाए तो ठीक, और ऐसा नहीं कि अब ये कॉलेजेस पहले जैसे नहीं रहे, एक बड़ौदा वाला भर देना, बड़ौदा वाला भी भर देना, एमएसयू का, है ना, वो वाले भर देना, बाकी इतना कुछ है नहीं, जैसे दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट है वो भी अम्बेडकर कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में चला गया है अब, और फीस स्ट्रक्चर पहले जैसा नहीं रहा है, फीस स्ट्रक्चर बढ़ गया है, पहले शायद 15-20 हजार थी फीस, अब शायद 50 हजार हो गई, तो सब कुछ प्राइवेट जैसा हो रहा है, है ना, सब कुछ प्राइवेट जैसा हो रहा है सर। अब तो ऊपर से एंट्रेंस भी आ गए ना, सीयूईटी और उन सब का। बिल्कुल बिल्कुल, एंट्रेंस है अभी तो अलग अलग तरीके के हैं, और एंट्रेंस की तैयारी के लिए मैं बता दूं, थ्योरी में आप ये मत सोच के चलना 11 12th की वगैरह की इनकी स्टडी आएगी, अजंता अलोरा वगैरह, ये बहुत कम आएगा, जीके आएगी, बेसिक जनरल नॉलेज आएगा, और ये भी है कि कुछ भी उठ के आ सकता है, फिल्म इंडस्ट्री से भी उठ के आ सकता है, राइटिंग से भी आ सकता है, मतलब रेखांकन से भी, भाई कवि के बारे में भी पूछ लिया जाए, डायरेक्टर के बारे में भी पूछ लिया जाए, किसी कुछ भी पूछा जा सकता है, समझ रहे हैं? यस सर,
सीयूईटी ने अपने चार सब्जेक्ट तो डिक्लेयर किए हैं, एक तो जीके, मैथ, इंग्लिश और जो है वो जो लॉजिकल रीजनिंग। पता है मैं एक चीज बताना हूँ, ये सब चीजें तो है बट मुझे इनका समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं आईएएस बनाना चाहते हैं कि कलाकार बनाना चाहते हैं। यस सर, मुझे भी नहीं समझ आ रहा, मैंने मैथ नहीं ली थी लिटरली, अब मेरे को इसके लिए मैथ पढ़नी पड़ेगी। वही ये तो इतना कर लो कोशिश है, वे एंट्रेंस एग्जाम वैसे तो इनका तरीका गलत है, अब इनको सिखाना कौन सिखा है, क्योंकि ऊपर जो अधिकारी बैठे हैं वो खुद तो कलाकार है नहीं, वो बीएमए करके गए हुए हैं, उन्हें पता नहीं है कलाकार किस भाव का होता है, वो बचपन से किस तरीके से पला होता है, अब उसकी स्किल्स के अकॉर्डिंग उसको एडमिशन मिलना चाहिए, मेरा तो मानना ही है। अब ये पता नहीं जीके मैथ वगैरह पहले होता भी तो यही था, ये जो है टेलीकॉलेज ऑफ इसका मैं पहले का देख रही थी पास्ट का, उसके अंदर जो है वो लेते थे ट्वेल्थ का लेते थे तो थोड़ा सा कुछ में होता था कि एंट्रेंस बेस्ड होता था, बाकी जो है आर्ट्स की थ्योरी पूछ लेते थे, बाकी प्रैक्टिकल बेस्ड होता था, अब पहले सीयूईटी तो फिर उसके बाद थ्योरी का एंट्रेंस तो उसके बाद प्रैक्टिकल तो छोड़ो अब इन चीजों को, ज्यादा टेंशन मत लो, कुछ नहीं, थोड़ी बहुत तैयारी करो, प्रैक्टिकल स्ट्रांग रखो, प्रैक्टिकल के अंदर अपना एक तो स्टिल लाइफ स्ट्रॉन्ग रखो, स्टिल लाइफ का थोड़ा डेली प्रैक्टिस करो, क्योंकि आपको एक घंटा मिलता है, 1 आवर है ना, और आपका कंपोजिशन होता है, 2D डिजाइन वगैरह, अभी बहुत चल रहा है, और पेंटिंग का ही बोर्ड है अभी मेरा, यही 6 तारीख नहीं तो अच्छी बात है, बस प्रैक्टिस करते रहो, आप खुद से सेल्फ स्टडी करते रहो डेली, जब तक एग्जाम नहीं आ रहा है दबा के काम करो, 5-6 घंटे दबा के, उठना नहीं, एक बार सिटिंग लगा दी तो उठना नहीं, ठीक है? ओके सर, चलो गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच सर, यस हेलो 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 कृष्णा सर, हेलो प्रेम जी, आपका सेशन मैं इस बार देख नहीं पाई बट लेकिन ऑयल कलर मुझे काफी अच्छा लगता है, बहुत टाइम पहले मैंने किया था, बाकी पोर्ट्रेट में मुझे इसमें पूछना था कि किसी से मैंने पूछा था जो अच्छा काम करते हैं पोर्ट्रेट में कि क्या क्या कलर कॉम्बिनेशंस चाहिए होते हैं ऑयल कलर में आपका स्किन टोन निकालने के लिए, तो कुछ उन्होंने कलर बताए थे मुझे, जैसे आपका थोड़ा सा मैं कलर्स पूछना चाहूंगी आपसे, जैसे बर्न अंबर बताया था जो हमें अलग से ट्यूब्स देनी पड़ती है उनकी, बर्न अंबर और आपका रॉ अंबर है आपका, और एक एम्ब्रेड ग्रीन कलर, और आपका व्हाइट कलर तो चलता ही है, तो मुझे एक बात बताइए ये बंट अंबर, रॉ अंबर और एम्ब्रेड ग्रीन कलर से कौन सा वाला स्किन टोन आता है, अभी आपने एक्चुअली आपका देख नहीं पाई सेशन, तो आपने स्किन टोन के लिए कौन से कलर यूज करे थे? मैंने तो बस बेसिकली येलो ऑकर, वर्मिलियन रेड, टाइटेनियम व्हाइट, बंट अंबर और बंट सियना, इसमें ये सारा लाया है, बाकी डार्कनेस के लिए लाइटनेस के लिए व्हाइट और ब्लैक ऐसा है, व्हाइट और ब्लैक, ओके। और एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि इसमें टर्पेंटाइन यूज होता है और ऑयल लिंसिड ऑयल यूज होता है, इन सब क्वेश्चंस का आंसर मैं ये बता रहा हूँ, इन सब क्वेश्चंस का आंसर इस सेशन में है, ये 2.5 से 3 घंटे का सेशन रहा है, बेसिक से बहुत ही सरल भाषा में और बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेम ने बताया है, आप पूरा सेशन देखना, मतलब इससे इजी नहीं हो सकता, मुझे नहीं लगता इससे इजी अगर कोई ऑयल को बता सकता, खत्म यहीं पे खत्म है, बहुत अच्छे से बताया जो बनाया है, ये आउटपुट बहुत ही बढ़िया आया है, जितने भी घंटे आएंगे, 9 बजे से चालू हुआ था अभी तक सेशन चल रहा है, मतलब बहुत ही बढ़िया बनाया है आपने, और सेशन वीडियो अपलोड हो जाएगा तो मैं जरूर देखूंगी, बिल्कुल बिल्कुल, वीडियो अपलोड हो चुके हैं, काम वाला वीडियो अपलोड हो चुका है, ये सिर्फ बातचीत वाला है, काम वाला अपलोड हो चुका है, आप देख सकते हैं, ऑलरेडी अपलोड है, ठीक है। और सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कृष्णा सर, एक बात बताइए, ये मुंबई में आपका इंडिया आर्ट फेयर लगा था अभी, ठीक है? हाँ, तो इंडिया आर्ट फेयर लगा था, हाँ मैं देखने गई थी, तो उसमें काफी लोग आए थे, बहुत अच्छा आर्ट वर्क था, तो मेरा मन है कि मैं अगले साल लगाऊं, तो मुझे ये बताइए कि मतलब कब लगाना चाहिए, कहने का मतलब ये है कि पहले आर्ट वर्क मैं बना के रखूं फिर फॉर्म सबमिट करूं, या फिर फॉर्म सबमिट करने के बाद मैं अपना आगे, नहीं नहीं काम तो ऑलवेज हमारे पास रहना चाहिए, फॉर्म सबमिट करने वगैरह वो नहीं, काम हमारे पास ऑलवेज रहना चाहिए, और आर्ट सबमिट भी दो होते हैं मुंबई में, दो होते हैं, एक अभी ये गर्मियों के अंदर, एक होगा अक्टूबर या नवंबर के आसपास, ठीक है, लेकिन वहां पे कह रहे हैं कि वेटिंग चल रहा है, नेक्स्ट ईयर दिसंबर तक वेटिंग है,
हाँ वही मैं कह रहा हूँ, उस वाले में पार्ट लेना है, इस वाले में मतलब नहीं था, ये तो ऐसे ही था ठीक है, इतना कोई पावरफुल नहीं था। जो अक्टूबर नवंबर के आसपास होगा ना वो है असली आर्ट फेयर। और उसके पहले तो लेकिन उसके लिए अगर हाँ उसके लिए फॉर्म फॉर्म कब तक जमा कर सकते हैं, अगर हमने आज सबमिट करा है तो तब से आपका वो चालू हो जाएगा? उसके लिए फॉर्म वगैरह नहीं, क्यूरेटर्स है मार्केट में, फॉर्म तो चलो आप डायरेक्ट पर्सन से बात कर सकते हो, अदरवाइज तो क्यूरेटर्स है, बीच में लोग हैं अच्छा। ऐसे जो आपके पास खुद ब खुद कॉन्टेक्ट करेंगे, अगर आप इंस्टा खोलें गूगल खोलें तो आपको मिल जाएंगे, फेसबुक खोलें तो ऐसे लोग हैं जो मिल जाएंगे, वहां पे पैनल लेते हैं 50,000 का और उसे 70,000 का या 80,000 का बेचते हैं, 30,000 रुपये अपना मार्जिन रखते हैं और वो उनका बनता भी है, चलो मेहनत का इधर उधर से वो करना वगैरह, चलो ठीक है। तो ऐसे लोग हैं मार्केट में खूब है जो आपसे खुद कॉन्टेक्ट कर लेंगे। नहीं सर, मैं जानती हूँ, मैंने नहीं नहीं मैंने कॉन्टेक्ट किया हुआ है, मेरे पास कॉन्टेक्ट नंबर भी है, बट मैं वहां गई थी फॉर्म लेके आई थी तो उन्होंने बोला था कि अगर आप गए हो कभी इंडिया आर्ट फेयर में, गए हैं कभी आप मुंबई वाले? बिल्कुल हाँ। तो वो जो स्टेयर से नीचे उतरते हैं ना, वो पूरा कॉरिडोर है आपका वो वाला, तो वो वाला कितना पावरफुल है, अगर वहां पे लगाया जाए, वो एसी मतलब एसी नहीं है वहां पे तो उसका रेट भी थोड़ा कम है, तो वहां पे ऐसा कुछ नहीं है, काम में दम है, वो कहीं पे भी लगाओ। ऐसे ऐसे आर्ट फेयर देखे मैंने, पेड़ों के ऊपर डिस्प्ले किया है, समझ रहे हैं आप, पेड़ के ऊपर, वहां से भी आर्टवर्क बिके, ऐसा कुछ नहीं ठीक है। और ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि बड़ा ही पेंटिंग लगाओ, छोटा छोटा साइज भी लगाओ, पावरफुल वर्क होने चाहिए, पावरफुल वर्क होने चाहिए। ओके, और क्या थीम अभी चल रही है? अभी क्या चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है पेंटिंग का, ऐसा कुछ नहीं है। देखो अगर ऐसा हम कह नहीं सकते कि अभी क्या चल रहा है, ये कोई वो ऐसा नहीं है, आपको अपने वो आप पे डिपेंड करता है कि आर्टिस्ट क्या क्या बनाता है, क्या पेश करना चाहता है लोगों के सामने, है ना? ओके, वो उस पे डिपेंड करता है, अदरवाइज तो आप हॉर्स ले लो, बुद्धा ले लो, लोटस ले लो, ये तो सदा बाहर है, हर कोई खरीदेगा, 10,000 से लेके 50,000 के बीच में कोई ना कोई लेगा, ये आज भी है और आने वाले 100 साल तक रहेंगे। सर बुद्धा मैंने भी खूब बनाए हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम्हें एग्जीबिशन में लगाना है तो ऐसी चीज लगाओ जो लोगों ने नहीं बनाई हो। नहीं नहीं सर, आपने मेरा काम पता नहीं देखा, मतलब... आपने मेरा काम देखा है नहीं देखा, मैं थोड़ा सा रैपिड एब्स्ट्रैक्ट करता हूँ, बड़े बड़े भी मेरे काम है, मैंने तो वैसे। आपके देखे हैं हाँ। सर वो मैंने देखे हैं आपके, वो ब्लू कलर वाला भी देखा है आपका, स्किन टोन वाला भी प्रॉपर, वो जो है ना वो मैंने देखा है, फ्री हैंड बिल्कुल, बहुत बड़े वो मेरा फील है, वो मेरा फील है। एक्चुअल में मैं क्या फील करता हूँ, मेरा जो एक भड़ास होती है ना कि मुझे खच 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 कुछ करना है कैनवास पे, वो मेरा फील है और मैं वही पेश करता हूँ, अदरवाइज तो ऐसा नहीं है कि तो... मैंने बुद्धा नहीं बनाया, ऐसा नहीं है कि मैंने लोटस नहीं बनाया, ऐसा नहीं मैंने हॉर्स नहीं बनाया, बनाए हैं बेचा है बट कभी अपलोड नहीं किया। नो डाउट आजीविका चलानी है हमें, हमारा खर्चा भी देखना है, बहुत सी ऐसी चीजें, तो इधर से उधर से ये मार्केट में चल रहा है, बहुत से ऑर्डर आ जाते हैं तो बना देते हैं, बट दिल नहीं करता कभी, अगर मुझे कोई कहे कि आप खुद के लिए बुद्धा बनाओ मैं नहीं बनाऊंगा। हाँ, ये सारी चीजें से ऑर्डर पे बनी जाती है। वही वाली सही बात है। हाँ सर, एक चीज और, अगर एक मिनट बैक कैमरा हो जाए तो मैं अगर दिखाना चाहती हूँ, अगर हो जरूर जाए आप तो बैक कैमरा जरूर दिखा। एक मैं एक्चुअली मतलब अभी बहुत इनिशियल लेवल है, मैं एक्चुअली सॉफ्ट पेस्टल में मेरी मास्टरी है तो बहुत छोटा सा बना रही हूँ, ज्यादा लगेगा भी नहीं, ऐसे थोड़ा सा। प्रेम बोले आप कुछ बोले, दिख रहा है आपको? हाँ, ये सॉफ्ट पेस्टल में किया है क्या? हाँ, ये सॉफ्ट पेस्टल और पेंसिल कलर में किया, अभी पूरा हुआ नहीं है, मैं इसमें काम कर रही हूँ, बाकी ओ, मैंने सॉफ्ट पेस्टल में बड़े काम भी किए हुए हैं। अच्छा अच्छा, तो बस अभी चल रहा है, बस मुझे यही पूछना था कि इंडिया आर्ट फेयर में मेरा मन है काफी, अभी मैं गई थी, 4,500 पेंटिंग्स लोगों ने लगाई थी, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में, मैकेनिक्स से रिलेटेड भी लगाया था। सुनो सुनो मेरी बात, तो जो मन होना कर दो, सोचो मत, ज्यादा सोचो मत, ज्यादा रिसर्च मत करो, कर दो खटेक, देखी जाएगी, जो होगा देखा जाएगा, थोड़ा ये एटीट्यूड रखो, दिमाग यही चलता रहता है, क्या थीम लो, क्या थीम लो, क्या थीम लो, उसी में ही लगा रहता है, कुछ अलग कर दो, बस कर दो, ज्यादा मत सोचो, कर दो बस, है ना? चलो ठीक है ना, एक स्क्रीनशॉट लेना चाहती हूँ। हाँ जरूर जरूर जरूर, थैंक यू, थैंक यू प्रेम जी, थैंक यू कृष्ण जी, थैंक यू। हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ हाँ बेटा आ रही है। हेलो सर कृष्ण के सर, हेलो प्रेम सर, हेलो, मतलब प्रेम सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ,
पहली बात तो ये, और मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि मेरा मैं आप लोगों के साथ बात भी कर पाऊंगी। बेटा आप कहाँ से हो पहले तो ये बताओ, आप हो कहाँ से? कहाँ से? मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। ओके, वेस्ट बंगाल। हाँ तो, हाँ तो मैंने सर, प्रेम सर आपका जो सेशन था वो जो शुरू शुरू से एकदम खत्म होने तक पूरा देखा, और कमाल का लगा, बहुत सीखने को मिला। मतलब मैं आपकी जो भी पेंटिंग देखती हूँ बहुत सीखने को मिलता है उनसे, धन्यवाद उन सबसे। और मैंने आपके पेंटिंग्स देख के बहुत कलर में इम्प्रूव किया है, मैं सच बता रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे फेवरेट आर्टिस्ट के लिस्ट में हो। बस ऑल द बेस्ट सर। हाँ बिल्कुल सर। हाँ मेरा तो सर ऐसा क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि मैं खुद से सीखने पर बिलीव करती हूँ। तो मैं सब आर्टिस्ट आर्टिस्टों के पेंटिंग देखती हूँ, जो समझ आता है बस ऐसे ही। तो मेरा वैसा कोई क्वेश्चन नहीं है, पर प्रेम सर मैं अपनी एक पेंटिंग आपको दिखाना चाहती हूँ। हाँ श्योर, दिखाइए दिखाइए, जरूर जरूर बेटा दिखाओ सर। सर एक बार ही हुआ। अरे वाह, बस ऑयल में है क्या? हाँ सर ऑयल में है। जबरदस्त, मस्त बना, बहुत ज्यादा बढ़िया। बस मैं सजेस्ट करूंगा कि और ज्यादा एनाटॉमी और प्रोपोर्शन के ऊपर ध्यान दो, और जो भी टोनल होती है ना, कलर के साथ टोनल वैल्यूज कैसे चेंज हो जाती है, उसका क्या कॉन्ट्रास्ट वगैरह कैसे डालना है, ये सारी चीजें इस पर थोड़ा सा ध्यान दो। अच्छा ठीक है सर, बिल्कुल बिल्कुल। बाकी बहुत अच्छा बना है, ऑल द बेस्ट, कैसे काम करते हैं? शुक्रिया सर, मजा आया। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, गॉड ब्लेस यू बेटा, है ना? हाँ बिल्कुल, शुक्रिया, आप लोगों के साथ बात करने में बहुत अच्छा। अरे बेटा ठीक है सर, मैं अभी ये चलिए। हेलो सर। हाय, हेलो। थैंक यू प्रेम सर एंड के सर, बहुत अमेजिंग सेशन था। और स्पेशली प्रेम सर, मैं आपके जो थॉट प्रोसेस है उससे काफी इंस्पायर्ड हूँ। और मतलब आपका जो थॉट प्रोसेस है ना, आप अपनी पेंटिंग्स को जब एक्सप्लेन करते हो तो वो मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है। तो मैं एक उसी के ऊपर पूछना चाहती हूँ, लाइक जैसे आपने अभी बताया डेमो में कि हर पेंटिंग का एक स्वभाव होता है। हाँ। मतलब वो अग्नि और पानी वाला जो आपने बताया था, तो और आपकी हर पेंटिंग में ना एक वो वाइब आती है जो आप दिखाना चाहते हो, तो वो एक डीप थिंकिंग आप रखते हो। तो एक पेंटिंग के प्रोसेस में आपका क्या माइंडसेट होता है, और मतलब बिगिनर्स को किस टाइप से अपना माइंडसेट और इमेजिनेशन डेवलप करना चाहिए? बेसिकली माइंडसेट जो होता है वो आप कैसे, आपका अभी तक का क्यूरियोसिटी कितना है उस अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर, या कैसा आप सोचते हैं, राइट? वो बचपन से लेके आज तक आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है, किस माहौल में आप जिए हैं, उस अकॉर्डिंग आपका ये डेवलप होता जाता है, ठीक है ना? तो बस एक ही यहाँ पे ये है कि क्यूरियस होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। जब आप ज्यादा इंस्पायर होती है, और मतलब ये इम्प्रूवमेंट के लिए ये हो जाती है। मतलब जैसे कि मान लीजिए मुझको कुछ क्रिएटिव करना है, वो क्रिएटिव मतलब क्या है, क्रिएट करना, वो कब आएगा, क्रिएट करने से ही क्रिएटिविटी बढ़ेगी ना, राइट? तो बस आपके माइंड में है बट वो बाहर आपके नहीं निकल रहा है, ये आपके गलत है। जैसा भी हो, ठीक है, आपके मन में कुछ तो चल रहा है बात, उसको आप ट्राई तो करके देखिए, मतलब एक्सपेरिमेंट तो करके देखिए, राइट ना?
करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि अच्छा है, बुरा है, क्या मिस्टेक हो रही है, कैसे सुधार सकते हैं, ये सारे तो करने से ही होने वाला है। ठीक है, बहुत सारे लोगों के माइंड में ही सारा होता है, नहीं यार कैसे करूंगा, वैसे करूंगा होता है, लेकिन वो करते नहीं है। तो करना चाहिए, करके देखो फिर पता चलेगा अपने आप में। और जैसे हम जो बिगिनर्स होते हैं ना, तो मेंटल लेवल पे एक बहुत स्ट्रगल होता है कभी कभी, कि हम अपने वर्क को दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं और फिर कभी कभी बहुत ज्यादा डीमोटिवेटेड होते हैं। तो किस टाइप से, मतलब एक वो मेंटल स्टेट होना चाहिए कि हमेशा काम करते रहे। बी पॉजिटिव, देखिए जो भी आप बस ना एक लर्नर की तरह हर चीज को देखिए। ठीक है भाई, इस बंदे से मुझको कुछ ना सीखने को मिल रहा है, बस यही आपका एक पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए। ठीक है, जो ईर्ष्या होती है या डिमोटिवेट फील होना, यार वो कितने आगे जा रहे हैं, हम कहाँ तक है, ऐसा नहीं। ये जो कंपैरिजन है वो आपको खुद से करना होता है। ठीक है, जो दूसरों से जो है वो सीखने के लिए आप उनसे ये कीजिए, ना कि उनको लेवल कहाँ तक है और हमारा लेवल कहाँ तक है, ये कंपेयर नहीं करना। चाहे हो सकता है आपके बहुत अच्छा काम कर रहा हो आपसे ज्यादा, या हो सकता है वो बंदा आपके उतने लेवल तक ना पहुंच पाओ, है ना, वो कंपेयर नहीं करना है। कभी भी कंपेयर नहीं करना है दूसरे आर्टिस्ट से, क्योंकि उनका एक्सप्रेशन, उनकी क्रिएटिविटी, उनका थॉट प्रोसेस और स्टाइल टोटली अलग होता है। एक ही काम आपको कंपेयर करना है खुद से, मतलब मेरा पहले वाला, कल वाला मेरा वर्क कैसा था और आज मेरा वर्क कैसा है, एक ही बस ये रूल देखना है। आपके कैनवास, आपका अगला कैनवास पहले से बेस्ट हो, यही आपको बस ध्यान में रखना है, बस बाकी कोई नहीं। बाकी दुनिया में बस आप अकेले ही आर्टिस्ट है, यही बस आपको सोचना है, बाकी बस जितना आपको सीखने मिलता है सीखते रहिएगा, पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए। ओके सर, थैंक यू सर, वेलकम। सो गाइस, मैं यहाँ पे हाँ, तो मैं बताना चाहता था कि वो भैया को मैंने पहले बताया था कि जो हम फोटो खींचेंगे उसका पहले मैंने रफ स्केच बनाया था ऐसे ही, तो ये आपको दिखाना चाहता हूँ। ये पेंसिल से जस्ट एक 2-3 मिनट में ऐसा रफ स्केच बनाया था कि ऑल ओवर जो उसका फूल है, उसका कंपोजिशन है, वो ऐसे आएगा। हाँ। हाँ। तो बस उनको आइडिया आने के लिए कि फोटो कैसे क्लिक करना उस हिसाब से, तो मैंने पहले स्केच मुझे दिखाया गया, फिर मैंने फोटो क्लिक करवाई। हाँ। फोटो आई, उतना अच्छा नहीं आया, आया सब कुछ आया। फिर हमने वीडियो कॉल पे बात की, फिर इन्होंने कहा आप ऐसे ही देखें थोड़ा सा, बस इन्होंने स्क्रीनशॉट लिया, देन वो आपके सामने है रिजल्ट। तो प्रोसेस है। तो पहले ये सबसे पहले था माइंड में कि ये मेरे माइंड में था, ठीक है, ये रेफरेंस से नहीं है, इससे रेफरेंस पैदा हुआ है, ऐसा है। एग्जैक्टली, हाँ, इससे रेफरेंस पैदा हुआ, फिर रेफरेंस से ये बन गया, ऐसा है। और किसी को पूछना? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत है बहुत है। लोग सो गए हैं, लाइटें जलाई जा रही, समझ रहे हैं आप, लाइटें बंद करके तकिया लगा के फिर ऐसे देखा जा रहा, छाती पे मोबाइल रख के ऐसे देखा जा रहा। हेलो। हाँ हाँ सर, ये आवाज इसमें नहीं आ रही। आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, आप तेज बोलो, थोड़ा थोड़ा तेज बोलो। हेलो सर, कैसे हो? बढ़िया, बेहतरीन। मैंने भी उस टाइम जब आपने बोला था कि एक लाइव स्केच बनाना, तो मैंने भी कुछ किया। क्या बात है, शाबाश, मोटी बना दी आप। अरे वाह, गजब गजब, क्या बात है, ये होता है, मतलब अलग सा था। एक क्वेश्चन था सर। वो क्वेश्चन ऐसे था कि जब भी मैं कोई स्केच बनाता हूँ या पेंटिंग बनाता हूँ, जैसे मतलब जैसे नॉर्मली A4 साइज के आसपास बनाता हूँ, तो इससे जब मैं बड़ी बनाता हूँ तब ऐसे होता है कि जैसे मतलब मुझे कोई वाइब होती है जो मेरे को ड्रॉ करना होता है या फिर जो मेरे को बनानी होती है, जस्ट लाइक आपने इनकी फोटो में जो कर्ण वाला लुक दिया, ठीक है,
तो ये तो था कि एक हम इमेजिनेशन के ऊपर था, एक होता है कि फीलिंग के ऊपर, हमारे अंदर कोई ऐसे फीलिंग होती है, तो फिर जब वो फीलिंग जैसे कॉन्स्टेंटली रहती नहीं है इतने टाइम तक, जैसे कि वो कंप्लीट होने तक रहती नहीं है, तो वो दूसरी आ जाती है, तो फिर वो दोनों पेंटिंग में मिक्स हो जाती है। अच्छा अच्छा ओके, तो ये मेरे साथ में बहुत बार दिक्कत हो चुकी है, ये तो इसका मैं क्या करूं। मैं जब इटली में था ना, तब वहां के जो सारे आर्टिस्ट हैं वो बहुत ज्यादा धीरे धीरे काम करते हैं, मुझको उतना पसंद नहीं है। धीरे धीरे मतलब क्या है, एक इतने से पोर्ट्रेट के लिए वो महीने महीने लगाते हैं, राइट, उसमें बहुत काम करते हैं। तो मेरे को क्या है, एक फ्लो स्टेट होती है, राइट, एक फ्लो आता है, मूड आता है, जैसा जिस आपकी फीलिंग आप फील कर रहे हैं जिस टाइम तक, राइट, वो फील आपके पेंटिंग में उतर जाना चाहिए, आपका जैसा मूड है उस अकॉर्डिंग, राइट ना, तो वो जितना हो सके उतनी जल्दी आपके पेंटिंग में कैप्चर होना चाहिए। तो इसीलिए मुझको स्पीड में काम करना, चाहे मेरा बॉडी थका हुआ हो या फिर ये हो, वो मैं देखता ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझको फील ही नहीं होता, वो काम करते हुए उससे जुड़ जाता हूँ, इसीलिए टाइम का वगैरह कुछ समझ ही नहीं आता। तो मान लीजिए वो कोई भी हमारे जो फीलिंग होती है ना, एक उस मूड में रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2-3-4 जास, बस उसके आगे ना वो माइंड सेट नहीं रहती, हमारे माइंड में और कुछ नए ख्याल आते लगते हैं, आइडियाज आने लगते हैं, कुछ और चीजें आने लगती है, राइट, वो अगर डलनेस आ जाती है, हाँ, वो वाइब वो थोड़ा लो हो जाती है, वो वाइब जो है ना वो इसीलिए जल्दी नहीं, आपका जो है वो आपने सही बोला, पर जो अगर आपका जो पिक्चर या फिर जो फ्रेम है वो बड़ा है, जो जो आर्टवर्क है वो बड़ा है, आपने बड़ा मतलब मोल ले लिया, मतलब ऐसे बड़ा जोश जोश में स्टार्ट कर दिया काफी बड़ा, उसके बाद में वो बीच में एंड में वो बोलता है कि भाई साहब तो फिर वो उसको कंप्लीट करने में मतलब ऐसे मैं ऐसे होता हूँ कि जैसे मतलब ऐसे कोई ऐसे पकड़ के रगड़ रहा है ना, उसको खींच रहा है ऐसे, तो वो वाले फीलिंग आ जाते हैं। नहीं, वो हर एक आर्टिस्ट के साथ होता ही है, हमने भी मैं भी बहुत बार फील कर चुका हूँ इसको, हाँ। तो मैं क्या करता हूँ, मतलब मुझको एक ये रहता है कि ज्यादा से ज्यादा जितनी बड़ी साइज होगी, मतलब 5-6 फीट की ऐसी बड़ी सी पेंटिंग है, उसमें काम करना है डिटेल वगैरह, तो मैं जितना हो सके जल्दी से जल्दी, एक हफ्ता उससे ज्यादा नहीं लेता, अगर एक हफ्ते से ज्यादा जा रहा है तो मैं भाई फेल, मतलब खुद से ही मैं ऐसा चैलेंज लगाता हूँ कि तेरे को करना ही है, अगर नहीं कर पाया ना तो कर ही नहीं पाएगा ऐसे। तो इस चैलेंज में ही मेरा काम का भी ऑटोमेटिकली स्पीड बढ़ जाता है और वो माइंड स्टेट भी रहती है उस काम कंप्लीट होने तक ऐसे। तो आपको जल्दी से जल्दी जैसा आपका ये है, बस आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, क्योंकि एक बार आप दूसरी चीज में डिस्ट्रैक्ट हो गए तो फिर इस फ्लो में लार पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ऐसा है। आता ही नहीं फिर वो बनाना पड़ता है, वो आता नहीं है, उसको बनाना पड़ता है, मतलब वो नेचुरल नहीं होता, वो क्रिएटेड होता है, जस्ट लाइक आर्टिफिशियल समथिंग लाइक दिस। बहुत बड़ी लिस्ट है, मैं डीपी के हिसाब से सिलेक्ट करता हूँ, जिसकी डीपी जितनी सही मैं उसी को ले लेता हूँ। हेलो मेंबर्स भाई, आपका वर्क देखा, मतलब इतना अच्छा ना, मतलब आप वन ऑफ द फेवरेट आर्टिस्ट हो मेरे, वैसे चैट में बात हुआ है आपसे बट लाइव में पहली बार है। ऐसे ऑयल कलर का मैंने एक ही किया है अब तक, उसके बाद कभी हिम्मत हुई नहीं, मतलब इतना ज्यादा टाइम लग गया था। बाकी ऐसे मैं पोर्ट्रेट्स बनाता हूँ, जैसे पीछे दिख रहे होंगे, तो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बस मेरा अभी जैसे क्वेश्चन एक ही था, जैसे आपके साथ भी ये प्रॉब्लम आया होगा कि आपका काम कोई और उसको आपका साइन वगैरह हटा के यूज करते हैं, तो इंस्टाग्राम से तो फिर भी रिमूव करवा सकते हैं हम लोग कॉपीराइट क्लेम से, लेकिन रिसेंटली मेरे साथ हुआ है कि जो गाना ऐप है उसने मेरा जो के सर हैं जिनकी अभी रिसेंटली जो चले गए थे, तो उनका स्केच गाना ने अपने ऐप पे मेरा स्केच लगा दिया है साइन वगैरह हटा के। अच्छा, तो मतलब इसका क्या किया जा सकता है?
इसके लिए कोई ये तो नहीं है मतलब कैसा है, ये बहुत सारे आर्टिस्ट फेस कर रहे हैं इस प्रॉब्लम को, तो मेरा कहना है कि इसको हम एक रोक नहीं सकते, क्योंकि लोगों को आर्ट के अवेयरनेस उतनी नहीं है। उनको क्या लगता है यार, हाँ बना दिया, फिर वो उठा दिया, किसी ने स्क्रीनशॉट ले लिया, फिर आपका नाम कट गया, ये सारी चीजें होती रहती है। तो हमको इसको पॉजिटिव वे में देना है कि हम हमारा आर्ट वर्क कितने लोगों ने देखा है, एक लेवल तक इतने सारे, अभी गाना कितने सारे लोगों ने, मतलब हमको पता भी नहीं होता है यार ये आर्टवर्क इस बंदे का है। तो आपका आर्टवर्क इन सारे लोग देख रहे हैं, इतने सारे लोगों को पहुंच रहा है, और इसकी खुशी मतलब इसकी बढ़िया खुशी और क्या हो सकती है। मतलब हमारा क्या काम है, बस ज्यादा से ज्यादा लोग आपके आर्टवर्क को देखें, आपके आर्टवर्क को जाने। हाँ सर, ये खुशी तो मतलब एक खुशी भी हुई और दुख भी हुआ कि मतलब इतनी बड़ी कंपनी भी ऐसा कर रही है। तो खुशी सबके साथ होता है, मतलब मोस्टली सभी के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है। मेरे वर्क की मतलब एक गुड़गांव की बहुत एक बुटीक है, बहुत तगड़े फैशन डिजाइनर, उस बंदी ने मतलब मेरे स्केचेस जो रैपिड वाले हैं वो साड़ी पे इन पे सूट्स पे प्रिंट करके वो सेल कर रही थी। और वो अच्छा खासा ऑनलाइन में उसने 25-25, 30-30 हजार लगा रखा था। मुझे तो किसी ने सेंड किया, फिर मैंने उसे मैसेज किया, मतलब फिर मैंने उसे मैसेज किया कि आप मेरी परमिशन ले लेते तो शायद मैं इस पे मैं पैसा भी नहीं मांगता, पर परमिशन लेनी आपको जरूरी है। डायरेक्ट हां सही बात, परमिशन लेते हैं और वो लोग साइन भी हटा देते हैं, मतलब कम से कम इतना तो रहना चाहिए कि साइन तो रहे। कोई दिक्कत नहीं, बड़ी छोटी चीजें हैं वो, कुछ नहीं। बाकी कॉपीराइट का एक होता है, कॉपीराइट होता है, पेटेंट होता है, बट इन चीजों में ये बहुत छोटी चीज है, इसमें कहां पेटेंट वाला सिस्टम में अटकेंगे, कहां कॉपीराइट में जाएंगे। बड़े लेवल पे जब जाओ आप, अगर किसी बहुत बड़े काम को लेकर हम कर रहे हैं तो शायद हम पेटेंट करवा लें, और एक बार पेटेंट करवा लिया तो फिर उसके बाद कोई मायका ला नहीं ले सकता, चाहे गाना हो, टी सीरीज हो, कोई हो, फिर तो आप उसको उधेड़ सकते हो। थैंक यू, थैंक यू, ठीक है, बहुत अच्छा वर्क था आपका, ऑल द बेस्ट। सो लास्ट एक दो कॉल और लेते हैं फिर बंद करते हैं अपन, है ना? ठीक है, कितने बजे हैं अभी? अरे वाह, एक बज गया। दो से एक, मतलब या तो लाइव आए ही नहीं और आए तो 9 से 1 बजा दिया। देखो मेरे बैटरी खत्म हो गई, मैंने चार्जिंग लगाया है अभी। मैंने भी अभी चार्ज लगा रखा है, चार्ज पे है ये। अभी भी 100 से ऊपर ज्यादा लोग लाइव देख रहे हैं, मुझको यही मतलब मैं कह रहा हूँ ना, बहुत जेन्युइन क्राउड है, बहुत ज्यादा यार, मतलब कभी मैंने ऐसा देखा नहीं किसी के लाइव में इतना सारा। नहीं, रहते हैं बच्चे, और किसी से बीच का कुछ भी पूछ लो सबको पूरा याद है, सब स्टार्टिंग से जुड़े हुए। एक बार मतलब मेरे पास पर्सनल मैसेज आ रहे हैं कि सर डाटा की वजह से मैं छोड़ रहा हूँ लाइव चैट, मतलब ये डाटा नहीं है, अदरवाइज मेरा मन नहीं है जाने, डाटा खत्म हो गया। मैंने 2 लोगों को ऐड किया है बट वो शायद ऐड नहीं हो पा रहे। हेलो हेलो हेलो, एक सेकेंड। हेलो हेलो, हाँ सर, आवाज आ रही है? आवाज तो आ रही है, थोड़ा तेज बोलो हल्का सा। अरे सर, वाईफाई लिया हुआ है ना, और छत पे खड़ा हूँ। अच्छा, छत पे। मैं देखा, पता नहीं कौन किस किन की गलियों में रात को कहाँ किसे छेड़ने निकला है ये। मैंने प्रेम भाई को कल बोला था कि मुझे पूरा पूरा नेट बचाना पड़ेगा, यानी सुबह से लेकर के अभी तक मैंने नेट खाली किया, जरा सा यूज नहीं किया, यानी यानी पूरा खत्म भी हो गया है। और चलो, ये हो रहा था कि किसी ना किसी, हाँ मैं ये पूछ रहा हूँ, जो कुछ भी पूछना है जल्दी पूछो, है ना? जल्दी पूछो। हाँ, तो जैसे प्रेम भाई, एक चीज पूछना था कि हम किसी भी मॉडल का, जैसे हम लेते हैं पिक, कोई भी मॉडल उसका पिक लेते हैं, या हम, तुमने बोला, बताया भी था कि उससे एक परमिशन होता है, या मेल के थ्रू या किसी
कागज या कोई भी चीज पे मेल पे ले लेते हैं तो उसका परमिशन लेने के बाद हम उसको बनाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन अगर हम बाय द वे कोई मॉडल कहीं पिक पड़ी है या परमिशन ले करके या बनाना चाहते हैं तो उसमें चेंजेस करने कॉपीराइट का कैसे क्या सब हो सकता है? देखिए अगर आपको पता है कि वो यानी जी हाँ ओनर कौन है यानी हाँ लीगल रहे हाँ, जैसे कि ये बेसिकली कब आती है अगर आप कोई न्यूड वगैरह कर रहे हैं फिगरेटिव ऐसा तो ये सारी चीजें हाँ, ये करने के लिए परमिशन वगैरह लेने के लिए ठीक है। बाकी मुझे तो हाँ, लगता है कि अगर आपको पोर्ट्रेट बनाना है किसी का फोटो ये करके आपको बनाना है तो मुझे नहीं लगता कोई मना करेगा इसके लिए क्योंकि सबको आपका पोर्ट्रेट बनाने मतलब मजा ही आता है राइट ना। तो हो सकता है उनका न्यूड वगैरह है तो उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है तो उनको एक मेल वगैरह भेज सकते हैं अगर वो दूर रहते हैं या फिर उनको ऐसा ये करना पड़ता है तो भेजना पड़ता है कि आप जो मैं रेफरेंस यूज कर रहा हूँ उसको मैं कभी शेयर नहीं करूंगा और इसका जो भी ये है वो मैं मतलब अपनी जब रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ये कर रहा हूँ ऐसे हिसाब से। यानी कभी अगर बाय द वे अगर एग्जीबिशन या क्या कुछ सेलिंग के हिसाब से अगर वो लगती है तो उनकी परमिशन है क्या अगर आप वो उन्होंने बोला कि हाँ आप लगा सकते एग्जीबिशन वगैरह में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा बस इतने क्वेश्चन था। चलो हाँ। बढ़िया है ना। गॉड ब्लेस यू। यस हेलो कोई है? हेलो हेलो सर आवाज आ रही है? लाइट ऑन। हेलो लाइट तो चलो जल जाएगी आवाज तो दो। हेलो है hello. हम हैं। हेलो हाँ बोलिए। हाँ आवाज आ रही है। हेलो हेलो साउंड चेक। हेलो कोई है? अरे यार हेलो सर। हेलो यार आवाज नहीं आ रही। पूरा नेटवर्क का इशू है। कई बच्चों का तो नेटवर्क का इशू हो जाता है। अलग ही दिख रहा है वो पीछे से यार खटा गजब। हेलो 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 सर आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आवाज आ रही है। दिख भी जाते तो और गरीमत होती। मुझे पता नहीं था कि इतने सारे लोगों मैंने क्या पता कब नंबर आएगा। अच्छा लाइट वगैरह आप जला लें अब नंबर आ चुका है आपका है ना लॉटरी निकल चुकी। तो गुड इवनिंग सर। वो मैंने आपकी मतलब सबसे पहले आपकी ड्राइंग मेरा एक दोस्त है मतलब वो आर्टिस्ट है मेरे तो मैं उसने मेरे को दिखाई थी मेरे को काफी ज्यादा अच्छी लगी मतलब एक आपकी ड्राइंग एक अलग ही चीज है मतलब आपका एक खुद का एक मतलब ड्राइंग बनाने का एक इमोशन और एक तरीका है मतलब जैसे आप करते हो तो मतलब मैं जब मैंने अपने दोस्त की ड्राइंग देखी तो मुझे भी ड्राइंग करना काफी अच्छा लगा था तो फिर मैंने ड्राइंग सीखा तो फिर मतलब मैंने भी ड्राइंग करना स्टार्ट किया था। मैं आपको सबसे पहले अपनी सबसे पहली ड्राइंग दिखाना चाहता हूँ उसके बाद अभी की जो मेरी सबसे लेटेस्ट भी बताई थी मैंने। जरूर 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 एक सेकंड। लाइट का बटन इतना कितना दूर है जल्दी जलाओ। लाइट तो जली हुई है कैमरे ही अच्छे। एक मिनट ये मेरी सबसे पहली हुई थी। दिख रही नहीं? दिख रही लाइटें
आप दिख ही नहीं रहे। एक मिनट ऐसा या तो ऐसा करें आप ज्वाइन करें। एक मिनट अब सही है ललित कुमार ठीक। नहीं 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 दिख रहा है। आप दोबारा रीज्वाइन करें। कभी कभी हो जाता है इंस्टाग्राम में हो जाता है। एक मिनट मैं आपको दोबारा रीज्वाइन कर। इंस्टाग्राम भी ना कभी कभी कुछ हरकतें ऐसी कर देता है, हैंग हो जाता है कभी क्या किस तरीके से। बस लास्ट कॉल लेते हैं है ना, लास्ट कॉल लेते हैं, आई थिंक बहुत टाइम हो गया। हेलो सर। सर मैं आसाम से हूँ, रोज आपकी वीडियो आपकी जो पोस्ट रोज देखता हूँ। आवाज नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रहा। आपको आ रहा है प्रेम? आवाज आ रहा है आपको? वॉइस नहीं आ रही है सर? आवाज आ रहा है? हेडफोन्स कनेक्ट थे क्या? हेडफोन्स को रिमूव करो अगर हेडफोन्स थे तो। नहीं अभी जोर से बोलो जय माता दी। मुझे आ रहा है बट हमें नहीं आ रहा है। सो आपका क्वेश्चन क्या है? आप अपना क्वेश्चन पूछो या लिख दो। प्रेम बताएं आप। लाइन ड्राइंग मतलब आप रैपिड स्केचिंग बोल रहे हैं ना? रैपिड स्केचिंग कैसा होता है? बेसिकली मैं फिगरेटिव वगैरह करता हूँ, तो मोस्टली जो जेस्चर वगैरह होता है कुछ 4-5 मिनट के बस ड्राइंग होते हैं, राइट? कोई भी कुछ भी आपको दिख रहा है, आपके आसपास की लिविंग या नॉन लिविंग चीजें कुछ भी है, ठीक है, इंसान है, वस्तुएं है, कुछ भी चीज आपको दिख रही है, उसको बस आपको ड्रॉ करना है, राइट? इसका ही मतलब है स्केचिंग, ओके? जैसा दिखता है वैसा बनाना है। ये क्यों? क्योंकि जब आप आंखों से देखते हैं ना तो उसका पर्सपेक्टिव और फोन से खींचा हुआ पिक का पर्सपेक्टिव अलग होता है। वो एक कैमरे से लिया होता है, एक आई होता है, हमको दो आईज 3D व्यू दिखता है, राइट? तो 3D टू 2D में आपको कन्वर्ट करना होता है। ये आपके माइंड को आदत लग जाती है, राइट? तो ये आपके हाथ में बैठ जाता है कि पर्सपेक्टिव को कैसे देखना है। मैं अगर यहाँ पे ऐसा बैठा हूँ, मेरे कुछ दूरी पे कोई चीज है तो वो कितनी छोटी होगी, या मेरे पास कोई अगर कोई चीज है तो वो कितनी बड़ी होगी, वो आपको स्केच में उसका कंपेरिजन देखना पड़ता है ना? तो इसकी एक्सरसाइज आपको लाइव स्केचिंग करने से ही आती है। तो बिंदास 4-5 मिनट में कोई भी एक सिंपल ऑब्जेक्ट दिखता है, उसका स्केचिंग करना होता है बेसिकली। अरे वाह क्या बात है, पेन से किया है ना शायद ये? गुड, क्या बात है। रफ स्केचिंग करते हुए डिटेल्स करने की जरूरत नहीं होती, बस ऑल ओवर उसका रिदम, उसका जेस्चर वो कैप्चर करना होता है, तो डिटेल्स करने की ऐसी जरूरत नहीं है। हेलो सर। हेलो। हाँ अभी ओके मेरा ये बच्चा क्या ढूंढ रहा है एक बार। हाँ ठीक है, आंसर मिल गया, बस रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा बेहतरीन। ठीक है हाँ सर। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं हाइपर रियलिस्टिक, मेरा आवाज सुन रहा है? हाँ हाँ आ रही है। हेलो। बराबर बराबर। तो बेसिकली अब हाइपर रियलिस्टिक पेंटिंग्स, ऑयल पेंटिंग भी करता हूँ, स्केचिंग पूरा करता हूँ,
तो यूजुअली वो प्रोपोर्शन मेथड लाइक ग्रिड मेथड वो यूज करके करता हूँ. तो फ्री हैंड भी पर वो लाइक उसमें डिटेलिंग्स पूरा करते करते थोड़ा उससे मेरे को फ्री स्टाइल करना ज्यादा पसंद है. पर क्या होता है कि अभी मेरा हाइपर रियलिस्टिक पेंटिंग का जो लेवल है ना तो वो अचीव करने नहीं होता फ्री स्टाइल में. तो उसके वजह से ये कम्फर्ट जोन जो है ना उससे निकलने मुश्किल हो रहा है मेरे को. उसको ये कर सकते हो. मैं आपको मेरा ड्रॉइंग्स दिखाता हूँ. मैं इधर रखा ये पेंसिल स्केच में किया वाला. क्या बात है, दिख रहा है इधर? हाँ दिख रहा है बहुत अच्छा किया गया, लवली. हाँ, बाद में ऑयल पेंटिंग भी किया है, मतलब टाइगर का पूरा ऑयल पेंटिंग कैनवस में पूरा किया है. अच्छा, तो वही बेसिकली जो ये रिजल्ट मेरे को फ्री हैंड में नहीं आता है ना तो उसके वजह से ये कंफर्ट जोन से निकलने मुश्किल हो रहा है. एक्चुअली बेसिक एक मैं बात यहाँ पे बताता हूँ, जो भी ग्रिड मेथड वगैरह होती है ना, एक्चुअली ये मेथड नहीं है, ये एक व्हील चेयर जैसा है आर्टिस्ट के लिए, व्हील चेयर जैसा. फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, जस्ट एग्जाम्पल आप एक रनर है, बहुत रनर चैंपियन है, ठीक है, बहुत अच्छे से तेज भाग सकते हैं, ठीक है, आप बहुत सारे मेडल्स वगैरह लाते हैं, बहुत आपने कॉम्पिटिशन वगैरह ये की है. फिर एक बंदा आता है, वो आपको बोलता है भाई एक काम कर, अभी तूने बहुत भागा है, अभी भागदौड़ करना छोड़ दे, आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जा. वो आपको ना एक ऐसी चेयर देता है, उस पर बैठ जा, तेरे को उठने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इधर उधर जाना है बस ये कर, ऑटोमेटिकली वहां वो चेयर लेके जाएगी, ठीक है. तेरे को अगर पानी पीना है तू जाने का नहीं है, चेयर उसको आपको जाके ले जाएगी ऐसे. तो वो बंदा क्या एक बार बैठ जाता है उसको कंफर्ट लगने लगता है, क्या बात है यार अभी तो मेरे पैर को कुछ तकलीफ करने की जरूरत नहीं है, ऐसा वो सोचने लगता है. तो वो बस टोटली बस वो चेयर से उठने का उसका मन ही नहीं करता. तो फिर बस उसकी आदत लग जाती है. एक टाइम ऐसा आता है कि उसकी पैरों की प्रैक्टिस भी बंद हो जाती है, उसको ठीक से खड़ा भी नहीं होना आता. फिर कल कॉम्पिटिशन आती है और बोलते हैं कि भाई तेरे को तेज भागना है. वो बोलता है अरे यार मैं कैसे भागू, मेरे तो पैर अभी काम ही नहीं करते, मैं तो उठ भी नहीं पाता ये चेयर के वजह. तो कंपटीशन में क्या वो चेयर लेके भागने वाला है क्या? बिल्कुल नहीं ना. तो यही एग्जैक्टली ये होता है, ये व्हील चेयर है, इसको प्लीज छोड़ दीजिए, जितना हो सके ना अपने पैरों के ऊपर खड़ी हो जाइए. आपके हाथ की जो पावर होती है ना वो फ्री हैंड से ही, मतलब जितना हो सके बस आपका हाथ पूरा मूव होना चाहिए, फ्री मतलब पूरा फ्रीली, ठीक है, इसमें पूरा फ्री होना चाहिए, इसमें कहीं भी ये आना नहीं चाहिए, स्क्वायर स्क्वायर में बंद के नहीं, उस पिंजरे में कैद नहीं होना, खुला रहना, फ्री हैंड टोटल, जितना हो सके जल्दी छोड़ो, बस यही मुझको कहना है. मैं फ्री हैंड स्केचिंग करता हूँ, साइड में प्रैक्टिस हमेशा करता हूँ, पर जब मेरे को एक अच्छा पेंटिंग बड़ा वाला करना है तो वो टाइम में फ्री हैंड करने मेरे को वो होता नहीं है, वो कम्फर्ट जोन से निकलने मुश्किल होता है. ये चेयर बोला आपने, करेक्टली बोला आपने. जब भी हम कोई भी पेंटिंग करते हैं यहाँ पे दो चीजें आती है, आप वो पेंटिंग क्यों कर रहे हैं, राइट, किसी को देना है या आप खुद के लिए कर रहे हैं. अगर आप किसी को देना चाहते हैं जस्ट लाइक कमीशन वगैरह वर्क, तो उसमें रिजल्ट मैटर करता है, राइट, वहां पे रिजल्ट मैटर करता है क्योंकि उसको रिजल्ट चाहिए, उस इंसान को, उस बंदे को, वो कमीशन वर्क के लिए. दूसरी चीज, अगर आप वो खुद के लिए कर रहे हैं तो रिजल्ट मैटर नहीं करता, आपका स्किल मैटर करता है. ओके, तो स्किल मैटर करता है ये कब, आप जब बहुत प्रैक्टिस करेंगे तब, ठीक है. तो ग्रिड से बनाने के बाद आपका स्किल इंप्रूवमेंट नहीं होता, बस आपका रिजल्ट अच्छा होता है. मतलब आपकी बस एक ही पेंटिंग अच्छी होगी, हजारों पेंटिंग अच्छी नहीं होंगी, बस एक पेंटिंग जो भी आपने ग्रिड से बनाया है उससे स्किल इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, बस आपका रिजल्ट आ रहा है आपको. ओके, अगर आपको स्किल इंप्रूवमेंट करनी है, आपको एक सिंप्लिसिटी लानी है, खेल खेल में आपका आर्टवर्क ऐसा बन जाना चाहिए, आप ऐसा चाहते हैं तो आप खुद के लिए वो आर्टवर्क बनाएं और जितना हो सके फ्री हैंड से बनाएं. ठीक है, मैं मानता हूं कोई अगर बंदा चाहता है कि उसका पोर्ट्रेट सेम टू सेम एज इट इज बने, तो कस्टमर चाहते हैं कि फिनिशिंग आए, राइट, तो उसके लिए ग्रेड यूज करना कोई बुरी बात नहीं है, वो हो भी सकता है क्योंकि क्या बोलते हैं उसको रिजल्ट चाहिए, एग्जैक्ट एज इट इज उसको चाहिए. हम उसको कितना भी दिमाग लगा के बताए यार भाई ये आर्टिस्टिक होता है, वो स्ट्रोक वगैरह मैटर करते हैं, उसको कुछ समझ नहीं आने वाला, ठीक है ना, वो जैसा वो चाहता है वैसा आप उसको बना के दीजिए, सिंपल. यस सर, थैंक यू. बाकी मोटी बात की सीधी समझो, प्रेम ने बिल्कुल जो बताया बिल्कुल फैक्ट बताया, प्रैक्टिकली जो सच है बिल्कुल. एंड नो डाउट जो ग्रिड सिस्टम से कर रहे हैं वो कौन कर रहा है, वो आप ही कर रहे हैं, है ना. तो कुल मिला के हाथ में हुनर तो है हमें, ये तो आपको भी पता है.
वो एक दो दिन ये एक तरीके से है ना चरस गांजे के छोड़ने वाली बात है, एक दो दिन तड़पोगे नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, वो मिल नहीं रहा है, पर एक वक्त आता है जब आदत पड़ जाती है, सब कुछ ठीक हो जाता है। तो समय दो, समय लगेगा है ना फ्री हैंड करने में, उसके लिए थोड़ा बहुत समय बस, अपने आप को समय दो, थोड़ा हो जाएगा, वैसा ही बनाएंगे आप जैसा बनाते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू। सो आई थिंक ओवर करते हैं, बहुत वो हो गया, टाइम का पता ही नहीं यार। नहीं, सेशन बहुत ऑसम रहा है एंड इतना मतलब सोच रहा हूँ इसको मैं करेक्ट करके एक दूसरे से कनेक्ट, यूट्यूब पे भी लिमिट होती होगी ना, एक घंटा दो घंटा कितना डाल सकता है वो क्योंकि कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम छोड़ सके। नॉलेजेबल सेशन रहा है, बहुत इनक्रेडिबल, बहुत जबरदस्त, और शायद ये और किसी और के पास होगा भी नहीं। मुझे नहीं लगता कि प्रेम का इतना अच्छा सेशन कहीं और अवेलेबल है, मतलब इतना अच्छा, इतना लंबा, इतना डिटेल कहीं नहीं होगा। बहुत सारे लोगों ने पूछा था ऐसा, तो सफल का फल थोड़ा सा मीठा देने का कोशिश किया हूँ मैंने, तो देखा आपको, मतलब अगर आपको अच्छा लगा तो थैंक यू सो मच। नहीं, अच्छा अच्छा तो बहुत छोटा शब्द है, बहुत अतुल्य, तुलना नहीं कर सकते, इनक्रेडिबल गजल। एंड थैंक यू सो मच, जितने भी लोग देख रहे हैं उनकी तरफ से, और जितने भी लोग मुझे फॉलो करते हैं, जितने भी मेरे शुभचिंतक हैं, जितने मेरे स्टूडेंट हैं, सबके लिए आप आए, आपने डेमो दिया, अच्छी अच्छी बातें बताई और ऐसी ऐसी चीजें बताई जो शायद उन्हें पता भी नहीं थी, हमें भी नहीं पता थी, बहुत सी चीजें ऐसी थी जो हमें भी नहीं जानने को मिली, क्योंकि हम जब फॉरेनर आर्टिस्टों के वीडियो देखते हैं इंस्टाग्राम पे कहीं पे, वो 70 ऐसे कलर यूज में लेते हैं स्क्रीन टोन के लिए, ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट कलर यूज में लेते हैं, यहाँ हमारे पास क्या था, बेसिक 4 कलर, बेसिक 4 से 5 कलर के अंदर आपने ये निकाला, तो नो डाउट यही है, यही खूबसूरती है कि कम से कम आयाम के साथ इतना अच्छा आउटपुट निकालना, जबरदस्त। सो थैंक यू सो मच दोबारा सभी की तरफ से हाथ जोड़ के ये, और भविष्य में मैं फिर परेशान करूंगा और आपको भी आने में मजा आएगा, नो डाउट, आपको आपको भी लगा होगा कि यार यहाँ आना अच्छा था। सो मिलते हैं फिर जल्दी, है ना, जय लंकेश।